हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है सलार पार्ट वन सीज फायर ये एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था तो फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकोगे उसके ऊपर जानकारी देने वाला हूँ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग के कारफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है फिल्म से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं सलार पार्ट वन सी स्पायर सलार का वैसे मीनिंग होता है कमांडर ये एक 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज में बनी पेन इंडियन फिल्म है जिसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में थिएट्रिकली रिलीज किया गया था फिल्म का जो है एपिक एक्शन फिल्म ये फिल्म दो पार्ट में बनी हुई फिल्म में ये फिल्म का पहला पार्ट है वैसे हो सकता है इसका तीसरा भी पार्ट हो इस फिल्म का स्टोरी आइडिया लिखा हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने अपनी खुद की जो पहली फिल्म थी डेब्यू फिल्म उग्रम उससे इंस्पायर होकर इस फिल्म का स्टार्टिंग का जो इनिशियल पोर्सन है वो डेवलप किया हुआ था उसके बाद में पूरा एक खानसार का नया वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है एक फिक्सनल सिटी तैयार की हुई है उसमें भी इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ 拜。 इस फिल्म का डायलॉग है वो लिखा हुआ संदीप रेड्डी बंडला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी ने वैसे स्क्रीन प्ले राइटिंग डिरेक्शन है वो किया हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने के जी एफ़ के जी एफ़ टू जैसी बड़ी फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ है लीड रोल में विजय सॉरी प्रोडक्शन के कंपनी की बात करें तो विजय किरण दूर इस फिल्म को होम्बाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पर इस फिल्म का बजट करीबन दो करोड़ बताया गया था इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में होम्बाले फिल्म वालों ने कुछ जगह पर की रिलीज दिलवाई हुई थी वहीं पे कुछ जगह पे इस फिल्म को अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था वैसे जो उन्होंने खुद की रिलीज़ दिलवाई हुई थी वहाँ पे भी उन्होंने जिस तरह से जो रिलीज दिलवाई थी वो काफ़ी बड़ी थी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी क्रिएट कुछ नेशनल चेंज के रिगार्डिंग जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तब डंकी फिल्म के साथ इस फिल्म को जिस तरह से जो सोच दिए गए थे उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हुई थी लेकिन लेटर ऑन उन सभी चीज़ों के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी खासी कलेक्शन करके दिखाई और बॉक्स ऑफिस पे एक फुल फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जिस तरह से जो इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे कुछ गारंटी बेसिस के ऊपर कुछ को फिक्स राइट्स में बेचे गए थे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो हम्बाले फिल्म वालों ने कर्नाटक में खुद डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में मोक्सा मूवीज़ प्रत्यंगा सिनेमाज़ ने इस फिल्म को जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूट किया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने इस फिल्म को केरला में डिस्ट्रीब्यूट किया तमिलनाडु में इस फिल्म को रेंट जाइंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ ए फिल्म ने सलार फिल्म को नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आंध्र प्रदेश में इस फिल्म को श्री सा श्री साइ सिनेमाज लक्ष्मी नरसीमा श्री मना कंथा फिल्म गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के सेंट टेलीफिल्म श्री वेंगेशमा सिनेमाज़ और शिल्प कला एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश के रीजियंस में अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे जो निज़ाम वाला रीजियन था वहाँ पे मैथ्री मूवी मेकर्स ने खुद का रिलीज दिलवाया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचे गए थे सलार ने नॉन थिएट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे जिसमें सेटेलाइट डिजिटल ऑडियो राइट्स जो थे वो रिलीज से पहले बेच दिए थे जिसको करीबन तीन करोड़ में बेचा हुआ था डिजनी प्लस का डिजनी स्टार वालों को इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बेचे थे वहीं पे स्ट्रीमिंग राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों को उन्होंने बेचे हुए थे सभी वर्जनस के लिए जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर तो अब हम बात करें इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था वायलेंस और इन सभी चीज़ों के चलते जिस तरह का खून खराबा दिखाया था उसके रीजंस के चलते वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में प्रभाष पृथ्वी राशू कुमार श्रुति हसन जैसे बड़े एक्टर्स थे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी भुवन गौबड़ा ने की हुई है उज्ज्वल कुलकर्णी के द्वारा फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट दिया गया था वायलेंस के चलते इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में रवि बसरो ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स हैम्बाले म्यूजिक ने अपने पास रखे हुए थे साथ ही में इसको कोर लेबल किया हुआ था डीओ ने गाने फिल्म में तीन चार ही थे बाकी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स थे तो वो सभी चीज़ें सभी वजन में क्रिएट की हुई थी इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के सॉरी कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रिबिल स्टार प्रभास जी उन्होंने देवरथा रायसार यानी कि सलार या देवा का रोल प्ले किया हुआ है विदेश आनंद ने यंग देवा का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज सुकुमारन डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक का नाम था वरधा यानी कि वरदा राजा मन्नार दूसरे का नाम था शिवा मन्नार का्तिकी देव जो यंग वरदा राजा मन्नार का रोल प्ले करते तो हुए नजर आए थे तो तो श्रुति हासन लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जिन्होंने आद्या कृष्णकांत का रोल प्ले किया हुआ है ईश्वरी राव ने देवा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है जो स्कूल की प्रिंसिपल थी जगपति बाबू ने राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है त्रीनु आनंद ने गायकवाडेला ने का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मा जी ने वाली का रोल प्ले किया हुआ है बॉबी सिन्हा ने भारवा का रोल प्ले किया हुआ है जॉन विजय ने रंगा का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू रुद्र राज मन्नार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे हर्ष रोशन ने इसमें यंग रुद्र मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है एम एस चौधरी इस फिल्म में नारंग के रोल में देखने को मिलेंगे रमणा ने इस फिल्म में रिंदा का, का, का रोल प्ले किया हुआ है मीम गोपी ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है सिरिया रेड्डी ने राजा रामा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में ओबुलम्मा का रोल प्ले करते नजर आएंगे प्रमोद पंजू ने इस फिल्म में बाची राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है बजरंग सेट्टी ने इसमें विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है सौरव लोकेश ने चीका का रोल प्ले किया हुआ है चिल्लुआ राज ने इसमें गुरुंग का रोल प्ले किया हुआ है मधु गुरुस्वामी ने हजारे का रोल प्ले किया जो रुद्र राज के हैंचमैन थे रवि भट्ट ने इसमें कृष्ण

प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अगस्त 2020 की बात है तब प्रभास को अप्रोच किया गया था प्रसन्न नील के द्वारा एक फिल्म बनाना सा चाहते थे जहाँ पे जो उनकी डेब्यू फिल्म थी उग्रम उससे इनिशियल पोर्शन लेके इस फिल्म को टोटल दो तीन टो, 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 पार्ट में डेवलप किया हुआ था ये कहानी प्रभास को सुनाई थी उनको पसंद भी आई थी प्रोडक्शन का काम दो में स्टार्टिंग में स्टार्ट होने वाला था लेकिन प्रभास की राजेशम और आदिपुर का काम चल रहा था वहीं पर प्रसात नील के जब चैप्टर टू के ऊपर काम चल रहा था तो इन दोनों चीज़ों के चलते फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी वो उस फिल्मों के प्रोपी पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन के चक्कर में फिल्म को पोस्टपोन किए हुए थे वैसे इसके बीच में एन टी आर रामा राव जूनियर के साथ भी प्रभा सॉरी प्रशांत नील की फिल्म अनाउंस हुई थी तो शायद उनकी तरफ से यही आया था कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि शायद प्रभास की फिल्म से पहले पे, पे, हो सकती है या एन टी रामा राव की अगर जिस तरह से जो चीज़ें सामने आते उस तरह का रहेगा दो दिसंबर को हम वाले फिल्म बाद में अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि एक बड़ा कोलाब्रेशन होने जा रहा है जहाँ पे प्रशांत नील और प्रभास के बीच में कोलाब्रेशन होने वाला ये तेलुगु फिल्म है जहाँ पर प्रशांत नील और प्रोडक्शन हाउस की ये पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है जिसका टाइटल सलार रखा हुआ है मुहूर्त पूजा सेरेमनी पंद्रह जनवरी दो को रखी गई थी कास्टर क्यू मेम्बर के साथ हैदराबाद में रवि बसरूर को म्यूजिक कम्पोजिशन के लिए उनका भी अप्रोच किया गया तो इस उनके साथ काम किया गया था। इस फिल्म का पहला था, उसके ऊपर शूटिंग का स्टार्ट था आठ जुलाई दो से करवा दिया गया था वैसे इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है उनकी तरफ से सलार का अनाउंसमेंट दो पार्ट में करवाया गया था आठ जुलाई 2023 को जहाँ पे पहले का सब रखा गया था सीज फायर पहले ये एक पार्ट में आने वाली फिल्म थी लेकिन आठ जुलाई 2023 को इनको कंफर्म किया कि फिल्म को दो पार्ट में डेवलप किया जाएगा जो खानसार का वर्ल्ड है उसको प्रॉपर वे में बिल्डअप करके हमारे सामने पेश किया जाएगा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को प्रशांत नील के द्वारा अप्रोच किया गया था जहां पे प्रशांत नील ने जब प्रभास को अप्रोच किया था तब तो एक बाउंड स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई थी उसके ऊपर सिर्फ एक स्टोरी आइडिया और एक चीज़ें डेवलप की गई थी जहाँ पे उसके ऊपर उन्होंने पूरी फिल्म को डेवलप किया था जहाँ पे बताया जा रहा था प्रभास की तरफ से कुछ इंटरव्यू में कि वो एक एक्सट्रीमली वायलेंट किरदार होने वाला है जिन्होंने अभी तक प्रभास की जितनी भी फिल्में देखी हुई है उन्होंने इस टाइप का किरदार उनका नहीं देखा होगा तो ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी अट्ठाईस जुलाई दो को बताया गया था कि इस फिल्म में श्रुति हसन एज एक्ट्रेस के तौर पर जुड़ी हुई है लीड एक्ट्रेस के तौर पर जहाँ पे प्रभास के साथ उनके अपोजिट उनकी ये फिल्म होने वाली है और श्रुति हसन के बर्थडे के मौके के ऊपर ये सभी चीजें अनाउंस की गई थी जहां पे आद्या नाम जितने उन्होंने चार्ज हुए थे। प्रभास ने एक, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जहां पर उनका जो किरदार है वो इस फिल्म की कहानी का मेन पॉइंट होने वाला है जहां पर पृथ्वीराज सुकुमारन तेलुगु सिनेमा में पुलिस पुलिस जो करके दो में फिल्म आई हुई थी उस फिल्म के बाद उनका करीबन बारह तेरह साल के बाद का कम बैक होने वाला है तो ये स्ट्रेट तेलुगु फिल्म के लिए उन्होंने करीबन एक जितना समय उसके बाद वो आए हुए इसके अलावा जगपति बाबू करीब स्वामी ईश्वरी राव श्री रेड्डी तीनों आनंद बॉबी सिमहा रामचंद्र राजू पृथ्वीराज झांसी सप्तगिरी जैसे कई ऐसे एक्टर्स जिसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आए इसके अलावा ट्रेलर और प्रमोशनल ट्रेलर कुछ रिलीज हुए थे तब मीम गोपी और जॉन विजय का प्रेजेंस पता चला था तब पता चला था कि वो भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले तो ये फिल्म की कास्टिंग के साथ काम हुआ था फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म के सत्ताईस जुलाई 2021 को गोदर खाने में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में शूट की गई थी आ, वहां पे श्रुति हसन ने सेट था वो दो दिन लेटर ऑन 29 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म का एक एक्शन एक सिक्वेंस रखा हुआ था प्रजा, प्रभास के साथ उस सीक्वेंस के दौरान कुछ फोटोज़ थे जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए थे उसके बाद में आठ फरवरी को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर प्रभुवन गौड़ा ने अनाउंस किया था कि पहले पा शेड्यूल का काम कंप्लीट हो चुका है सेकंड शेड्यूल है वो तीन अगस्त 2021 से हैदराबाद में स्टार्ट किया जाएगा प्रभाष श्रुति हासन को लेते हुए और वैसे उसके बाद में इसका वो सेकंड शेड्यूल था वो बारह अगस्त तक कंप्लीट करवाया गया था एक छोटा सा शेड्यूल था उसके बाद में प्रभास ने राजेश्याम दो हज़ार में उस फिल्म के लिए इस फ़िल्म से थोड़ा ब्रेक लिया उसके बाद में उनकी नी सर्जरी हुई थी स्पेन में उसके बाद में उन्होंने कल की ट्वेंटी एटी एडी का जो सेट था वो ज्वाइन किया वहाँ पे कुछ कमिटमेंट थी वो कंप्लीट की मई 2022 में 30 परसेंट फिल्म के की शूटिंग कंप्लीट की तीसरा शेड्यूल था वो फिल्म का चौबीस मई को रखा हुआ था और उसके बाद में अट्ठारह मई को शेड्यूल होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते उसको लेटर ऑन पोस्टपोन करना पड़ा उसके बाद में कुछ द सीन्स थे वो एक्शन सीक्वेंस के साथ वो शेयर किए गए थे उसके बाद में 28 जून को हैदराबाद में एक शेड्यूल सेट किया हुआ था उस शेड्यूल में एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे वो एक्शन सीक्वेंस में प्रभास श्रृति हसन और वेज फाइटर उसमें रखे हुए थे स्टांड कोरियोग्राफर के तौर पे इस फिल्म में अन अन्न बीरवी अन्ना बारवी स्टार रखे हुए थे इसके अलावा कुछ ऐसे शेड्यूल से लंबे जिसके साथ फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस और अलग अलग शेड्यूल रखे हुए थे दिसंबर में प्रोड्यूसर विजय किरंगदूर ने 85 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है वो अनाउंस किया हुआ था उसके बाद में साथ में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम स्टार्ट करवा दिया गया था वैसे उसके बाद की जो फाइनल शूटिंग है वो फरवरी 2023 में सेट की गई थी उसी महीने में जहाँ पे 20 मिनट लंबा एक एक्शन सीक्वेंस था उसको एक मिडल ऑफ दिस सी शूट किया हुआ था उस सीक्वेंस के लिए करीबन दस हज़ार का सॉरी दस करोड़ का खर्चा किया गया था जहाँ पे श्रुति हसन ने उस सेट को दस फरवरी को ज्वाइन किया हुआ था वीरा सिमा रेड्डी और वोल्टर विलय फिल्म की जो शूटिंग थी वो वहाँ पर करवाई गई थी सॉरी उस शूटिंग के बाद श्रुति हसन ने उस सेट को ज्वाइन किया हुआ था तेईस फरवरी तक उन्होंने इस शूटिंग के पर अपने पोर्संस को कंप्लीट किया था उसके बाद में माटेरा में इस फिल्म के प्रोडक्शन को मूव किया हुआ था उसके बाद में रोम बुडापेस्ट, नेपल्स में इस फिल्म की कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस पे शूट हुआ था इनिशियली फिल्म को 28 सितंबर 2023 को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन ड्यू टू सम रीजन्स इस फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा और फिल्म को रीशूट किया गया मिड सेप्टेम्बर में उसके बाद में फिल्म की फाइनल एडिटिंग के ऊपर भी काम किया गया था कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले थे तो उसको शूट करने के लिए थोड़ा और टाइम लगा था जहाँ पे एक बिग वॉर सीक्वेंस सेट किया हुआ था जिसमें करीबन 750 व्हीकल यूज़ किए गए थे जीप टैंक्स कार इन ट्रक इन सभी चीज़ों को यूज़ किया हुआ था जिस तरह से इनकी शूटिंग चली थी उसमें करीबन काफ़ी लंबा समय लगा था जिसके चलते तीन सालों के अंदर करीबन 114 वर्किंग डेज लगे थे प्री प्रोडक्शन का काम अलग पोस्ट प्रोडक्शन का अलग तो इतने दिनों में इस फिल्म के इस शूटिंग को ब्रेप किया गया उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म को ले जाया गया जहाँ पे दिसंबर 2022 में विजय किरंग ने बताया था कि इसमें वीएफएक्स का काम अराउंड सिक्स मंथ तक चलने वाला है अगस्त 2023 को पोस्ट प्रोडक्शन के काम को बसर विलेज में कर्नाटक में मूव किया था जहाँ पे रवि बसर का स्टूडियो लोकेटेड है वहाँ पे इसको प्रॉपर वे में एक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था श्रुति हसन ने अपने पोषण की डबिंग थी वो मिड जून अगस्त दो हज़ार तेईस तक कम्प्लीट करवाई जहाँ पे जिन्होंने उन्होंने तेलुगु कन्नडा तमिल मलयालम हिंदी सभी वर्जनस के लिए खुद ही डबिंग की डबिंग की हुई थी और उसके बाद में सेप्टेम्बर महीने में इस फिल्म के दूसरे डबिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट करते हुए नज़र आए थे पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी दस दिसंबर दो हज़ार तक पूरी डबिंग अपने पोषण की कम्प्लीट करवाई अप्रोक्सीमेटली इस फिल्म में करीबन सिक्स हंड्रेड यूज किए गए थे जहाँ पे मिड सितंबर तक इसको का काम चला हुआ था जहाँ पे कुछ चीज़ें रीशूट की गई थी कुछ चीज़ों को पोस्टपोन किया गया था जिसके चलते शूटिंग लेट हुई थी जहाँ पे ओरिजिनल रिलीज थी अट्ठाईस सेप्टेम्बर की रिलीज़ डेट अनाउंस की गई थी उसके बाद में वो भी मूव करके बाद में बाईस दिसंबर दो को रिलीज डेट अनाउंस किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं म्यूजिक के राइट थे वो हम वाले म्यूजिक यानी कि फिल्म के प्रोडक्शन के पास थे डी ओ वालों ने इसको को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा 2022 हजार बाईस थे इसमें गानों को रिकॉर्ड किया था रवि बसरु स्टूडियोज में रवि बसरू ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पे उनका इस फिल्म के साथ करीबन चौथा कोलोब्रेशन था प्रशांत नील के साथ इस फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो चार ही गाने थे उसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थे गानों की ट्रैक लिस्टिंग करें तो सभी गानों पहले बता दो कि लिखे हुए कृष्णाकांत ने पहला गाना था सुरिंदे जिसको हरिन इवंतुरी ने गाया हुआ था जिसको तेरह दिसंबर 2023 को रवि बसरूर सॉरी हम्बाले म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था प्रतिका द करके जो गाना था उसको कोरस ने गाया हुआ था जिसको 21 दिसंबर 2023 तक ऑफिशियली रिलीज करवाया था उसके एक दिन बाद 22 दिसंबर 2023 को साउंड ऑफ सलार को इंस्ट्रूमेंटल के तौर पे रिलीज़ किया था विनारा गाने को सचिन बसरूर ने गाया हुआ था उसको फॉर सिंगल के तौर पे 26 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया आरू सेतुलना करके जो गाना था उसको कना कलवर ने गाया हुआ था इसके अलावा सलार के पार्ट वन सीज फायर के ट्रेलर थीम थी सलार के फाइनल पंच थीम थी तो वो टोटल मिला के साठ ट्रैक हुए थे वर्ल्ड ऑफ खांसार का एक इंस्ट्रूमेंटल तैयार किया गया था तो इस तरह से 20 से 22 मिनट का एक साउंड ट्रैक तैयार हुआ था जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था इन सभी गानों को हिंदी में भी क्रिएट किया गया था हिंदी ट्रैक लिस्टिंग करें तो गानों के सभी लिरिक्स थे वो लिखे हुए थे रिया मुखर्जी ने सूरज ही छाव बन के गाना था वो मेनूका पौंडल ने गाया हुआ था किस्मतों में गाने को कोरस ने गाया हुआ था ग्यारह गाने को श्री कृष्णा ने वहीं पे काली माँ वाला जो गाना था उसको सशिका मूर्त ने गाया हुआ था इसके अलावा सभी इंस्ट्रूमेंटल थे तो ये सभी चीज़ें अभी आपको फिलहाल में सुनें तो हम्बाले म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर या डीओ के द्वारा जो रिलीज़ किए गए उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर इन गानों को ऑफिशियली वीडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब बात कर लेते हैं कहानी के ऊपर जहाँ पे देवा जो प्रभास रोल प्ले कर रहे केजल लाइफ जी रहे अपनी माँ के साथ जहाँ पे वो तीन में अपना एक पीसफुल लाइफ जी रहे लेकिन उनकी माँ के साथ कुछ ऐसा पास्ट हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा का एक डिस्टर्बिंग पास्ट था जहाँ पे उसके बाद में फिल्म की कहानी है वो आद्या की ओर दिखाई जाती है कुछ गुंडे उस आद्या नाम की लड़की के तलाश में श्रुति हसन वो रोल प्ले कर रही है उस टाउन में वो नई नई आई हुई है और कुछ चीज़ें वो डिस्कवर कर रहे हैं जहाँ पे धीरे धीरे पता चलता है देवा वो का ट्रैक है जो एक दिखाया जाता है इस गैंगस्टर के साथ जहाँ पे जो ये गैंग है गुन्स की वो क्यों पीछे पड़ी हुई है वरदा राजा मन्नार यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो खानसा सिटी से बिलोंग करते हैं वो उनके बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ उनकी क्या इक्वेशन है उसके बाद में ये वोर है जो एक क्रिएट होने वाली है खानसार में उसके ऊपर क्या चीज़ें होने वाली है उसमें देवा का क्या टेक होने वाला है आदिया इस फिल्म में किस तरह से क्या जुड़ी हुई है वो कौन है उसका किरदार क्या? पास्ट क्या है वरदराज राज्य क्या करना चाह रहा है अपने दोस्त के साथ उसने क्या, क्या चीज़ें की हुई है वो सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से प्रभास का किरदार लिखा गया था वो एक फुल फ्लेज एक्शन फिल्म के तौर पे लिखा गया था जहाँ पे उनका वो किरदार था वो काफी बढ़िया था उसमें एक्शन सिक्वेंस अच्छे थे इमोशनल सीन्स डाले हुए थे रोमांस भी डाला हुआ था साथ ही में एक माँ मा बेटे की बॉन्डिंग वाले सिक्वेंस भी थे फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग दिखाई हुई थी तो एक प्रॉपर एक किरदार तैयार किया गया था जिसमें काफी देप्स लाई हुई थी और प्रभास ने बखूबी उस किरदार को समझा हुआ है और उस किरदार में उन्होंने जान फूकी हुई है जिस तरह से उन्होंने इस किरदार के साथ एक सीमलेसली काम किया हुआ है सलाह के देवा के रोल में जिस तरह उनका वो रोल डिलीवर करते हुए नजर आते वो काफी बढ़िया था उनका जो कैरेक्टर था उसमें डायलॉग्स बहुत कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें जो वायलेंस दिखाया हुआ उनके फिजिक्स थे डायलॉग डिलीवरी जो दो चार डायलॉग कम थे वो भी उसमें डायलॉग डिलीवरी थी ओवरऑल जिस तरह से उन्होंने जो एक पर्सोना उसमें क्रिएट किया हुआ था उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका बिहेवियर रूथलेस बिहेवियर दिखाया हुआ था एक मीनिसिंग रोल दिखाया हुआ था जिस तरह से एक्शन सिकवंस में वो सभी चीज़ें देखने को मिलते हैं उनके इमोशनल सीन्स थे वो सभी चीज़ें फिल्म में एक डेप क्रिएट करती है वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को बेहतर मैनर में, में आगे बढ़ाते हुए नज़र आते पृथ्वीराज सुकुमारन जो इस फिल्म में एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते अपने रोल के साथ एक परफेक्टली वो एक डेप्थ क्रिएट करते हुए नजर आते प्रशांत तिल के साथ उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है प्रशांत तिल ने जिस तरह से उनके पास से जो काम निकलवाया तो वो शानदार था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से उन्होंने सीन्स में प्रभास के साथ काम किया उनके साथ जितने में जो एक स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था तो वो सभी चीज़ें मिला के फिल्म को और बेहतर बना देती है इसके अलावा इस फिल्म में फर्स्ट हाफ में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है जहाँ पे पूरा जो वर्ल्ड है खान सर का वो दिखाया हुआ है एक एक कैरेक्टर कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया हुआ है स्क्रीन प्ले को एक एलिवेटिंग मैनर में दिखाया हुआ है एक्शन सीक्वेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग रखे हुए फिल्म में विसल विशलवर्सी मोमेंट्स भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे फिल्म का इंटरवल क्लाइमैक्स और एलिवेशन वाले सीन्स डेफिनेटली फिल्म के ओर आपको अपील करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में आपको फर्स्ट हाफ़ आप में जिस तरह से जो डिसेंट पेस देखने को मिलती है सेकंड हाफ में वो पेस थी वो थोड़ी इधर उधर जाती हुई नज़र आती है के जी से आप कंपेयर करने लगते हो तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग इम्पेक्ट क्रिएट करती है और इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से जो जगपति बाबू बोबी सिमा जोन विजय सीरिया रेड्डी जैसे एक्टर्स के पास काम निकलवाया साथ ही में जिस तरह से ब्रह्मा जो जहाँ से को साइडलाइन किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें बेहतर की जा सकती थी उन सभी एक्टर्स के पास अच्छी रोल अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई जा सकती थी इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से एज अ डायरेक्टर के तौर पे प्रूव किया हुआ है कि वो एलिवेशन वाले सीन है हीरोइज्म वाले सीन है उसको काफ़ी बेहतर तरीके से बताने के लिए जाने जाते हैं इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से स्टोरी स्क्रीन प्ले के ऊपर फोकस किया हुआ है ओवरऑल जो नरेशन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ें मेकर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से एनस की हुई है कैमरा वर्क काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफर ने कमेंडेबल काम किया हुआ है बीजीएम फिल्म की अच्छी है जो एलिवेशन वाले सीन से उसको अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नज़र आते इसके अलावा स्टंट की कोरियोग्राफी काफी बढ़िया थी उज्ज्वल कुलकर्णी के द्वारा जो एडिटिंग की गई है उसको थोड़ा हाँ क्रिस्प किया जा सकता था लेकिन ओवरऑल अच्छी है प्रोडक्शन वैल्यू कमेंडेबल नजर आएगी कुल मिला के सलार पार्ट वन सीज फायर एक इंटेंस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे प्रभास की टेरिफिक परफॉर्मेंस पृथ्वीराज सुकुमारन का एक अच्छा सपोर्टिव रोल इसके अलावा जो एक्शन सिक्वेंस है जिस तरह से फिल्म को स्टंट में कोरियोग्राफ किया हुआ उसका जो एक एक्सिक्यूशन निकल के आया हुआ है वो एक अच्छी अपील देता हूँ नजर आता है को कनेक करेगा। और साथ ही में पता है कि इस फिल्म में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स है सलार पार्ट वन सीज फायर को मल्टीपल लैंग्वेज में बाईस दो हजार तेईस को थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था दो सौ सत्तर करोड़ का बजट था उसके सामने फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक बड़ी ओपनिंग ली हुई थी ओपनिंग के बाद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी एक डिसेंट टू पॉजिटिव निकला हुआ था जहाँ पे तिप्पन तीस ति, फिफ्टी थ्री थाउजेंड वोट भी फिलहाल में मिले हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म ने डे बाई डे एक बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था पहले दिन फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से नाइन्टी करोड़ का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर निकला हुआ था इसके इंडिया से वन नाइन्टी फाइव था ओवरऑल एक वन सेवेंटी एट पॉइंट सेवन करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया था मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहा जहां पे इस फिल्म ने करीबन सात करोड सौ करोड़ से ज़्यादा का क्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से सलार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस लिया वैसे इस फिल्म के ओटीटी राइट्स थे और नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे थे सैटेलाइट राइट्स थे और स्टार नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको अगर ऑफिशियली देखने हैं तो सलार पार्ट वन सीज फायर नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो मल्टीपल लैंग्वेजेस में वहीं पर इस फिल्म के स्टार के जितने भी चैनल है वहाँ पे इस फिल्म का सलार का अलग अलग वर्जन में हिंदी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन में आ, फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म फिलहाल में नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेजेज में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार माँ जैसे अलग अलग चैनल से जो स्टार की अलग अलग लैंग्वेज के लिए वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर प्री करवाया हुआ है तो वहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म आप ऑफिशियली मल्टीपल लैंग्वेज में इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे ये फिल्म ओ टी टी और सेटेलाइट पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे सलार पार्ट वन सीजफायर सलार का वैसे मीनिंग होता है कमांडर ये एक 2023 की के इंडियन तेलुगु लैंग्वेज में बनी पेन इंडियन फिल्म है जिसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में थिएट्रिकली रिलीज किया गया था फिल्म का जो है एपिक एक्शन फिल्म ये फिल्म दो पार्ट में बनी हुई फिल्म में ये फिल्म का पहला पार्ट है वैसे हो सकता है इसका तीसरा भी पार्ट हो इस फिल्म का स्टोरी आइडिया लिखा हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने अपनी खुद की जो पहली फिल्म थी डेब्यू फिल्म उग्रम उससे इंस्पायर होकर इस फिल्म का स्टार्टिंग का जो इनिशियल पोर्सन है वो डेवलप किया हुआ था उसके बाद में पूरा एक खानसार का नया वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है एक फिक्सनल सिटी तैयार की हुई है उसमें भी इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ 拜。 इस फिल्म का डायलॉग है वो लिखा हुआ संदीप रेड्डी बंडला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी ने वैसे स्क्रीन प्ले राइटिंग डिरेक्शन है वो किया हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने के जी एफ के जी एफ टू जैसी बड़ी फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ है लीड रोल में विजय सॉरी प्रोडक्शन की कंपनी की बात करें तो विजय किरण दूर इस फिल्म को होम्बाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पर इस फिल्म का बजट करीबन दो करोड़ बताया गया था इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में होम्बाले फिल्म्स वालों ने कुछ जगह पर खुद की रिलीज दिलवाई हुई थी वहीं पे कुछ जगह पे इस फिल्म को अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था वैसे जो उन्होंने खुद की रिलीज़ दिलवाई हुई थी वहाँ पे भी उन्होंने जिस तरह से जो रिलीज़ दिलवाई थी वो काफ़ी बड़ी थी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी क्रिएट कुछ नेशनल चेंज के रिगार्डिंग जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तब डंकी फिल्म के साथ इस फिल्म को जिस तरह से जो सोच दिए गए थे उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हुई थी लेकिन लेटर ऑन उन सभी चीज़ों के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी खासी कलेक्शन करके दिखाई और बॉक्स ऑफिस पे एक फुल फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जिस तरह से जो इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे कुछ

श्री मनाकंथा फिल्म गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के टेलीफिल्म श्री और शिल्प कला एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश के रीजियंस में अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे जो निजाम वाला रीजन था वहां पर मैत्री मूवी मेकर्स ने खुद का रिलीज दिलवाया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग जगह पर इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचे गए थे सलार ने नॉन थिएट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे जिसमें सेटेलाइट डिजिटल ऑडियो राइट्स जो थे वो रिलीज से पहले ही बेच दिए थे जिसको करीबन 350 करोड़ में बेचा हुआ था डिजनी प्लस डिजनी स्टार वालों को इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बेचे थे वहीं पे स्ट्रीमिंग राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों को उन्होंने बेचे हुए थे सभी वर्जन के लिए जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर तो अब हम बात करें इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था वायलेंस और इन सभी चीज़ों के चलते जिस तरह का खून खराबा दिखाया था उसके रीजंस के चलते वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में प्रभाष पृथ्वीरा सुकुमार श्रुति हसन जैसे बड़े एक्टर्स थे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की हुई उज्ज्वल कुलकर्णी के द्वारा फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से हेडल सर्टिफिकेट दिया गया था वायलेंस के चलते इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में रवि बसरो ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे साथ ही में इसको को लेबल किया हुआ था डीओ ने गाने फिल्म में तीन चार ही थे बाकी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स थे तो वो सभी चीजें सभी वजन में क्रिएट की हुई थी इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के सॉरी कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रिबिल स्टार प्रभास जी उन्होंने देवरथा राई सार यानी कि सलार या देवा का रोल प्ले किया हुआ है विदेश आनंद ने यंग देवा का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज सुकुमारन डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक का नाम था वरधा यानी कि वरदा राजा मन्नार दूसरे का नाम था शिवा मन्नार का्तिकी देव जो यंग वरदा राजा मन्नार का रोल प्ले करते तो हुए नजर आए थे श्रुति हासन लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जिन्होंने आद्या कृष्णकांत का रोल प्ले किया हुआ है ईश्वरी राव ने देवा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है जो स्कूल की प्रिंसिपल थी जगपति बाबू ने राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है त्रीनु आनंद ने गायकवाडेला का रोल प्ले किया हुआ हुआ है है ने इसमें ओम का रोल प्ले किया ब्रह्मा जी ने वाली का रोल प्ले किया हुआ है बॉबी सिन्हा ने भारवा का रोल प्ले किया हुआ है जॉन विजय ने रंगा का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू रुद्र राज मन्नार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे हर्ष रोशन ने इसमें यंग रुद्र मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है एम एस चौधरी इस फिल्म में नारंग के रोल में देखने को मिलेंगे रमणा ने इस फिल्म में रिंदा का रोल प्ले किया हुआ है मीम गोपी ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है सिरिया रेड्डी ने राजा रामा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में ओबुलम्मा का रोल प्ले करते नजर आएंगे प्रमोद पंजू ने इस फिल्म में बाची राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है बजरंग सेट्टी ने इसमें विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है सौरव लोकेश ने चीका का रोल प्ले किया हुआ है चिल्लुआ राज ने इसमें गुरुंग का रोल प्ले किया हुआ है मधु गुरुस्वामी ने हजारे का रोल प्ले किया जो रुद्र राज के हैंचमैन थे रवि भट्ट ने इसमें कृष्ण

प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अगस्त 2020 की बात है तब प्रभास को अप्रोच किया गया था प्रसन्न नील के द्वारा एक फिल्म बनाना सा चाहते थे जहाँ पे जो उनकी डेब्यू फिल्म थी उग्रम उससे इनिशियल पोर्सन लेके इस फिल्म को टोटल दो तीन टो, 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 पार्ट में डेवलप किया हुआ था ये कहानी प्रभास को सुनाई थी उनको पसंद भी आई थी प्रोडक्शन का काम दो में स्टार्टिंग में स्टार्ट होने वाला था लेकिन प्रभास की राजेशम और आदिपुर का काम चल रहा था वहीं पर प्रसाद नील के जब चैप्टर टू के ऊपर काम चल रहा था तो इन दोनों चीज़ों के चलते फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी वो उस फिल्मों के प्रोपी पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन के चक्कर में फिल्म को पोस्टपोन किए हुए थे वैसे इसके बीच में एन टी आर रामा राव जूनियर के साथ भी प्रभा सॉरी प्रशांत नील की फिल्म अनाउंस हुई थी तो शायद उनकी तरफ से यही आया था कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि शायद प्रभास की फिल्म से पहले पे, पे, हो सकती है या एन टी रामा राव की अगर जिस तरह से जो चीज़ें सामने आते उस तरह का रहेगा दो दिसंबर को हम वाले फिल्म बाद में अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि एक बड़ा कोलाब्रेशन होने जा रहा है जहाँ पे प्रशांत नील और प्रभास के बीच में कोलाब्रेशन होने वाला ये तेलुगु फिल्म है जहाँ पर प्रशांत नील और प्रोडक्शन हाउस की ये पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है जिसका टाइटल सलार रखा हुआ है मुहूर्त पूजा सेरेमनी पंद्रह जनवरी दो को रखी गई थी कास्टर क्यू मेम्बर के साथ हैदराबाद में रवि बसरूर को म्यूजिक कम्पोजिशन के लिए लिया गया जहाँ पर प्रशांत नील के साथ उनका कंजिक्यूटिव चौथा कोलोब्रेशन था भुवन गौड़ा उज्ज्वल कलकनी जिन्होंने के चैप्टर टू में भी काम किया था उनको भी अप्रोच किया गया तो इस तरह से उनके साथ काम किया गया था इस फिल्म का पहला पार्ट था उसके ऊपर शूटिंग का स्टार्ट था आठ जुलाई दो से करवा दिया गया था आ, वैसे इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है उनकी तरफ से सलार का अनाउंसमेंट दो पार्ट में करवाया गया था आठ जुलाई 2023 को जहाँ पे पहले का सब रखा गया था सीज पायर पहले ये एक पार्ट में आने वाली फिल्म थी लेकिन आठ जुलाई दो को इनको कन्फर्म किया कि फ़िल्म को दो पार्ट में डेवलप किया जाएगा जो खानसार का वर्ल्ड है उसको प्रॉपर वे में बिल्डअप करके हमारे सामने पेश किया जाएगा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को प्रशांत नील के द्वारा अप्रोच किया गया था जहां पे प्रशांत नील ने जब प्रभास को अप्रोच किया था तब तो एक बाउंड स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई थी उसके ऊपर सिर्फ एक स्टोरी आइडिया और एक चीज़ें डेवलप की गई थी जहाँ पे उसके ऊपर उन्होंने पूरी फिल्म को डेवलप किया था जहाँ पे बताया जा रहा था प्रभास की तरफ से कुछ इंटरव्यू में कि वो एक एक्सट्रीमली वायलेंट किरदार होने वाला है जिन्होंने अभी तक प्रभास की जितनी भी फिल्में देखी हुई है उन्होंने इस टाइप का किरदार उनका नहीं देखा होगा तो ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी अट्ठाईस जुलाई दो को बताया गया था कि इस फिल्म में श्रुति हसन एज एक्ट्रेस के तौर पर जुड़ी हुई है लीड एक्ट्रेस के तौर पर जहाँ पे प्रभास के साथ उनके अपोजिट उनकी ये फिल्म होने वाली है और श्रुति हसन के बर्थडे के मौके के ऊपर ये सभी चीजें अनाउंस की गई थी जहां पे आद्या नाम जितने उन्होंने चार्ज हुए थे। प्रभास ने एक, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जहां पर उनका जो किरदार है वो इस फिल्म की कहानी का मेन पॉइंट होने वाला है जहां पर पृथ्वीराज सुकुमारन तेलुगु सिनेमा में पुलिस पुलिस जो करके दो में फिल्म आई हुई थी उस फिल्म के बाद उनका करीबन बारह तेरह साल के बाद का कम होने वाला है तो ये स्ट्रेट तेलुगु फिल्म के लिए उन्होंने करीबन एक डेकेट जितना समय उसके बाद वो आए हुए इसके अलावा जगपति बाबू स्वामी ईश्वरी राव रेड्डी आनंद बॉबी रामचंद्र राजू पृथ्वीराज झांसी सप्तगिरी जैसे कई ऐसे एक्टर्स जिसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आए इसके अलावा ट्रेलर और प्रमोशनल ट्रेलर कुछ रिलीज हुए थे तब मीम गोपी और जॉन विजय का प्रेजेंस पता चला था तब पता चला था कि वो भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले तो ये फिल्म की कास्टिंग के साथ काम हुआ था फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी सत्ताईस जुलाई दो जुलाई 2021 को गोदर खाने में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में शूट की गई थी आ, वहां पे श्रुति हसन ने सेट था वो दो दिन लेटर ऑन 29 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म का एक एक्शन एक सिक्वेंस रखा हुआ था प्रजा, प्रभास के साथ उस सीक्वेंस के दौरान कुछ फ़ोटोज़ थे जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए थे उसके बाद में आठ फरवरी को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर प्रभुवन गौड़ा ने अनाउंस किया था कि पहले पा शेड्यूल का काम कंप्लीट हो चुका है सेकंड शेड्यूल है वो तीन अगस्त 2021 से हैदराबाद में स्टार्ट किया जाएगा प्रभाष श्रुति हासन को लेते हुए और वैसे उसके बाद में इसका वो सेकंड शेड्यूल था वो बारह अगस्त तक कंप्लीट करवाया गया था एक छोटा सा शेड्यूल था उसके बाद में प्रभास ने राजेश्याम दो हज़ार में उस फिल्म के लिए इस फ़िल्म से थोड़ा ब्रेक लिया उसके बाद में उनकी नी सर्जरी हुई थी स्पेन में उसके बाद में उन्होंने कल की ट्वेंटी एट्टी एडी का जो सेट था वो ज्वाइन किया वहाँ पे कुछ कमिटमेंट थी वो कंप्लीट की मई 2022 में 30 परसेंट फिल्म के की शूटिंग कंप्लीट की तीसरा शेड्यूल था वो फिल्म का चौबीस मई को रखा हुआ था और उसके बाद में अट्ठारह मई को शेड्यूल होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते उसको लेटर ऑन पोस्टपोन करना पड़ा उसके बाद में कुछ द सीन्स थे वो एक्शन सीक्वेंस के साथ वो शेयर किए गए थे उसके बाद में 28 जून को हैदराबाद में एक शेड्यूल सेट किया हुआ था उस शेड्यूल में एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे वो एक्शन सीक्वेंस में प्रभास श्रुति हसन और वेज फाइटर उसमें रखे हुए थे स्टांड कोरियोग्राफर के तौर पे इस फिल्म में अन अन्न बीरवी अन्ना बारवी स्टार रखे हुए थे इसके अलावा कुछ ऐसे शेड्यूल से लंबे जिसके साथ फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस और अलग अलग शेड्यूल रखे हुए थे दिसंबर में प्रोड्यूसर विजय किरंगदूर ने 85 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है वो अनाउंस किया हुआ था उसके बाद में साथ में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम स्टार्ट करवा दिया गया था वैसे उसके बाद की जो फाइनल शूटिंग है वो फरवरी 2023 में सेट की गई थी उसी महीने में जहाँ पे 20 मिनट लंबा एक एक्शन सीक्वेंस था उसको एक मिडल ऑफ दिस सी शूट किया हुआ था उस सीक्वेंस के लिए करीबन दस हज़ार का सॉरी दस करोड़ का खर्चा किया गया था जहाँ पे श्रुति हसन ने उस सेट को दस फरवरी को ज्वाइन किया हुआ था वीरा सिमा रेड्डी और वोल्टर विलय फिल्म की जो शूटिंग थी वो वहाँ पर करवाई गई थी सॉरी उस शूटिंग के बाद श्रुति हसन ने उस सेट को ज्वाइन किया हुआ था तेईस फरवरी तक उन्होंने इस शूटिंग के पर अपने पोर्संस को कंप्लीट किया था उसके बाद में माटेरा में इस फिल्म के प्रोडक्शन को मूव किया हुआ था उसके बाद में रोम बुडापेस्ट, नेपल्स में इस फिल्म की कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस पे शूट हुआ था इनिशियली फिल्म को 28 सितंबर 2023 को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन ड्यू टू सम रीजंस इस फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा और फिल्म को रीशूट किया गया मिड सेप्टेम्बर में उसके बाद में फिल्म की फाइनल एडिटिंग के ऊपर भी काम किया गया था कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले थे तो उसको शूट करने के लिए थोड़ा और टाइम लगा था जहाँ पे एक बिग वॉर सिक्वेंस सेट किया हुआ था जिसमें करीबन सात सौ पचास व्हीकल यूज किए गए थे जीप टैंक्स कार इन ट्रक इन सभी चीज़ों को यूज़ किया हुआ था जिस तरह से इनकी शूटिंग चली थी उसमें करीबन काफ़ी लंबा समय लगा था जिसके चलते तीन सालों के अंदर करीबन एक सौ चौदह वर्किंग डेज लगे थे प्री प्रोडक्शन का काम अलग पोस्ट प्रोडक्शन का अलग तो इतने दिनों में इस फिल्म के इस शूटिंग को ब्रेप अप किया गया उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म को ले जाया गया जहाँ पे दिसंबर 2022 में विजय किरंग ने बताया था कि इसमें वीएफएक्स का काम अराउंड सिक्स मंथ तक चलने वाला है अगस्त 2023 को पोस्ट प्रोडक्शन के काम को बसर विलेज में कर्नाटक में मूव किया था जहाँ पे रवि बसर का स्टूडियो लोकेटेड है वहाँ पे इसको प्रॉपर वे में एक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। श्रुति हसन ने अपने पोषण की डबिंग थी वो मिड जून अगस्त दो हज़ार तेईस तक कम्प्लीट करवाई जहाँ पे जिन्होंने उन्होंने तेलुगु कन्नड़ा तमिल मलयालम हिंदी सभी वर्जनस के लिए खुद ही डबिंग की डबिंग की हुई थी और उसके बाद में सितंबर महीने में इस फिल्म के दूसरे डबिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म की डबिंग कंप्लीट करते हुए नज़र आए थे पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी 10 दिसंबर 2022 तक पूरी डबिंग अपने पोषण के कंप्लीट करवाई अप्रोक्सीमेटली इस फिल्म में करीबन 600 हंड्रेड वेफ एपिसोड्स यूज़ किए गए थे जहाँ पे मिड सेप्टेम्बर तक इसको का काम चला हुआ था जहाँ पे कुछ चीज़ें रीशूट की गई थी कुछ चीज़ों को पोस्टपोन किया गया था जिसके चलते शूटिंग लेट हुई थी जहाँ पे ओरिजिनल रिलीज़ थी अट्ठाईस सेप्टेंबर की रिलीज़ डेट अनाउंस की गई थी उसके बाद में वो भी मूव करके बाद में 22 दिसंबर 2023 को रिलीज डेट अनाउंस किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं म्यूजिक के राइट थे वो हम वाले म्यूजिक यानी कि फिल्म के प्रोडक्शन के पास थे डी ओ वालों ने इसको को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा 2022 हजार बाईस थे इसमें गानों को रिकॉर्ड किया था रवि रवि बसरु स्टूडियोज में रवि बसरु ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पे उनका इस फिल्म के साथ करीबन चौथा कोलोब्रेशन था प्रशांत नील के साथ इस फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो चार ही गाने थे उसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थे गानों की ट्रैक लिस्टिंग करें तो सभी गानों पहले बता दो कि लिखे हुए कृष्णाकांत ने पहला गाना था सुरिंदे जिसको हरिन इवंतुरी ने गाया हुआ था जिसको तेरह दिसंबर 2023 को रवि बसरूर सॉरी हम्बाले म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था प्रतिका द लो करके जो गाना था उसको कोरस ने गाया हुआ था जिसको 21 दिसंबर 2023 तक ऑफिशियली रिलीज करवाया था उसके एक दिन बाद 22 दिसंबर 2023 को साउंड ऑफ सलार को इंस्ट्रूमेंटल के तौर पे रिलीज़ किया था विनारा गाने को सचिन बसरूर ने गाया हुआ था उसको फॉर सिंगल के तौर पे 26 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया आरू सेतुलन्ना करके जो गाना था उसको कना कलवर ने गाया हुआ था इसके अलावा सलार के पार्ट वन सीज फायर के ट्रेलर थीम थी सलार के फाइनल पंच थीम थी तो वो टोटल मिला के साठ ट्रैक हुए थे वर्ल्ड ऑफ खांसार का एक इंस्ट्रूमेंटल तैयार किया गया था तो इस तरह से 20 से 22 मिनट का एक साउंड ट्रैक तैयार हुआ था जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था इन सभी गानों को हिंदी में भी क्रिएट किया गया था हिंदी ट्रैक लिस्टिंग करें तो गानों के सभी लिरिक्स थे वो लिखे हुए थे रिया मुखर्जी ने सूरज ही छाव बन के गाना था वो मेनूका पौंडल ने गाया हुआ था किस्मतों में गाने को कोरस ने गाया हुआ था ग्यारह गाने को श्री कृष्णा ने वहीं पे काली माँ वाला जो गाना था उसको सशिका मूर्त ने गाया हुआ था इसके अलावा सभी इंस्ट्रूमेंटल थे तो ये सभी चीज़ें अभी आपको फिलहाल में सुनें तो हम्बाले म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर या डीओ के द्वारा जो रिलीज़ किए गए उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर इन गानों को ऑफिशियली वीडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब बात कर लेते हैं कहानी के ऊपर जहाँ पे देवा जो प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं लाइफ जी रहे अपनी माँ के साथ जहाँ पे वो तीन में अपना एक पीसफुल लाइफ जी रहे लेकिन उनकी माँ के साथ कुछ ऐसा पास्ट हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा का एक डिस्टर्बिंग पास्ट था जहाँ पे आ, उसके बाद में फिल्म की कहानी है वो आद्या की ओर दिखाई जाती है कुछ गुंडे उस आद्या नाम की लड़की के तलाश में श्रुते हसन वो रोल प्ले कर रही है उस टाउन में वो नई नई आई हुई है और कुछ चीज़ें वो डिस्कवर कर रहे हैं जहाँ पे धीरे धीरे पता चलता है देवा वो का ट्रैक है जो एक दिखाया जाता है इस गैंगस्टर के साथ जहाँ पे जो ये गैंग है गुन्स की वो क्यों पीछे पड़ी हुई है वरदा राजा मन्नार यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो खानसा सिटी से बिलोंग करते वो उनके बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ उनकी क्या इक्वेशन है उसके बाद में ये वॉर है जो एक क्रिएट होने वाली है खानसार में उसके ऊपर क्या चीज़ें होने वाली है उसमें देवा का क्या टेक होने वाला है आदिया इस फिल्म में किस तरह से क्या जुड़ी हुई है वो कौन है उसका किरदार क्या? पास्ट क्या है वर्द राज्य क्या करना चाह रहा है अपने दोस्त के साथ उसने क्या, क्या चीज़ें की हुई है वो सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से प्रभास का किरदार लिखा गया था वो एक फुल फ्लेज एक्शन फिल्म के तौर पे लिखा गया था जहाँ पे उनका वो किरदार था वो काफी बढ़िया था उसमें एक्शन सिक्वेंस अच्छे थे इमोशनल सीन्स डाले हुए थे रोमांस भी डाला हुआ था साथ ही में एक माँ मा बेटे की बॉन्डिंग वाले सिक्वेंस भी थे फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग दिखाई हुई थी तो एक प्रॉपर एक किरदार तैयार किया गया था जिसमें काफी देप्स लाई हुई थी और प्रभास ने बखूबी उस किरदार को समझा हुआ है और उस किरदार में उन्होंने जान फूकी हुई जिस तरह से उन्होंने इस किरदार के साथ एक सीमलेसली काम किया हुआ है सलार के देवा के रोल में जिस तरह उनका वो रोल डिलीवर करते हुए नजर आते वो काफी बढ़िया था उनका जो कैरेक्टर था उसमें डायलॉग्स बहुत कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें जो वायलेंस दिखाया हुआ उनके फिजिक्स थे डायलॉग डिलीवरी जो दो चार डायलॉग कम थे वो भी उसमें डायलॉग डिलीवरी थी ओवरऑल जिस तरह से उन्होंने जो एक पर्सोना उसमें क्रिएट किया हुआ था उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका बिहेवियर रूथलेस बिहेवियर दिखाया हुआ था एक मीनिसिंग रोल दिखाया हुआ था जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस में वो सभी चीज़ें देखने को मिलते हैं उनके इमोशनल सीन्स थे वो सभी चीज़ें फिल्म में एक डेप क्रिएट करती है वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को बेहतर मैनर में, में आगे बढ़ाते हुए नज़र आते पृथ्वीराज सुकुमारन जो इस फिल्म में एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते अपने रोल के साथ एक परफेक्टली वो एक डेप्थ क्रिएट करते हुए नज़र आते प्रशांत तिल के साथ उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है प्रशांत तिल ने जिस तरह से उनके पास से जो काम निकलवाया तो वो शानदार था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से उन्होंने सीन्स में प्रभास के साथ काम किया उनके साथ जितने में जो एक स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था तो वो सभी चीज़ें मिला के फिल्म को और बेहतर बना देती है इसके अलावा इस फिल्म में फर्स्ट हाफ में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है जहाँ पे पूरा जो वर्ल्ड है खानसर का वो दिखाया हुआ है एक एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया हुआ है स्क्रीन प्ले को एक एलिवेटिंग मैनर में दिखाया हुआ है एक्शन सिक्वेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग रखे हुए फिल्म में विसल विशलवर्सी मोमेंट्स भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे फिल्म का इंटरवल क्लाइमैक्स और एलिवेशन वाले सीन्स डेफिनेटली फिल्म के ओर आपको अपील करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म आपको आप में आपको फर्स्ट हाफ़ में तो जिस तरह से जो डिसेंट पेज देखने को मिलती है सेकंड हाफ में वो पेज थी वो थोड़ी इधर उधर जाती हुई नज़र आती है के जी एफ से आप कंपेयर करने लगते हो तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग इम्पेक्ट क्रिएट करती है और इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से जो जगपति बाबू बोबी सिमा जोन विजय सीरिया रेड्डी जैसे एक्टर्स के पास काम निकलवाया साथ ही में जिस तरह से ब्रह्मा जो जहाँ से को साइडलाइन किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें बेहतर की जा सकती थी उन सभी एक्टर्स के पास अच्छी रोल अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई जा सकती थी इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से एज अ डायरेक्टर के तौर पे प्रूव किया हुआ है कि वो एलिवेशन वाले सीन है हीरोइज्म वाले सीन है उसको काफ़ी बेहतर तरीके से बताने के लिए जाने जाते हैं इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से स्टोरी स्क्रीन प्ले के ऊपर फोकस किया हुआ है ओवरऑल जो नरेशन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ें मेकर्स की तरफ से काफी अच्छी तरह से सेन्स की हुई है कैमरा वर्क काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफर ने कमेंडेबल काम किया हुआ है बीजीएम फिल्म की अच्छी है जो एलिवेशन वाले सीन से उसको अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते इसके अलावा स्टंट की कोरियोग्राफी काफी बढ़िया थी उज्ज्वल कुलकर्णी के द्वारा जो एडिटिंग की गई है उसको थोड़ा हाँ क्रिस्प किया जा सकता था लेकिन ओवरऑल अच्छी है प्रोडक्शन वैल्यू कमेंडेबल नजर आएगी कुल मिला के सलार पार्ट वन सीज फायर एक इंटेंस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे प्रभास की टेरिफिक परफॉर्मेंस पृथ्वीराज सुकुमारन का एक अच्छा सपोर्टिव रोल इसके अलावा जो एक्शन सिक्वेंस है जिस तरह से फिल्म को स्टंट में कोरियोग्राफ किया हुआ उसका जो एक एक्सिक्यूशन निकल के आया हुआ है वो एक अच्छी अपील

उसके सामने फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक बड़ी ओपनिंग ली हुई थी ओपनिंग के बाद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी एक डिसेंट टू पॉजिटिव निकला हुआ था जहाँ पे तिप्पन तीस ति, फिफ्टी थ्री थाउजेंड वोट भी फिलहाल में मिले हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म ने डे बाई डे एक बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था पहले दिन फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से नाइन्टी करोड़ का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर निकला हुआ था इसके इंडिया से वन नाइन्टी फाइव था ओवरऑल एक वन सेवेंटी एट पॉइंट सेवन करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया था मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहा जहां पे इस फिल्म ने करीबन सात सौ करोड़ से ज़्यादा का क्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह सलार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स लिया वैसे इस फिल्म के ओ टी टी थे और नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे थे सेटेलाइट राइट थे और स्टार नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको अगर ऑफिशियली देखने हैं तो सलार पार्ट वन सीज फायर नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ देख सकते हो मल्टीपल लैंग्वेजेस में वहीं पर इस फिल्म के स्टार के जितने भी चैनल है वहाँ पे इस फिल्म का सलार का अलग अलग वर्जन में हिंदी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन में आ, फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म फिलहाल में नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेजेज में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार माँ जैसे अलग अलग चैनल से जो स्टार की अलग अलग लैंग्वेज के लिए वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है तो वहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म आप ऑफिशियली मल्टीपल लैंग्वेज में इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे ये फिल्म ओ टी टी और सेटेलाइट पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे सलार पार्ट वन सीज पायर सलार का वैसे मीनिंग होता है कमांडर ये एक 2023 की के इंडियन तेलुगु लैंग्वेज में बनी पेन इंडियन फिल्म है जिसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में थिएट्रिकली रिलीज किया गया था फिल्म का जो है एपिक एक्शन फिल्म ये फिल्म दो पार्ट में बनी हुई फिल्म में ये फिल्म का पहला पार्ट है वैसे हो सकता है इसका तीसरा भी पार्ट हो इस फिल्म का स्टोरी आइडिया लिखा हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने अपनी खुद की जो पहली फिल्म थी डेब्यू फिल्म उग्रम उससे इंस्पायर होकर इस फिल्म का स्टार्टिंग का जो इनिशियल पोर्सन है वो डेवलप किया हुआ था उसके बाद में पूरा एक खानसार का नया वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है एक फिक्सनल सिटी तैयार की हुई है उसमें भी इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ 拜。 इस फिल्म का डायलॉग है वो लिखा हुआ है संदीप रेड्डी बंडला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी ने वैसे स्क्रीन प्ले राइटिंग डिरेक्शन है वो किया हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने के जी एफ के जी एफ टू जैसी बड़ी फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ है लीड रोल में विजय सॉरी प्रोडक्शन की कंपनी की बात करें विजय किरंग दूर इस फिल्म को होमबाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस करते तो हुए नजर आएंगे वहीं पर इस फिल्म का बजट करीबन दो करोड़ बताया गया था इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में होमबाले फिल्म वालों ने कुछ जगह पर खुद की रिलीज दिलवाई हुई थी वहीं पे कुछ जगह पे इस फिल्म को अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था वैसे जो उन्होंने खुद की रिलीज़ दिलवाई हुई थी वहाँ पे भी उन्होंने जिस तरह से जो रिलीज दिलवाई थी काफ़ी बड़ी थी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी क्रिएट कुछ नेशनल चेंज के रिगार्डिंग जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तब डंकी फिल्म के साथ इस फिल्म को जिस तरह से जो सोच दिए गए थे उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हुई थी लेकिन लेटर ऑन उन, उन सभी चीज़ों के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी खासी कलेक्शन करके दिखाई और बॉक्स ऑफिस पर एक फुल फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जिस तरह से जो इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे कुछ गारंटी बेसिस के ऊपर कुछ को फिक्स राइट्स में बेचे गए थे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो हम्बाले फिल्म वालों ने कर्नाटक में खुद डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में मोक्सा मूवीज प्रत्यांगा सिनेमाज़ ने इस फिल्म को जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूट किया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने इस फिल्म को केरला में डिस्ट्रीब्यूट किया तमिलनाडु में इस फिल्म को रेंट जाइंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ए फिल्म ने, ने सलार फिल्म को नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आंध्र प्रदेश में इस फिल्म को श्री सा श्री साइ सिनेमाज लक्ष्मी नरसिम्मा श्री मना कंथा फिल्म गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के सेंट टेलीफिल्म श्री वेंगेशम्मा सिनेमाज और शिल्प कला एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश के रीजियंस में अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे जो निज़ाम वाला रीजियन था वहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स ने खुद का रिलीज दिलवाया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचे गए थे सलार ने नॉन थिएट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे जिसमें सेटेलाइट डिजिटल ऑडियो राइट्स जो थे वो रिलीज से पहले बेच दिए थे जिसको करीबन तीन करोड़ में बेचा हुआ था डिजनी प्लस का डिजनी स्टार वालों को इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बेचे थे वहीं पे स्ट्रीमिंग राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों को उन्होंने बेचे हुए थे सभी वर्जनस के लिए जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम बात करें इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था वायलेंस और इन सभी चीज़ों के चलते जिस तरह का खून खराबा दिखाया था उसके रीजंस के चलते वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में प्रभाष पृथ्वी राजू कुमार श्रुति हसन जैसे बड़े एक्टर्स थे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की हुई उज्ज्वल कुलकर्णी के द्वारा फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट दिया गया था वायलेंस के चलते इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में रवि बसरो ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स से वाले म्यूजिक ने अपने पास रखे हुए थे साथ ही में इसको को लेबल किया हुआ था डीओ ने गाने फिल्में में तीन चार ही थे बाकी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स थे तो वो सभी चीजें सभी वजन में क्रिएट की हुई थी इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के सॉरी कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रिबेल स्टार प्रभास जी उन्होंने देवरथा राई सार यानी कि सलार या देवा का रोल प्ले किया हुआ है विदेश आनंद ने यंग देवा का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज सुकुमारन डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक का नाम था वरधा यानी कि वरदा राजा मन्नार दूसरे का नाम था शिवा मन्नार का्तिकी देव जो यंग वरद राजा मन्नार का रोल प्ले करते तो हुए नजर आए थे श्रुति हासन लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जिन्होंने आद्या कृष्णकांत का रोल प्ले किया हुआ है ईश्वरी राव ने देवा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है जो स्कूल की प्रिंसिपल थी जगपति बाबू ने राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है त्रिनु आनंद ने गायक वाडेला इस का रोल प्ले किया हुआ है देवाराज ने इसमें ओम का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मा जी ने वाली का रोल प्ले किया हुआ है बॉबी सिन्हा ने भारवा का रोल प्ले किया हुआ है जॉन विजय ने रंगा का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू रुद्रराज राज मन्नार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे हर्ष रोशन ने इसमें यंग रुद्रराज मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है एम एस चौधरी इस फिल्म में नारंग के रोल में देखने को मिलेंगे रमणा ने इस फिल्म में रिंदा का रोल प्ले किया हुआ है मीम गोपी ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है सिरिया रेड्डी ने राजा रामा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में ओबुलम्मा का रोल प्ले करते नजर आएंगे प्रमोद पंजू ने इस फिल्म में बाची राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है बजरंग सेट्टी ने इसमें विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है सौरव लोकेश ने चीका का रोल प्ले किया हुआ है चिलुआ राज ने इसमें गुरुंग का रोल प्ले किया हुआ है मधु गुरुस्वामी ने हजारे का रोल प्ले किया जो रुद्र राज के हैंचमैन थे रवि भट्ट ने इसमें कृष्ण

प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अगस्त 2020 की बात है तब प्रभास को अप्रोच किया गया था प्रसन्न नील के द्वारा एक फिल्म बनाना सा चाहते थे जहाँ पे जो उनकी डेब्यू फिल्म थी उग्रम उससे इनिशियल पोर्शन लेके इस फिल्म को टोटल टो, टो, दो तीन पार्ट में डेवलप किया हुआ था ये कहानी प्रभास को सुनाई थी उनको पसंद भी आई थी प्रोडक्शन का काम दो में स्टार्टिंग में स्टार्ट होने वाला था लेकिन प्रभास की राजेशम और आदिपुर का काम चल रहा था वहीं पर प्रसाद नील के जब चैप्टर टू के ऊपर काम चल रहा था तो इन दोनों चीज़ों के चलते फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी वो उस फिल्मों के प्रोपी पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन के चक्कर में फिल्म को पोस्टपोन किए हुए थे वैसे इसके बीच में एन टी आर जूनियर के साथ भी प्रभा और सॉरी प्रशांत नील की फिल्म अनाउंस हुई थी तो शायद उनकी तरफ से यही आया था कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि शायद प्रभास की फिल्म से पहले पे, पे, हो सकती है या एन टी रामा राव की अगर जिस तरह से जो चीज़ें सामने आते उस तरह का रहेगा दो दिसंबर को हम वाले फिल्म बाद में अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि एक बड़ा कोलाब्रेशन होने जा रहा है जहाँ पे प्रशांत नील और प्रभास के बीच में कोलाब्रेशन होने वाला ये तेलुगु फिल्म है जहाँ पर प्रशांत नील और प्रोडक्शन हाउस की ये पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है जिसका टाइटल सलार रखा हुआ है मुहूर्त पूजा सेरेमनी पंद्रह जनवरी दो को रखी गई थी कास्टर क्यू मेम्बर के साथ हैदराबाद में रवि बसरूर को म्यूजिक कम्पोजिशन के लिए लिया गया जहाँ पर प्रशांत नील के साथ उनका कंजिव चौथा कोलाब्रेशन था भुवन गौड़ा उज्ज्वल कलकनी जिन्होंने के चैप्टर टू में भी काम किया था उनको भी अप्रोच किया गया तो इस तरह से उनके साथ काम किया गया था इस फिल्म का पहला पार्ट था उसके ऊपर शूटिंग का स्टार्ट था वो जुलाई दो से करवा दिया गया था आ, वैसे इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है उनकी तरफ से सलार का अनाउंसमेंट दो पार्ट में करवाया गया था आठ जुलाई दो हज़ार तेईस को जहाँ पे पहले का सब टाइटल रखा गया था फायर पहले ये एक पार्ट में आने वाली फिल्म थी लेकिन आठ जुलाई दो हज़ार तेईस को इनको कन्फर्म किया कि फिल्म को दो पार्ट में डेवलप किया जाएगा जो खानसार का वर्ल्ड है उसको प्रॉपर वे में बिल्डअप करके हमारे सामने पेश किया जाएगा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को प्रशांत नील के द्वारा अप्रोच किया गया था जहां पे प्रशांत नील ने जब प्रभास को अप्रोच किया था तब तो एक बाउंड स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई थी उसके ऊपर सिर्फ एक स्टोरी आइडिया और एक चीज़ें डेवलप की गई थी जहाँ पे उसके ऊपर उन्होंने पूरी फिल्म को डेवलप किया था जहाँ पे बताया जा रहा था प्रभास की तरफ से कुछ इंटरव्यू में कि वो एक एक्सट्रीमली वायलेंट किरदार होने वाला है जिन्होंने अभी तक प्रभास की जितनी भी फिल्में देखी हुई है उन्होंने इस टाइप का किरदार उनका नहीं देखा होगा तो ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी अट्ठाईस जुलाई दो को बताया गया था कि इस फिल्म में श्रुति हसन एज एक्ट्रेस के तौर पर जुड़ी हुई है लीड एक्ट्रेस के तौर पर जहाँ पे प्रभास के साथ उनके अपोजिट उनकी ये फिल्म होने वाली है और श्रुति हसन के बर्थडे के मौके के ऊपर चीजें अनाउंस की गई थी जहां पे आद्या नाम जितने उन्होंने चार्ज हुए थे। प्रभास ने एक, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जहां पर उनका जो किरदार है वो इस फिल्म की कहानी का मेन पॉइंट होने वाला है जहां पर पृथ्वीराज सुकुमारन तेलुगु सिनेमा में पुलिस पुलिस जो करके दो में फिल्म आई हुई थी उस फिल्म के बाद उनका करीबन बारह तेरह साल के बाद का कम होने वाला है तो ये स्ट्रेट तेलुगु फिल्म के लिए उन्होंने करीबन एक डेकेट जितना समय उसके बाद वो आए हुए इसके अलावा जगपति बाबू करीब स्वामी ईश्वरी राव श्री रेड्डी आनंद बॉबी रामचंद्र राजू पृथ्वीराज झांसी सप्तगिरी जैसे कई ऐसे एक्टर्स जिसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आए इसके अलावा ट्रेलर और प्रमोशनल ट्रेलर कुछ रिलीज हुए थे तब मीम गोपी और जॉन विजय का प्रेजेंस पता चला था तब पता चला था कि वो भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले तो ये फिल्म की कास्टिंग के साथ का काम हुआ था फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म के 27 जुलाई 2021 को गोदा रखाने में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में शूट की गई थी वहां पे श्रुति हसन ने सेट था वो दो दिन लेटर ऑन 29 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म का एक एक्शन सीक्वेंस रखा हुआ था प्रजा, प्रभास के साथ उस सीक्वेंस के दौरान कुछ फ़ोटोज़ थे जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए थे उसके बाद में आठ फरवरी को इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफर प्रभुवन गौड़ा ने अनाउंस किया था कि पहले पा शेड्यूल का काम कंप्लीट हो चुका है सेकंड शेड्यूल है वो तीन अगस्त 2021 से हैदराबाद में स्टार्ट किया जाएगा प्रभाष श्रुति हसन को लेते हुए और वैसे उसके बाद में इसका वो सेकंड शेड्यूल था वो बारह अगस्त तक कंप्लीट करवाया गया था एक छोटा सा शेड्यूल था उसके बाद में प्रभास ने राजेश्याम दो हज़ार में उस फिल्म के लिए इस फ़िल्म से थोड़ा ब्रेक लिया उसके बाद में उनकी नी सर्जरी हुई थी स्पेन में उसके बाद में उन्होंने कल की ट्वेंटी एटी एडी का जो सेट था वो ज्वाइन किया वहाँ पे कुछ कमिटमेंट थी वो कंप्लीट की मई 2022 में 30 परसेंट फिल्म के की शूटिंग कंप्लीट की तीसरा शेड्यूल था वो फिल्म का चौबीस मई को रखा हुआ था और उसके बाद में अट्ठारह मई को शेड्यूल होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते उसको लेटर ऑन पोस्टपोन करना पड़ा उसके बाद में कुछ द सीन्स थे वो एक्शन सीक्वेंस के साथ वो शेयर किए गए थे उसके बाद में 28 जून को हैदराबाद में एक शेड्यूल सेट किया हुआ था उस शेड्यूल में एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे वो एक्शन सीक्वेंस में प्रभात श्रुति हसन और वेजियस फाइटर उसमें रखे हुए थे स्टार्ट कोरियोग्राफर के तौर पे इस फिल्म में अन अन्न बीरवी अन्ना बारवी रखे हुए थे इसके अलावा कुछ ऐसे शेड्यूल से लंबे जिसके साथ फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस और अलग अलग शेड्यूल रखे हुए थे दिसंबर में प्रोड्यूसर विजय किरंगदूर ने एटी फाइव परसेंट शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है वो अनाउंस किया हुआ था उसके बाद में साथ में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम स्टार्ट करवा दिया गया था वैसे उसके बाद की जो फाइनल शूटिंग है वो फरवरी 2023 में सेट की गई थी उसी महीने में जहाँ पे 20 मिनट लंबा एक एक्शन सीक्वेंस था उसको एक मिडल ऑफ दिस सी शूट किया हुआ था उस सीक्वेंस के लिए करीबन दस हज़ार का सॉरी दस करोड़ का खर्चा किया गया था जहाँ पे श्रुति हसन ने उस सेट को दस फरवरी को ज्वाइन किया हुआ था वीरा सिमा रेड्डी और वोल्टर विले वीरैया फिल्म की जो शूटिंग थी वो वहाँ पर करवाई गई थी सॉरी उस शूटिंग के बाद श्रुति हसन ने उस सेट को ज्वाइन किया हुआ था तेईस फरवरी तक उन्होंने इस शूटिंग के पर अपने पोर्स को कंप्लीट किया था उसके बाद में माटेरा में इस फिल्म के प्रोडक्शन को मूव किया हुआ था उसके बाद में रोम बुडापेस्ट, नेपल्स में इस फिल्म की कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस पे शूट हुआ था इनिशियली फिल्म को 28 सितंबर 2023 को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन ड्यू टू सम रीजन्स इस फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा और फिल्म को रीशूट किया गया मिड सेप्टेम्बर में उसके बाद में फिल्म की फाइनल एडिटिंग के ऊपर भी काम किया गया था कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले थे तो उसको शूट करने के लिए थोड़ा और टाइम लगा था जहाँ पे एक बिग वॉर सीक्वेंस सेट किया हुआ था जिसमें करीबन 750 सौ व्हीकल यूज़ किए गए थे जीप टैंक्स कार इन ट्रक इन सभी चीज़ों को यूज़ किया हुआ था जिस तरह से इनकी शूटिंग चली थी उसमें करीबन काफ़ी लंबा समय लगा था जिसके चलते तीन सालों के अंदर करीबन 114 वर्किंग डेज लगे थे प्री प्रोडक्शन का काम अलग पोस्ट प्रोडक्शन का अलग तो इतने दिनों में इस फिल्म के इस शूटिंग को ब्रेपअप किया गया उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म को ले जाया गया जहाँ पे दिसंबर 2022 में विजय किरंग ने बताया था कि इसमें वीएफएक्स का काम अराउंड सिक्स मंथ तक चलने वाला है अगस्त 2023 को पोस्ट प्रोडक्शन के काम को बसर विलेज में कर्नाटक में मूव किया था जहाँ पे रवि बसर का स्टूडियो लोकेटेड है वहाँ पे इसको प्रॉपर वे में एक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। श्रुति हसन ने अपने पोषण की डबिंग थी वो मिड जून अगस्त दो हज़ार तेईस तक कम्प्लीट करवाई जहाँ पे जिन्होंने उन्होंने तेलगू कन्नडा तमिल मलयालम हिंदी सभी वर्जनस के लिए खुद ही डबिंग की डबिंग की हुई थी और उसके बाद में सितंबर महीने में इस फिल्म के दूसरे डबिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म की डबिंग कंप्लीट करते हुए नज़र आए थे पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी 10 दिसंबर 2022 तक पूरी डबिंग अपने पोषण के कंप्लीट करवाई अप्रोक्सीमेटली इस फिल्म में करीबन 600 हंड्रेड वेफ एक्सोड्स यूज़ किए गए थे जहाँ पे मिड सेप्टेम्बर तक इसको का काम चला हुआ था जहाँ पे कुछ चीज़ें रीशूट की गई थी कुछ चीज़ों को पोस्टपोन किया गया था जिसके चलते शूटिंग लेट हुई थी जहाँ पे ओरिजिनल रिलीज़ थी अट्ठाईस सेप्टेंबर की रिलीज डेट अनाउंस की गई थी उसके बाद में वो भी मूव करके बाद में 22 दिसंबर 2023 को रिलीज डेट अनाउंस किया गया था सलार पार्ट वन सीज पायर सलार का वैसे मीनिंग होता है कमांडर ये एक 2023 के इंडियन तेलुगु लैंग्वेज में बनी पेन इंडियन फिल्म है जिसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में थिएट्रिकली रिलीज किया गया था फिल्म का जो है एपिक एक्शन फिल्म ये फिल्म दो पार्ट में बनी हुई फिल्म में ये फिल्म का पहला पार्ट है वैसे हो सकता है इसका तीसरा भी पार्ट हो इस फिल्म का स्टोरी आइडिया लिखा हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने अपनी खुद की जो पहली फिल्म थी डेब्यू फिल्म उग्रम उससे इंस्पायर होकर इस फिल्म का स्टार्टिंग का जो इनिशियल पोर्सन है वो डेवलप किया हुआ था उसके बाद में पूरा एक खानसार का नया वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है एक फिक्सनल सिटी तैयार की हुई है उसने इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ આ इस फिल्म का डायलॉग है वो लिखा हुआ है संदीप रेड्डी बंडला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी ने वैसे स्क्रीन प्ले राइटिंग डिरेक्शन है वो किया हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने के जी एफ के जी एफ टू जैसी बड़ी फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ है लीड रोल में विजय सॉरी प्रोडक्शन की कंपनी की बात करें तो विजय किरण दूर इस फिल्म को होमबाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस करते तो हुए नजर आएंगे वहीं पर इस फिल्म का बजट करीबन दो करोड़ बताया गया था इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में होमबाले फिल्म वालों ने कुछ जगह पर खुद की रिलीज दिलवाई हुई थी वहीं पे कुछ जगह पे इस फिल्म को अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था वैसे जो उन्होंने खुद की रिलीज दिलवाई हुई थी वहां पे भी उन्होंने जिस तरह से जो रिलीज दिलवाई थो काफी बड़ी थी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी क्रिएट कुछ नेशनल चेंज के रिगार्डिंग जब फिल्म रिलीज हुई थी तब डंकी फिल्म के साथ इस फिल्म को जिस तरह से जो शोज दिए गए थे उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हुई थी लेकिन लेटर ऑन उन सभी चीज़ों के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी कलेक्शन करके दिखाई और बॉक्स ऑफिस पर फुल फिल्म सक्से साबित हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जिस तरह से जो इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे कुछ मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर कुछ को फिक्स राइट्स में बेचे गए थे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो हम्बाले फिल्म वालों ने कर्नाटक में खुद डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में मोक्सा मूवीज प्रत्यंगा सिनेमाज़ ने इस फिल्म को जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूट किया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने इस फिल्म को केरला में डिस्ट्रीब्यूट किया तमिलनाडु में इस फिल्म को रेंट जाइंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ए फिल्म ने सलार फिल्म को नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आंध्र प्रदेश में इस फिल्म को श्री सा श्री साइ सिनेमाज लक्ष्मी नरसिम्मा श्री मना कंथा फिल्म गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के टेलीफिल्मी वेंगेशमा सिनेमाज़ और शिल्प कला एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश के रीजियंस में अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे जो निज़ाम वाला रीजियन था वहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स ने खुद का रिलीज दिलवाया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचे गए थे सलार ने नॉन थिएट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे जिसमें सेटेलाइट डिजिटल ऑडियो राइट्स जो थे वो रिलीज से पहले ही बेच दिए थे जिसको करीबन तीन करोड़ में बेचा हुआ था डिजनी प्लस था डिजनी स्टार वालों को इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बेचे थे वहीं पे स्ट्रीमिंग राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों को उन्होंने बेचे हुए थे सभी वर्जनस के लिए जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम बात करें इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था वायलेंस और इन सभी चीज़ों के चलते जिस तरह का खून खराबा दिखाया था उसके रीजंस के चलते वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में प्रभाष प्रथी राशु कुमार श्रुति हसन जैसे बड़े एक्टर्स थे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी भुवन गौबड़ा ने की हुई उज्जवल कुलकर्णी के द्वारा फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट दिया गया था वायलेंस के चलते इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में रवि बसरो ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स से वाले म्यूजिक ने अपने पास रखे हुए थे साथ ही में इसको को लेबल किया हुआ था टी ने गाने फिल्म में तीन चार ही थे बाकी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स थे तो वो सभी चीज़ें सभी वजन में क्रिएट की हुई थी इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के सॉरी कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रिबिल स्टार प्रभास जी उन्होंने देवरथा राई सार यानी कि सलार या देवा का रोल प्ले किया हुआ है विदेश आनंद ने यंग देवा का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज सुकुमारन डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक का नाम था वरधा यानी कि वरदा राजा मन्नार दूसरे का नाम था शिवा मन्नार का्तिकी देव जो यंग वरदा राजा मन्नार का रोल प्ले करते तो नजर आए थे श्रुति हासन लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जिन्होंने आद्या कृष्णकांत का रोल प्ले किया हुआ है ईश्वरी राव ने देवा की माँ का रोल प्ले किया हुआ जो स्कूल की प्रिंसिपल थी जगपति बाबू ने राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है त्रिनु आनंद ने गायकवाडेला का रोल प्ले किया हुआ है देवराज ने इसमें ओम का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मा जी ने वाली का रोल प्ले किया हुआ है बॉबी सिन्हा ने भारवा का रोल प्ले किया हुआ है जॉन विजय ने रंगा का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू रुद्रराज राज मन्नार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे हर्ष रोशन ने इसमें यंग रुद्रराज मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है एम एस चौधरी इस फिल्म में नारंग के रोल में देखने को मिलेंगे रमणा ने इस फिल्म में रिंदा का रोल प्ले किया हुआ है मीम गोपी ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है सीरिया रेड्डी ने राधा रामा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में ओबुलमां का रोल प्ले करते नजर आएंगे प्रमोद पंजू ने इस फिल्म में बाची राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है बजरंग सेट्टी ने इसमें विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है सौरव लोकेश ने चीका का रोल प्ले किया हुआ है चिलुआ राज ने इसमें गुरुंग का रोल प्ले किया हुआ है मधु गुरुस्वामी ने हजारे का रोल प्ले किया जो रुद्रा राज के हैंचमैन थे रवि भट्ट ने इसमें कृष्णा

प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अगस्त 2020 की बात है तब प्रभास को अप्रोच किया गया था प्रसन्न नील के द्वारा एक फिल्म बनाना चाहते थे जहाँ पे जो उनकी डेब्यू फिल्म थी उग्रम उससे इनिशियल पोर्शन लेके इस फिल्म को टोटल दो तीन टो, टो, पार्ट में डेवलप किया हुआ था ये कहानी प्रभास को सुनाई थी उनको पसंद भी आई थी प्रोडक्शन का काम दो में स्टार्टिंग में स्टार्ट होने वाला था लेकिन प्रभास की राजेशम और आदिपुर का काम चल रहा था वहीं पर प्रसाद नील के जेप चैप्टर टू के ऊपर काम चल रहा था तो इन दोनों चीज़ों के चलते फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी वो उस फिल्मों के प्रोपी पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन के चक्कर में फिल्म को पोस्टपोन किए हुए थे वैसे इसके बीच में एन टी आर जूनियर के साथ भी प्रभा सॉरी प्रशांत नील की फिल्म अनाउंस हुई थी तो शायद उनकी तरफ से यही आया था कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि शायद प्रभास की फिल्म से प, 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 पहले हो सकती है या एन टी रामा राव की अगर जिस तरह से जो चीज़ें सामने आते उस तरह का रहेगा दो दिसंबर को हम वाले फिल्म बाद में अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि एक बड़ा कोलाब्रेशन होने जा रहा है जहाँ पे प्रशांत नील और प्रभाष के बीच में कोलाब्रेशन होने वाला ये तेलुगु फिल्म है जहाँ पर प्रशांत नील और प्रोडक्शन हाउस की ये पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है जिसका टाइटल सलार रखा हुआ है मुहूर्त पूजा सेरेमनी पंद्रह जनवरी दो को रखी गई थी कास्टर क्यू मेम्बर के साथ हैदराबाद में रवि बसर को म्यूजिक कंपोजिशन के लिए लिया गया जहाँ पर प्रशांत नील के साथ उनका कंजिव कंस्य। चौथा कोलोब्रेशन था भुवन गोड़ा उज्जवल कलकनी जिन्होंने के चैप्टर टू में भी काम किया था उनको भी अप्रोच किया गया तो इस तरह से उनके साथ काम किया गया था इस फिल्म का पहला पार्ट था उसके ऊपर शूटिंग का स्टार्ट था वो आठ जुलाई दो से करवा दिया गया था वैसे इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है उनके तरफ से सलार का अनाउंसमेंट दो पार्ट में करवाया गया था आठ जुलाई 2023 को जहाँ पे पहले का सब रखा गया था सीज फायर पहले ये एक पार्ट में आने वाली फिल्म थी लेकिन आठ जुलाई 2023 को इनको कंफर्म किया कि फिल्म को दो पार्ट में डेवलप किया जाएगा जो उस खानसार का वर्ल्ड है उसको प्रॉपर वे में बिल्डअप करके हमारे सामने पेश किया जाएगा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को प्रशांत नील के द्वारा अप्रोच किया गया था जहां पे प्रशांत नील ने जब प्रभास को अप्रोच किया था तब तो एक बाउंड स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई थी उसके ऊपर सिर्फ एक स्टोरी आइडिया और एक चीज़ें डेवलप की गई थी जहाँ पे उसके ऊपर उन्होंने पूरी फिल्म को डेवलप किया था जहाँ पे बताया जा रहा था प्रभास की तरफ से कुछ इंटरव्यू में कि वो एक एक्सट्रीमली वायलेंट किरदार होने वाला है जिन्होंने अभी तक प्रभास की जितनी भी फिल्में देखी हुई है उन्होंने इस टाइप का किरदार उनका नहीं देखा होगा तो ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी अट्ठाईस जुलाई दो को बताया गया था कि इस फिल्म में श्रुति हसन एज एक्ट्रेस के तौर पर जुड़ी हुई लीड एक्ट्रेस के तौर पर जहाँ पे प्रभास के साथ उनके अपोजिट उनकी ये फिल्म होने वाली है और श्रुति

के बाद का कम बैक होने वाला है तो ये स्ट्रेट तेलुगु फिल्म के लिए उन्होंने करीबन एक जितना समय उसके बाद वो आए हुए इसके अलावा जगपति बाबू मधु गुरु स्वामी ईश्वरी राव रेड्डी तीनों आनंद बॉबी सिमहा रामचंद्र राजू पृथ्वीराज झांसी सप्तगिरी जैसे कई ऐसे एक्टर्स जिसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आए इसके अलावा ट्रेलर और प्रमोशनल ट्रेलर कुछ रिलीज हुए थे तब मीम गोपी और जॉन विजय का प्रेजेंस पता चला था तब पता चला था कि वो भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले तो ये फिल्म की कास्टिंग के साथ काम हुआ था फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म के सत्ताईस जुलाई 2021 को गोदरा खाने में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में शूट की गई थी आ, वहां पे श्रुति हसन ने सेट था वो दो दिन लेटर ऑन 29 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म का एक एक्शन एक सीक्वेंस रखा हुआ था प्रजा, प्रभास के साथ उस सीक्वेंस के दौरान कुछ फोटोज़ थे जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए थे उसके बाद में 8 फरवरी को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर प्रभोवन गौड़ा ने अनाउंस किया था कि पहले पा शेड्यूल का काम कंप्लीट हो चुका है सेकंड शेड्यूल है वो 3 अगस्त 2021 से हैदराबाद में स्टार्ट किया जाएगा श्रुति त्रतिहासन को लेते हुए और वैसे उसके बाद में इसका वो सेकंड शेड्यूल था वो बारह अगस्त तक कम्प्लीट करवाया गया था एक छोटा सा शेड्यूल था उसके बाद में प्रभास ने राजेश्याम दो हज़ार पाँच में उस फिल्म के लिए इस फ़िल्म से थोड़ा ब्रेक लिया उसके बाद में उनकी नी सर्जरी हुई थी स्पेन में उसके बाद में उन्होंने कल की ट्वेंटी एटी एडी का जो सेट था वो ज्वाइन किया वहाँ पे कुछ कमिटमेंट थी वो कंप्लीट की मई 2022 में 30 परसेंट फिल्म के की शूटिंग कंप्लीट की तीसरा शेड्यूल था वो फिल्म का चौबीस मई को रखा हुआ था और उसके बाद में अट्ठारह मई को शेड्यूल होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते उसको लेटर ऑन पोस्टपोन करना पड़ा उसके बाद में कुछ द सीन्स थे वो एक्शन सीक्वेंस के साथ वो शेयर किए गए थे उसके बाद में 28 जून को हैदराबाद में एक शेड्यूल सेट किया हुआ था उस शेड्यूल में एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे वो एक्शन सीक्वेंस में प्रभास श्रुति हसन और वेज फाइटर उसमें रखे हुए थे स्टार्ट कोरियोग्राफर के तौर पे इस फिल्म में अन्बिरवी अन्ना बारवी रखे हुए थे इसके अलावा कुछ ऐसे शेड्यूल थे लंबे जिसके साथ फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस और अलग अलग शेड्यूल रखे हुए थे दिसंबर में प्रोड्यूसर विजय किरंगदूर ने एटी फाइव परसेंट शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है वो अनाउंस किया हुआ था उसके बाद में साथ में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम स्टार्ट करवा दिया गया था वैसे उसके बाद की जो फाइनल शूटिंग है वो फरवरी 2023 में सेट की गई थी उसी महीने में जहाँ पे 20 मिनट लंबा एक एक्शन सीक्वेंस था उसको एक मिडल ऑफ दिस सी शूट किया हुआ था उस सीक्वेंस के लिए करीबन दस हज़ार सॉरी दस, दस करोड़ का खर्चा किया गया था जहाँ पे श्रुति हसन ने उस सेट को दस फरवरी को ज्वाइन किया हुआ था वीरा सिमा रेड्डी और वोल्टर विलय वीरैया फिल्म की जो शूटिंग थी वो वहाँ पर करवाई गई थी सॉरी उस शूटिंग के बाद श्रुति हसन ने उस सेट को ज्वाइन किया हुआ था तेईस फरवरी तक उन्होंने इस शूटिंग के पर अपने पोर्स को कंप्लीट किया था उसके बाद में माटेरा में इस फिल्म के प्रोडक्शन को मूव किया हुआ था उसके बाद में रोम बुडापेस्ट नेपल्स में इस फिल्म की कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस पे शूट हुआ था इनिशियली फिल्म को 28 सितंबर 2023 को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स इस फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा और फिल्म को रीशूट किया गया मिड सेप्टेम्बर में उसके बाद में फिल्म की फाइनल एडिटिंग के ऊपर भी काम किया गया था कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले थे तो उसको शूट करने के लिए थोड़ा और टाइम लगा था जहाँ पे एक बिग वॉर सीक्वेंस सेट किया हुआ था जिसमें में करीबन सात व्हीकल यूज़ किए गए थे जीप टैंक्स कार इन ट्रक इन सभी चीज़ों को यूज़ किया हुआ था जिस तरह से इनकी शूटिंग चली थी उसमें करीबन काफ़ी लंबा समय लगा था जिसके चलते तीन सालों के अंदर करीबन 114 वर्किंग डेज लगे थे प्री प्रोडक्शन का काम अलग पोस्ट प्रोडक्शन का अलग तो इतने दिनों में इस फिल्म के इस शूटिंग को ब्रेप अप किया गया उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म को ले जाया गया जहाँ पे दिसंबर 2022 में विजय किरंग ने बताया था कि इसमें वीएफएक्स का काम अराउंड सिक्स मंथ तक चलने वाला है अगस्त 2023 को पोस्ट प्रोडक्शन के काम को बसर विलेज में कर्नाटक में मूव किया था जहाँ पे रवि बसर का स्टूडियो लोकेटेड है वहाँ पे इसको प्रॉपर वे में एक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था श्रुति हसन ने अपने पोषण की डबिंग थी वो मिड जून अगस्त दो हज़ार तेईस तक कम्प्लीट करवाई जहाँ पे जिन्होंने उन्होंने तेलुगु कन्नडा तमिल मलयालम हिंदी सभी वर्जन के लिए खुद ही डबिंग की डबिंग की हुई थी और उसके बाद में सेप्टेम्बर महीने में इस फिल्म के दूसरे डबिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट करते हुए नजर आए थे पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी दस दिसंबर दो हज़ार तक पूरी डबिंग अपने पोषण की कम्प्लीट करवाई अप्रोक्सीमेटली इस फिल्म में करीबन सिक्स हंड्रेड वेफ एक्सपुर यूज किए गए थे जहाँ पे मिड सितंबर तक इसको का काम चला हुआ था जहाँ पे कुछ चीज़ें रीशूट की गई थी कुछ चीज़ों को पोस्टपोन किया गया था जिसके चलते शूटिंग लेट हुई थी जहाँ पे ओरिजिनल रिलीज़ थी अट्ठाईस सेप्टेम्बर की रिलीज डेट अनाउंस की गई थी उसके बाद में वो भी मूव करके बाद में बाईस दिसंबर दो को रिलीज डेट अनाउंस किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं म्यूजिक के राइट थे वो हम वाले म्यूजिक यानी कि फिल्म के प्रोडक्शन के पास थे डी वालों ने इसको को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा 2022 हजार में गानों को रिकॉर्ड किया था रवि रवि बसरु स्टूडियोज में रवि बसरू ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पे उनका इस फिल्म के साथ करीबन चौथा कोलोब्रेशन था प्रशांत नील के साथ इस फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो चार ही गाने थे उसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थे गानों की ट्रैक लिस्टिंग करें तो सभी गानों पहले बता दो कि लिखे हुए कृष्णाकांत ने पहला गाना था सुरिंदे जिसको हरिन इतुरी ने गाया हुआ था जिसको तेरह दिसंबर 2023 को रवि बसरुर सॉरी हम्बाले म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था प्रतिका दल लो करके जो गाना था उसको कोरस ने गाया हुआ था जिसको 21 दिसंबर 2023 तक ऑफिशियली रिलीज करवाया था उसके एक दिन बाद 22 दिसंबर 2023 को साउंड ऑफ सलार को इंस्ट्रूमेंटल के तौर पे रिलीज़ किया था विनारा गाने को सचिन बसरूर ने गाया हुआ था उसको फोर्ट सिंगल के तौर पे 26 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया आरू सेतुलन्ना करके जो गाना था उसको कना कलवर ने गाया हुआ था इसके अलावा सलार के पार्ट वन सीज फायर की ट्रेलर थीम थी सलार के फाइनल पंच थीम थी तो वो टोटल मिला के साठ ट्रैक हुए थे वर्ल्ड ऑफ खानसर का एक इंस्ट्रूमेंटल तैयार किया गया था तो इस तरह से 20 से 22 मिनट का एक साउंड ट्रैक तैयार हुआ था जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था इन सभी गानों को हिंदी में भी क्रिएट किया गया था हिंदी ट्रैक लिस्टिंग करें तो गानों के सभी लिरिक्स थे वो लिखे हुए थे रिया मुखर्जी ने सूरज ही छाव बन के गाना था वो का पौंडल ने गाया हुआ था किस्मतों में गाने को कोरस ने गाया हुआ था ग्यारह गाने को श्री कृष्णा ने वहीं पे काली माँ वाला जो गाना था उसको सशिका मूर्त ने गाया हुआ था इसके अलावा सभी इंस्ट्रूमेंटल थे तो ये सभी चीज़ें अभी आपको फिलहाल में सुनें तो हम्बाले म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर या डिओ के द्वारा जो रिलीज़ किए गए उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर इन गानों को ऑफिशियली वीडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब बात कर लेते हैं कहानी के ऊपर जहाँ पे देवा जो प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं लाइफ जी रहे अपनी माँ के साथ जहाँ पे वो तीन में अपना एक पीसफुल लाइफ जी रहे लेकिन उनकी माँ के साथ कुछ ऐसा पास्ट हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा का एक डिस्टर्बिंग पास्ट था जहाँ पे ए, उसके बाद में फिल्म की कहानी है वो आद्या की ओर दिखाई जाती है कुछ कुंडे उस आद्या नाम की लड़की के तलाश में श्रुति हसन वो रोल प्ले कर रही है उस टाउन में वो नई नई आई हुई है और कुछ चीज़ें वो डिस्कवर कर रहे हैं जहाँ पे धीरे धीरे पता चलता है देवा वो का ट्रैक है जो एक दिखाया जाता है इस गैंगस्टर के साथ जहाँ पे जो ये गैंग है गुंस की वो क्यों पीछे पड़ी हुई है वरदा राज यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो खानसा सिटी से बिलोंग करते हैं वो उनके बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ उनकी क्या इक्वेशन है उसके बाद में ये वॉर है जो एक क्रिएट होने वाली है खानसार में उसके ऊपर क्या चीज़ें होने वाली है उसमें देवा का क्या टेक होने वाला है आदिया इस फिल्म में किस तरह से क्या जुड़ी हुई है वो कौन है उसका किरदार क्या? पास्ट क्या है वरदराज क्या करना चाह रहा है अपने दोस्त के साथ उसने क्या, क्या चीज़ें की हुई है वो सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से प्रभास का किरदार लिखा गया था वो एक फुल फ्लेज एक्शन फिल्म के तौर पे लिखा गया था जहाँ पे उनका वो किरदार था वो काफ़ी बढ़िया था उसमें एक्शन सीक्वेंस अच्छे थे इमोशनल सीन्स डाले हुए थे रोमांस भी डाला हुआ था साथ ही में एक माँ मा बेटे की बॉन्डिंग वाले सिक्वेंस भी थे फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग दिखाई हुई थी तो एक प्रॉपर एक किरदार तैयार किया गया था जिसमें काफ़ी देव्स लाई हुई थी और प्रभाष ने बखूबी उस किरदार को समझा हुआ है और उस किरदार में उन्होंने जान फों हुई जिस तरह से उन्होंने इस किरदार के साथ एक सिमलेसली काम किया हुआ बढ़िया है सलाह के देवा के रोल में जिस तरह सुनकर वो रोल डिलीवर करते हुए नजर आते हुए। वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो कैरेक्टर था उसमें डायलॉग्स बहुत कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें जो वायलेंस दिखाया हुआ उनके फिजिक्स थे डायलॉग डिलीवरी जो दो चार डायलॉग कम थे वो भी उसमें डायलॉग डिलीवरी थी ओवरऑल जिस तरह से उन्होंने जो एक पर्सोना उसमें क्रिएट किया हुआ था उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका बिहेवियर रूथलेस बिहेवियर दिखाया हुआ था एक मिनिसिंग रोल दिखाया हुआ था जिस तरह से एक्सन सिक्वेंस में वो सभी चीज़ें देखने को मिलते हैं उनके इमोशनल सीन्स थे वो सभी चीज़ें फिल्म में एक स्टेप क्रिएट करती है वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को बेहतर में आगे बढ़ाते हुए नजर आते पृथ्वीराज सुकुमारन जो इस फिल्म में एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते अपने रोल के साथ एक परफेक्टली वो एक डेप्थ क्रिएट करते हुए नजर आते प्रशांत तिल के साथ उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है प्रशांत इन ने जिस तरह से उनके पास से जो काम निकलवाया तो शानदार था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से उन्होंने सीन्स में प्रभास के साथ काम किया उनके साथ जितने में जो एक स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था तो वो सभी चीज़ें मिला के फिल्म को और बेहतर बना देती है इसके अलावा इस फिल्म में फर्स्ट हाफ में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है जहाँ पे पूरा जो वर्ल्ड है खान सर का वो दिखाया हुआ है एक ही कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया हुआ है स्क्रीन प्ले को एक एलिवेटिंग मैनर में दिखाया हुआ है एक्शन सिक्वेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग रखे हुए फिल्म में विसल विशलवर्सी मोमेंट्स भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे फिल्म का इंटरवल क्लाइमैक्स और एलिवेशन वाले सीन्स डेफिनेटली फिल्म के ओर आपको अपील करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में आपको फर्स्ट हाफ में जिस तरह से जो डिसेंट पेस देखने को मिलती है सेकंड हाफ़ में वो पेस थी वो थोड़ी इधर उधर जाती हुई नजर आती है के से आप कंपेयर करने लगते हो तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग इम्पेक्ट क्रिएट करती है और इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से जो जगपति बाबू बोबी सिमा जोन विजय सीरिया रेड्डी जैसे, जैसे एक्टर्स के पास काम निकलवाया साथ ही में जिस तरह से ब्रह्मा जो जहाँ से को साइडलाइन किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें बेहतर की जा सकती थी उन सभी एक्टर्स के पास अच्छी रोल अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई जा सकती थी इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से एज अ डायरेक्टर के तौर पे प्रूव किया हुआ है कि वो एलिवेशन वाले सीन है हीरोइज्म वाले सीन है उसको काफ़ी बेहतर तरीके से बताने के लिए जाने जाते हैं इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से स्टोरी स्क्रीन प्ले के ऊपर फोकस किया हुआ है ओवरऑल जो नरेशन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ें मेकर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से सेन्स की हुई है कैमरा वर्क काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफर ने कमेंडेबल काम किया हुआ है बीजीएम फिल्म की अच्छी है जो एलिवेशन वाले सीन से उसको अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते इसके अलावा स्टंट की कोरियोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी उज्ज्वल कुलकर्णी के द्वारा जो एडिटिंग की गई है उसको थोड़ा हाँ क्रिस्प किया जा सकता था लेकिन ओवरऑल अच्छी है प्रोडक्शन वैल्यू कमेंडेबल नजर आएगी कुल मिला के सलार पार्ट वन सीज फायर एक इंटेंस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे प्रभास की टेरिफिक परफॉर्मेंस पृथ्वीराज सुकुमारन का एक अच्छा सपोर्टिव रोल इसके अलावा जो एक्शन सिक्वेंस है जिस तरह से फिल्म को स्टंट में कोरियोग्राफ किया हुआ उसका जो एक एक्सिक्यूशन निकल के आया हुआ है वो एक अच्छी फिल देता हुआ नज़र आता है मास ऑडियंस को कनेक्ट करेगा और साथ ही में पता है कि इस फिल्म में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स है जो डेफिनेटली फिल्म को थोड़ा स्लो करते लेकिन ओवरऑल फिल्म खत्म करोगे तो आपको एक सेटिस्फाइंग फिल्म नज़र आएगी तो वर्थ टू वॉच तो ज़रूर है वर्थ वॉच फिल्म है इसको डेफिनेटली देख सकते हो सलार पार्ट वन सीज फायर को मल्टीपल लैंग्वेजेज में बाईस दिसंबर दो को थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था दो करोड़ का बजट था उसके सामने फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक बड़ी ओपनिंग ली हुई थी ओपनिंग के बाद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी एक डिसेंट टू पॉजिटिव निकला हुआ था जहाँ पे तिप्पन फिफ्टी ति वोट भी फिलहाल में मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म ने डे बाय डे एक बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था पहले दिन फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से 95 करोड़ का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर निकला हुआ था इसके इंडिया से वन नाइन्टी फाइव था ओवरऑल एक वन सेवनटी एट पॉइंट सेवन करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया था मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहा जहां पे इस फिल्म ने करीबन सात सौ करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से सलार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस लिया वैसे इस फिल्म के ओटीटी राइट्स टी, -टी राइट थे नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे थे सैटेलाइट राइट्स थे और स्टार नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको अगर ऑफिशियली देखने हैं तो सलार पार्ट वन सीज फायर नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो मल्टीपल लैंग्वेजेस में वहीं पर इस फिल्म के स्टार के जितने भी चैनल है वहाँ पे इस फिल्म का सलार का अलग अलग वर्जन में हिंदी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन में आ, फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म फिलहाल में नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार माँ जैसी अलग अलग चैनल से जो स्टार की अलग अलग लैंग्वेज के लिए वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है तो वहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म आप ऑफिशियली मल्टीपल लैंग्वेज में इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे ये फिल्म ओ टी टी और सेटेलाइट पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे सलार पार्ट वन फायर सलार का वैसे मीनिंग होता है कमांडर ये एक 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज में बनी पेन इंडियन फिल्म है जिसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में थिएट्रिकली रिलीज किया गया था फिल्म का जो है एपिक एक्शन फिल्म ये फिल्म दो पार्ट में बनी हुई फिल्म में ये फिल्म का पहला पार्ट है वैसे हो सकता है इसका तीसरा भी पार्ट हो इस फिल्म का स्टोरी आइडिया लिखा हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने अपनी खुद की जो पहली फिल्म थी डेब्यू फिल्म उग्रम उससे इंस्पायर होकर इस फिल्म का स्टार्टिंग का जो इनिशियल पोर्सन है वो डेवलप किया हुआ था उसके बाद में पूरा एक खानसार का नया वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है एक फिक्शनल सिटी तैयार की हुई है उसने इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ

इस फिल्म का डायलॉग डायलॉगे वो लिखा हुआ है संदीप रेड्डी बंडला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी ने वैसे स्क्रीन प्ले राइटिंग डिरेक्शन है वो किया हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने के जी एफ के जी एफ टू जैसी बड़ी फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ है लीड रोल में विजय सॉरी प्रोडक्शन की कंपनी की बात करें तो विजय किरंग दूर इस फिल्म को होमबाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पर इस फिल्म का बजट करीबन दो करोड़ बताया गया था इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में होमबाले फिल्म वालों ने कुछ जगह पर खुद की रिलीज दिलवाई हुई थी वहीं पे कुछ जगह पे इस फिल्म को अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था वैसे जो उन्होंने खुद की रिलीज दिलवाई हुई थी वहां पे भी उन्होंने जिस तरह से जो रिलीज दिलवाई थी काफी बड़ी थी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी क्रिएट कुछ नेशनल चेंज के रिगार्डिंग जब फिल्म रिलीज हुई थी तब डंकी फिल्म के साथ इस फिल्म को जिस तरह से जो शोज दिए गए थे उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हुई थी लेकिन लेटर ऑन उन सभी चीज़ों के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी कलेक्शन करके दिखाई और बॉक्स ऑफिस पे एक फुल फिल्म सक्से साबित हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जिस तरह से जो इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे कुछ मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर कुछ को फिक्स राइट्स में बेचे गए थे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो हम्बाले फिल्म वालों ने कर्नाटक में खुद डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में मोक्सा मूवीज प्रत्यंगा सिनेमाज़ ने इस फिल्म को जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूट किया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने इस फिल्म को केरला में डिस्ट्रीब्यूट किया तमिलनाडु में इस फिल्म को रेंट जाइंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ए फिल्म ने सलार फिल्म को नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आंध्र प्रदेश में इस फिल्म को श्री श्री साइ सिनेमाज लक्ष्मी नरसिम्मा श्री मना कंथा फिल्म गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर टेलीफिल्म श्री वेंगे सिनेमाज़ और शिल्प कला एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश के रीजियंस में अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे जो निज़ाम वाला रीजन था वहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स ने खुद का रिलीज दिलवाया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचे गए थे सलार ने नॉन थिएट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे जिसमें सेटेलाइट डिजिटल ऑडियो राइट्स जो थे वो रिलीज से पहले ही बेच दिए थे जिसको करीबन तीन करोड़ में बेचा हुआ था डिजनी प्लस का डिजनी स्टार वालों को इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बेचे थे वहीं पे स्ट्रीमिंग राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों को उन्होंने बेचे हुए थे सभी वर्जनस के लिए जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम बात करें इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था वायलेंस और इन सभी चीज़ों के चलते जिस तरह का खून खराबा दिखाया था उसके रीजंस के चलते वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में प्रभाष पृथ्वीरा सुकुमार श्रुति हसन जैसे बड़े एक्टर्स थे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी भुवन गौबड़ा ने की हुई उज्जवल कुलकर्णी के द्वारा फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फिल्म को करीबन एक सौ पचहत्तर मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में रवि बसरु ने बैकग्राउंड कंपोज किए हुए थे साथ ही में इसको को लेबल किया हुआ था डीओ ने गाने फिल्म में तीन चार ही थे बाकी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स थे तो वो सभी चीजें सभी वजन में क्रिएट की हुई थी इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के सॉरी कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रिबिल स्टार प्रभास जी उन्होंने देवरथा राई सार यानी कि सलार या देवा का रोल प्ले किया हुआ है विदेश आना ने यंग देवा का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज सुकुमारन डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक का नाम था वरधा यानी कि वरदा राजा मन्नार दूसरे का नाम था शिवा मन्नार का्तिकी देव जो यंग वरदा राजा मन्नार का रोल प्ले करते नजर आए थे श्रुति हासन लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जिन्होंने आद्या कृष्णकांत का रोल प्ले किया हुआ है ईश्वरी राव ने देवा की माँ का रोल प्ले किया हुआ जो स्कूल की प्रिंसिपल थी जगपति बाबू ने राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है त्रिनुआनंद ने गायकवाडेला बाबा का रोल प्ले किया हुआ है देवारा जी ने इसमें ओम का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मा जी ने वाली का रोल प्ले किया हुआ है बॉबी सिन्हा ने भारवा का रोल प्ले किया हुआ है जॉन विजय ने रंगा का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू रुद्रराज राज मन्नार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे हर्ष रोशन ने इसमें यंग रुद्रराज राज मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है एम एस चौधरी इस फिल्म में नारंग के रोल में देखने को मिलेंगे रमणा ने इस फिल्म में रिंदा का रोल प्ले किया हुआ है मीम गोपी ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है सीरिया रेड्डी ने राजा रामा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में ओबुलमां का रोल प्ले करते नजर आएंगे प्रमोद पंजू ने इस फिल्म में बाची राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है बजरंग सेट्टी ने इसमें विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है सौरव लोकेश ने चीका का रोल प्ले किया हुआ है चिलुआ राज ने इसमें गुरुंग का रोल प्ले किया हुआ है मधु गुरुस्वामी ने हजारे का रोल प्ले किया जो रुद्रा के हैंचमैन थे रवि भट्ट ने इसमें कृष्णा

प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अगस्त 2020 की बात है तब प्रभास को अप्रोच किया गया था प्रसन्न नील के द्वारा एक फिल्म बनाना चाहते थे जहाँ पे जो उनकी डेब्यू फिल्म थी उग्रम उससे इनिशियल पोर्शन लेके इस फिल्म को टोटल दो तीन टो, 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 पार्ट में डेवलप किया हुआ था ये कहानी प्रभास को सुनाई थी उनको पसंद भी आई थी प्रोडक्शन का काम दो में स्टार्टिंग में स्टार्ट होने वाला था लेकिन प्रभास की राजेशम और आदिपुर का काम चल रहा था वहीं पर प्रसाद नील के जेप चैप्टर टू के ऊपर काम चल रहा था तो इन दोनों चीज़ों के चलते फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी वो उस फिल्मों के प्रोपी पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन के चक्कर में फिल्म को पोस्टपोन किए हुए थे वैसे इसके बीच में एन टी आर जूनियर के साथ भी प्रभा सॉरी प्रशांत नील की फिल्म अनाउंस हुई थी तो शायद उनकी तरफ से यही आया था कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि शायद प्रभास की फिल्म से पहले पे, पे, हो सकती है या एन टी रामा राव की अगर जिस तरह से जो चीज़ें सामने आते उस तरह का रहेगा दो दिसंबर को हम्बाले फिल्म बाद में अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि एक बड़ा कोलाब्रेशन होने जा रहा है जहाँ पे प्रशांत नील और प्रभाष के बीच में कोलाब्रेशन होने वाला ये तेलुगु फिल्म है जहाँ पर प्रशांत नील और प्रोडक्शन हाउस की ये पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है जिसका टाइटल सलार रखा हुआ है मुहूर्त पूजा सेरेमनी पंद्रह जनवरी दो को रखी गई थी कास्टर क्यू मेम्बर के साथ हैदराबाद में रवि बसर को म्यूजिक कंपोजिशन के लिए लिया, लिया गया जहां पर प्रशांत नील के साथ उनका कंजिक्यूटिव चौथा कोलोब्रेशन था भुवन गोड़ा उज्जवल कलकर्णी जिन्होंने के चैप्टर टू में भी काम किया था उनको भी अप्रोच किया गया तो इस तरह से उनके साथ काम किया गया था इस फिल्म का पहला पार्ट था उसके ऊपर शूटिंग का स्टार्ट था वो आठ जुलाई दो से करवा दिया गया था आ, वैसे इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है उनके तरफ से सलार का अनाउंसमेंट दो पार्ट में करवाया गया था आठ जुलाई दो को जहाँ पे पहले का सब रखा गया था सीज फायर पहले ये एक पार्ट में आने वाली फिल्म थी लेकिन आठ जुलाई दो को इनको कन्फर्म किया कि फिल्म को दो पार्ट में डेवलप किया जाएगा जो खानसार का वर्ल्ड है उसको प्रॉपर वे में बिल्डअप करके हमारे सामने पेश किया जाएगा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को प्रशांत नील के द्वारा अप्रोच किया गया था जहाँ पे प्रशांत नील ने जब प्रभास को अप्रोच किया था तब तो एक बाउंड स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई थी उसके ऊपर सिर्फ एक स्टोरी आइडिया और एक चीज़ें डेवलप की गई थी जहाँ पे उसके ऊपर उन्होंने पूरी फिल्म को डेवलप किया था जहाँ पे बताया जा रहा था प्रभास की तरफ से कुछ इंटरव्यू में कि वो एक एक्सट्रीमली वायलेंट किरदार होने वाला है जिन्होंने अभी तक प्रभास की जितनी भी फिल्में देखी हुई है उन्होंने इस टाइप का किरदार उनका नहीं देखा होगा तो ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी अट्ठाईस जुलाई दो को बताया गया था कि इस फिल्म में श्रुति हसन एज एक्ट्रेस के तौर पर जुड़ी हुई लीड एक्ट्रेस के तौर पर जहाँ पे प्रभास के साथ उनके अपोजिट उनकी ये फिल्म होने वाली है और श्रुति के बर्थडे के मौके के ऊपर ये सभी चीजें अनाउंस की गई थी जहां पे आद्या नाम जितने उन्होंने चार्ज हुए थे। प्रभास ने एक, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जहां पर उनका जो किरदार है वो इस फिल्म की कहानी का मेन पॉइंट होने वाला है जहां पर पृथ्वीराज सुकुमारन तेलुगु सिनेमा में पुलिस पुलिस जो करके दो में फिल्म आई हुई थी उस फिल्म के बाद उनका करीबन बारह तेरह साल के बाद का कम बैक होने वाला है तो ये स्ट्रेट तेलुगु फिल्म के लिए उन्होंने करीबन एक जितना समय उसके बाद वो आए हुए इसके अलावा जगपति बाबू मधु स्वामी ईश्वरी राव श्रीया रेड्डी तीनों आनंद बोबी सिमहा रामचंद्र राजू पृथ्वीराज झांसी सप्तगिरी जैसे कई ऐसे एक्टर्स है जिसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आए इसके अलावा ट्रेलर और प्रमोशनल ट्रेलर कुछ रिलीज हुए थे तब मीम गोपी और जॉन विजय का प्रेजेंस पता चला था तब पता चला था कि वो भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले तो ये फिल्म की कास्टिंग के साथ काम हुआ था फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म के 27 जुलाई 2021 को गोदरा खाने में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में शूट की गई थी आ, वहां पे श्रुति हसन ने सेट था वो दो दिन लेटर ऑन 29 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म का एक एक्शन एक सीक्वेंस रखा हुआ था प्रजा, प्रभास के साथ उस सीक्वेंस के दौरान कुछ फ़ोटोज़ थे जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए थे उसके बाद में 8 फरवरी को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर प्रभुवन गौड़ा ने अनाउंस किया था कि पहले पा शेड्यूल का काम कंप्लीट हो चुका है सेकंड शेड्यूल है वो 3 अगस्त 2021 से हैदराबाद में स्टार्ट किया जाएगा प्रभाष श्रुति हसन को लेते हुए और वैसे उसके बाद में इसका वो सेकंड शेड्यूल था वो बारह अगस्त तक कम्प्लीट करवाया गया था एक छोटा सा शेड्यूल था उसके बाद में प्रभास ने राजेश्याम दो हज़ार पाँच में उस फिल्म के लिए इस फ़िल्म से थोड़ा ब्रेक लिया उसके बाद में उनकी नी सर्जरी हुई थी स्पेन में उसके बाद में उन्होंने कल की ट्वेंटी एटी एडी का जो सेट था वो ज्वाइन किया वहाँ पे कुछ कमिटमेंट थी वो कंप्लीट की मई 2022 में 30 परसेंट फिल्म के की शूटिंग कंप्लीट की तीसरा शेड्यूल था वो फिल्म का चौबीस मई को रखा हुआ था और उसके बाद में अट्ठारह मई को शेड्यूल होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते उसको लेटर ऑन पोस्टपोन करना पड़ा उसके बाद में कुछ द सीन्स थे वो एक्शन सीक्वेंस के साथ वो शेयर किए गए थे उसके बाद में 28 जून को हैदराबाद में एक शेड्यूल सेट किया हुआ था उस शेड्यूल में एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे वो एक्शन सीक्वेंस में प्रभास श्रुति हसन और वेज फाइटर उसमें रखे हुए थे स्टार्ट कोरियोग्राफर के तौर पे इस फिल्म में अन अन्न बीरवी अन्ना बारवी स्टार रखे हुए थे इसके अलावा कुछ ऐसे शेड्यूल से लंबे जिसके साथ फिल्म के कुछ एक्शन सिक्वेंस और अलग अलग शेड्यूल रखे हुए थे दिसंबर में प्रोड्यूसर विजय किरंगदूर ने एटी फाइव परसेंट शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है वो अनाउंस किया हुआ था उसके बाद में साथ में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम स्टार्ट करवा दिया गया था वैसे उसके बाद की जो फाइनल शूटिंग है वो फरवरी 2023 में सेट की गई थी उसी महीने में जहाँ पे 20 मिनट लंबा एक एक्शन सीक्वेंस था उसको एक मिडल ऑफ दिस सी शूट किया हुआ था उस सीक्वेंस के लिए करीबन दस हज़ार का सॉरी दस करोड़ का खर्चा किया गया था जहाँ पे श्रुति हसन ने उस सेट को दस फरवरी को ज्वाइन किया हुआ था वीरा सिमा रेड्डी और वोल्टर विले वीरैया फिल्म की जो शूटिंग थी वो वहाँ पर करवाई गई थी सॉरी उस शूटिंग के बाद श्रुति हसन ने उस सेट को ज्वाइन किया हुआ था तेईस फरवरी तक उन्होंने इस शूटिंग के पर अपने पोर्शंस को कंप्लीट किया था उसके बाद में माटेरा में इस फिल्म के प्रोडक्शन को मूव किया हुआ था उसके बाद में रोम बुडापेस्ट, नेपल्स में इस फिल्म की कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस पे शूट हुआ था इनिशियली फिल्म को 28 सितंबर 2023 को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन ड्यू टू सम रीजंस इस फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा और फिल्म को रीशूट किया गया मिड सितंबर में उसके बाद में फिल्म की फाइनल एडिटिंग के ऊपर भी काम किया गया था कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले थे तो उसको शूट करने के लिए थोड़ा और टाइम लगा था जहाँ पे एक बिग वॉर सीक्वेंस सेट किया हुआ था जिसमें में करीबन सात व्हीकल यूज़ किए गए थे जीप टैंक्स कार इन ट्रक इन सभी चीज़ों को यूज़ किया हुआ था जिस तरह से इनकी शूटिंग चली थी उसमें करीबन काफ़ी लंबा समय लगा था जिसके चलते तीन सालों के अंदर करीबन 114 वर्किंग डेज लगे थे प्री प्रोडक्शन का काम अलग पोस्ट प्रोडक्शन का अलग तो इतने दिनों में इस फिल्म के इस शूटिंग को ब्रेपअप किया गया उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म को ले जाया गया जहाँ पे दिसंबर 2022 में विजय किरंगद ने बताया था कि इसमें वीएफएक्स का काम अराउंड सिक्स मंथ तक चलने वाला है अगस्त 2023 को पोस्ट प्रोडक्शन के काम को बसर विलेज में कर्नाटक में मूव किया था जहाँ पे रवि बसुर का स्टूडियो लोकेटेड है वहाँ पे इसको प्रॉपर वे में एक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था श्रुति हसन ने अपने पोषण की डबिंग थी वो मिड जून अगस्त दो हज़ार तेईस तक कम्प्लीट करवाई जहाँ पे जिन्होंने उन्होंने तेलुगु कन्नड़ा तमिल मलयालम हिंदी सभी वर्जन के लिए खुद ही डबिंग की डबिंग की हुई थी और उसके बाद में सेप्टेम्बर महीने में इस फिल्म के दूसरे डबिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट करते हुए नजर आए थे पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी दस दिसंबर दो हज़ार तक पूरी डबिंग अपने पोषण की कम्प्लीट करवाई अप्रोक्सीमेटली इस फिल्म में करीबन सिक्स हंड्रेड यूज किए गए थे जहाँ पे मिड सितंबर तक इसको का काम चला हुआ था जहाँ पे कुछ चीज़ें रीशूट की गई थी कुछ चीज़ों को पोस्टपोन किया गया था जिसके चलते शूटिंग लेट हुई थी जहाँ पे ओरिजिनल रिलीज़ थी अट्ठाईस सेप्टेम्बर की रिलीज डेट अनाउंस की गई थी उसके बाद में वो भी मूव करके बाद में बाईस दिसंबर दो को रिलीज डेट अनाउंस किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं म्यूजिक के राइट थे वो हम वाले म्यूजिक यानी कि फिल्म के प्रोडक्शन के पास थे डी ओ वालों ने इसको को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा 2022 हजार बाईस से इसमें गानों को रिकॉर्ड किया था रवि रवि बसरु स्टूडियोज में रवि बसरू ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पे उनका इस फिल्म के साथ करीबन चौथा कोलोब्रेशन था प्रशांत नील के साथ इस फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो चार ही गाने थे उसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थे गानों की ट्रैक लिस्टिंग करें तो सभी गानों पहले बता दो कि लिखे हुए कृष्णाकांत ने पहला गाना था सुरिंदे जिसको हरिन इतुरी ने गाया हुआ था जिसको तेरह दिसंबर 2023 को रवि बसरुर सॉरी हम्बाले म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था प्रतिका द लो करके जो गाना था उसको कोरस ने गाया हुआ था जिसको 21 दिसंबर 2023 तक ऑफिशियली रिलीज करवाया था उसके एक दिन बाद 22 दिसंबर 2023 को साउंड ऑफ सलार को इंस्ट्रूमेंटल के तौर पे रिलीज़ किया था विनारा गाने को सचिन बसरुड ने गाया हुआ था उसको फॉर सिंगल के तौर पे 26 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया आरू सेतुलन्ना करके जो गाना था उसको कना कलवर ने गाया हुआ था इसके अलावा सलार के पार्ट वन सीज फायर की ट्रेलर थीम थी सलार के फाइनल पंच थीम थी तो वो टोटल मिला के साठ ट्रैक हुए थे वर्ल्ड ऑफ खानसर का एक इंस्ट्रूमेंटल तैयार किया गया था तो इस तरह से 20 से 22 मिनट का एक साउंड ट्रैक तैयार हुआ था जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था इन सभी गानों को हिंदी में भी क्रिएट किया गया था हिंदी ट्रैक लिस्टिंग करें तो गानों के सभी लिरिक्स थे वो लिखे हुए थे रिया मुखर्जी ने सूरज ही छाव बन के गाना था वो मेनूकापू पौंडल ने गाया हुआ था किस्मतों में गाने को कोरस ने गाया हुआ था ग्यारह गाने को श्री कृष्णा ने वहीं पे काली माँ वाला जो गाना था उसको सशिका मूर्त ने गाया हुआ था इसके अलावा सभी इंस्ट्रूमेंटल थे तो ये सभी चीज़ें अभी आपको फिलहाल में सुनें तो हम्बाले म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर या डीओ के द्वारा जो रिलीज़ किए गए उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर इन गानों को ऑफिशियली वीडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब बात कर लेते हैं कहानी के ऊपर जहाँ पे देवा जो प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं लाइफ जी रहे अपनी माँ के साथ जहाँ पे वो तिनसुकिया में अपना एक पीसफुल लाइफ जी रहे लेकिन उनकी माँ के साथ कुछ ऐसा पास्ट हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा का एक डिस्टर्बिंग पास्ट था जहाँ पे ए, उसके बाद में फिल्म की कहानी है वो आद्या की ओर दिखाई जाती है कुछ गुंडे उस आद्या नाम की लड़की के तलाश में श्रुति हसन वो रोल प्ले कर रही है उस टाउन में वो नई नई आई हुई है और कुछ चीज़ें वो डिस्कवर कर रहे हैं जहाँ पे धीरे धीरे पता चलता है देवा कटरे के जो एक दिखाया जाता है इस गैंगस्टर के साथ जहाँ पे जो ये गैंग है गुंस की वो क्यों पीछे पड़ी हुई है वरदा राज यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो खानसा सिटी से बिलोंग करते हैं वो उनके बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ उनकी क्या इक्वेशन है उसके बाद में ये वॉर है जो एक क्रिएट होने वाली है खानसार में उसके ऊपर क्या चीज़ें होने वाली है उसमें देवा का क्या टेक होने वाला है आदिया इस फिल्म में किस तरह से क्या जुड़ी हुई है वो कौन है उसका किरदार क्या? पास्ट क्या है वर्द राज्य क्या करना चाह रहा है अपने दोस्त के साथ उसने क्या, क्या चीज़ें की हुई है वो सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से प्रभास का किरदार लिखा गया था वो एक फुल फ्लेज एक्शन फिल्म के तौर पे लिखा गया था जहाँ पे उनका वो किरदार था वो काफ़ी बढ़िया था उसमें एक्शन सिक्वेंस अच्छे थे इमोशनल सीन्स डाले हुए थे रोमांस भी डाला हुआ था साथ ही में एक माँ मा बेटे की बॉन्डिंग वाले सिक्वेंस भी थे फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग दिखाई हुई थी तो एक प्रॉपर एक किरदार तैयार किया गया था जिसमें काफ़ी देप्स लाई हुई थी और प्रभाष ने बखूबी उस किरदार को समझा हुआ है और उस किरदार में उन्होंने जान फूँकी हुई जिस तरह से उन्होंने इस किरदार के साथ एक सीमलेसली काम किया हुआ बढ़िया है सलाह रेखी देवा के रोल में जिस तरह उनका वो रोल डिलीवर करते हुए नजर आते वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो कैरेक्टर था उसमें डायलॉग्स बहुत कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें जो वायलेंस दिखाया हुआ उनके फिजिक्स थे डायलॉग डिलीवरी जो दो चार डायलॉग कम थे वो भी उसमें डायलॉग डिलीवरी थी ओवरऑल जिस तरह से उन्होंने जो एक पर्सोना उसमें क्रिएट किया हुआ था उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका बिहेवियर रूथलेस बिहेवियर दिखाया हुआ था एक मिनिसिंग रोल दिखाया हुआ था जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस में वो सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं उनके इमोशनल सीन्स थे वो सभी चीज़ें फिल्म में एक डेप क्रिएट करती है वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को बेहतर में आगे बढ़ाते हुए नज़र आते पृथ्वीराज सुकुमारन जो इस फिल्म में एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते अपने रोल के साथ एक परफेक्टली वो एक डेप्थ क्रिएट करते हुए नज़र आते प्रशांत तिल के साथ उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है प्रशांत ने जिस तरह से उनके पास से जो काम निकलवाया तो वो शानदार था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से उन्होंने सीन्स में प्रभास के साथ काम किया उनके साथ जितने में जो एक स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था तो वो सभी चीज़ें मिला के फिल्म को और बेहतर बना देती है इसके अलावा इस फिल्म में फर्स्ट हाफ में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है जहाँ पे पूरा जो वर्ल्ड है खान सर का वो दिखाया हुआ है एक एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया हुआ है स्क्रीन प्ले को एक एलिवेटिंग मैनर में दिखाया हुआ है एक्शन सिक्वेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग रखे हुए फिल्म में विसल विस्तृति मोमेंट्स भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे फिल्म का इंटरवल क्लाइमैक्स और एलिवेशन वाले सीन्स डेफिनेटली फिल्म के ओर आपको अपील करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में आपको फर्स्ट हाफ में जिस तरह से जो डिसेंट पेस देखने को मिलती है सेकंड हाफ़ में वो पेस थी वो थोड़ी इधर उधर जाती हुई नजर आती है के से आप कंपेयर करने लगते हो तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग इम्पेक्ट क्रिएट करती है और इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से जो जगपति बाबू बोबी सिमा जोन विजय सीरिया रेड्डी जैसे, जैसे एक्टर्स के पास काम निकलवाया साथ ही में जिस तरह से ब्रह्मा जी जहाँ से को साइडलाइन किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें बेहतर की जा सकती थी उन सभी एक्टर्स के पास अच्छी रोल अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई जा सकती थी इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से एज अ डायरेक्टर के तौर पे प्रूव किया हुआ है कि वो एलिवेशन वाले सीन है हीरोइज्म वाले सीन है उसको काफ़ी बेहतर तरीके से बताने के लिए जाने जाते हैं इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से स्टोरी स्क्रीन प्ले के ऊपर फोकस किया हुआ है ओवरऑल जो नरेशन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ें मेकर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से की हुई है कैमरा वर्क काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है सिनेमाटोग्राफर ने कमेंडेबल काम किया हुआ है बे फिल्म की अच्छी है जो एलिवेशन वाले सीन से उसको अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नज़र आते इसके अलावा स्टंट की कोरियोग्राफी काफी बढ़िया थी उज्ज्वल कुलकर्णी के द्वारा जो एडिटिंग की गई है उसको थोड़ा हाँ सकता था लेकिन ओवरऑल अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू कमेंडेबल नजर आएगी कुल मिला के सलार पार्टन सीज फायर एक इंटेंस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे प्रभास की टेरिफिक परफॉर्मेंस पृथ्वीराज सुकुमारन का एक अच्छा सपोर्टिव रोल इसके अलावा जो एक्शन सिक्वेंस है जिस तरह से फिल्म को स्टंट में कोरियोग्राफ किया हुआ उसका जो एक एक्सिक्यूशन निकल के आया हुआ है वो एक अच्छी अपील देता हुआ नजर आता है मास ऑडियंस को कनेक्ट करेगा और साथ ही में पता है कि इस फिल्म फिल्म में कुछ ऐसे एक से जो डेफिनेटली फिल्म को थोड़ा स्लो करते करोगे तो वर्थ टू वॉच तो जरूर है में बाईस दिसंबर दो हजार तेईस को थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था दो करोड़ का बजट था उसके सामने फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक बड़ी ओपनिंग ली हुई थी ओपनिंग के बाद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी एक डिसेंट टू पॉजिटिव निकला हुआ था जहाँ पे तिप्पन तीन ति, फिफ्टी थ्री थाउजेंड वोट भी फिलहाल में मिले हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म ने डे बाय डे एक बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था पहले दिन फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से नाइन्टी फाइव करोड़ का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर निकला हुआ था इसके इंडिया से वन नाइन्टी फाइव था ओवरऑल एक वन सेवनटी एट पॉइंट सेवन करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया था मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहा जहां पे इस फिल्म ने करीबन सात सौ करोड़ से ज़्यादा का क्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से सलार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस लिया वैसे इस फिल्म के ओटीटी राइट्स टी, -टी राइट थे नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको अगर ऑफिशियली देखने हैं तो सलार पार्ट वन सीज फायर नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो मल्टीपल लैंग्वेजेस में वहीं पर इस फिल्म के स्टार के जितने भी चैनल है वहाँ पे इस फिल्म का सलार का अलग अलग वर्जन में हिंदी तेलुगु, तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन में आ, फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म फिलहाल में नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार माँ जैसी अलग अलग चैनल से जो स्टार की अलग अलग लैंग्वेज के लिए वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में, में प्रीमियर करवाया हुआ है तो वहाँ पर ये फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म आप ऑफिशियली मल्टीपल लैंग्वेज में इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे ये फिल्म ओ टी टी और सेटेलाइट पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे सलार पार्ट वन सीज फायर सलार का वैसे मीनिंग होता है कमांडर ये एक 2023 की के इंडियन तेलुगु लैंग्वेज में बनी पेन इंडियन फिल्म है जिसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में थिएट्रिकली रिलीज किया गया था फिल्म का जो है एपिक एक्शन फिल्म ये फिल्म दो पार्ट में बनी हुई फिल्म है। ये फिल्म का पहला पार्ट है वैसे हो सकता है इसका तीसरा भी पार्ट हो इस फिल्म का स्टोरी आइडिया लिखा हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने अपनी खुद की जो पहली फिल्म थी डेब्यू फिल्म उग्रम उससे इंस्पायर होकर इस फिल्म का स्टार्टिंग का जो इनिशियल पोर्सन है वो डेवलप किया हुआ था उसके बाद में पूरा एक खानसार का नया वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है एक फिक्शनल सिटी तैयार की हुई है उसने इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ 拜 इस फिल्म का डायलॉग है वो लिखा हुआ है संदीप रेड्डी बंडला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी ने वैसे स्क्रीन प्ले राइटिंग डिरेक्शन है वो किया हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने के जी एफ के जी एफ टू जैसी बड़ी फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ है लीड रोल में विजय सॉरी प्रोडक्शन की कंपनी की बात करें तो विजय किरंग दूर इस फिल्म को होमबाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पर इस फिल्म का बजट करीबन दो करोड़ बताया गया था इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में होमबाले फिल्म वालों ने कुछ जगह पर खुद की रिलीज दिलवाई हुई थी वहीं पे कुछ जगह पे इस फिल्म को अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था वैसे जो उन्होंने खुद की रिलीज दिलवाई हुई थी वहां पे भी उन्होंने जिस तरह से जो रिलीज दिलवाई थी वो काफी बड़ी थी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी क्रिएट कुछ ने, नेशनल चेंज के रिगार्डिंग जब फिल्म रिलीज हुई थी तब डंकी फिल्म के साथ इस फिल्म को जिस तरह से जो शोज दिए गए थे उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हुई थी लेकिन लेटर ऑन उन सभी चीज़ों के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी कलेक्शन करके दिखाई और बॉक्स ऑफिस पे एक फुल फिल्म सक्से साबित हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जिस तरह से जो इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे कुछ मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर कुछ को फिक्स राइट्स में बेचे गए थे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो हम्बाले फिल्म वालों ने कर्नाटक में खुद डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में मोक्सा मूवीज प्रत्यंगा सिनेमाज़ ने इस फिल्म को जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूट किया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने इस फिल्म को केरला में डिस्ट्रीब्यूट किया तमिलनाडु में इस फिल्म को रेंट जाइंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ए फिल्म ने सलार फिल्म को नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आंध्र प्रदेश में इस फिल्म को श्री सा श्री साइ सिनेमाज लक्ष्मी नरसिम्मा श्री मना कंथा फिल्म गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के टेली फिल्म श्री वेंगे सिनेमाज और शिल्प कला एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश के रीजियंस में अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे जो निज़ाम वाला रीजियन था वहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स ने खुद का रिलीज दिलवाया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचे गए थे सलार ने नॉन थिएट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे जिसमें सेटेलाइट डिजिटल ऑडियो राइट्स जो थे वो रिलीज से पहले बेच दिए थे जिसको करीबन तीन करोड़ में बेचा हुआ था डिजनी प्लस का डिजनी स्टार वालों को इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बेचे थे वहीं पे स्ट्रीमिंग राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों को उन्होंने बेचे हुए थे सभी वर्जनस के लिए जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम बात करें इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था वायलेंस और इन सभी चीज़ों के चलते जिस तरह का खून खराबा दिखाया था उसके रीजंस के चलते वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में प्रभाष प्रीति राजू कुमार श्रुति हसन जैसे बड़े एक्टर्स थे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी भुवन गौबड़ा ने की हुई उज्ज्वल कुलकर्णी के द्वारा फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट दिया गया था वायलेंस के चलते इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में रवि बसरो ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स से वाले म्यूजिक ने अपने पास रखे हुए थे साथ ही में इसको कोर लेबल किया हुआ था टीओ ने गाने फिल्म में तीन चार ही थे बाकी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स थे तो वो सभी चीजें सभी वजन में क्रिएट की हुई थी इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के सॉरी कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रिबिल स्टार प्रभास जी उन्होंने देवरथा राई सार यानी कि सलार या देवा का रोल प्ले किया हुआ है विदेश आनंद ने यंग देवा का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज सुकुमारन डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक का नाम था वरधा यानी कि वरदा राजा मन्नार दूसरे का नाम था शिवा मन्नार का्तिकी देव जो यंग वरद राजा मन्नार का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे श्रुति हासन लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जिन्होंने आद्या कृष्णकांत का रोल प्ले किया हुआ है ईश्वरी राव ने देवा की माँ का रोल प्ले किया हुआ जो स्कूल की प्रिंसिपल थी जगपति बाबू ने राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है तिनुआ आनंद ने गायकवाडेला का रोल प्ले किया हुआ है देवारा ने इसमें ओम का रोल प्ले किया हुआ ब्रह्मा जी ने वाली का रोल प्ले किया है, बॉबी सिंह ने भारवा का रोल प्ले किया हुआ है, जॉन विजय ने रंगा का रोल प्ले किया हुआ है, रामचंद्र राजू रुद्रराज राज मन्नार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे हर्ष रोशन ने इसमें यंग रुद्रराज मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है एम एस चौधरी इस फिल्म में नारंग के रोल में देखने को मिलेंगे रमणा ने इस फिल्म में रिंदा का रोल प्ले किया हुआ है मीम गोपी ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है सीरिया रेड्डी ने राधा रामा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में ओबुलम्मा का रोल प्ले करते नजर आएंगे प्रमोद पंजू ने इस फिल्म में बाची राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है बजरंग सेट्टी ने इसमें विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है सौरव लोकेश ने चीका का रोल प्ले किया हुआ है चिलुआ राज ने इसमें गुरुंग का रोल प्ले किया हुआ है मधु गुरुस्वामी ने हजारे का रोल प्ले किया जो रुद्रा राज के हैंचमैन थे रवि भट्ट ने इसमें कृष्ण का रोल प्ले किया है नवीन शंकर पंडित के रोल में देखने को मिलेंगे सफी ने धीरू का रोल प्ले किया है पृथ्वीराज ने विलेज सुरभि का रोल प्ले किया हुआ है लोकल ट्राइब गर्ल है जो खानसार में ले है सात्विक वर्मा ने इसमें ओबुलम्मा के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण मेन रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अगस्त 2020 की बात है तब प्रभास को अप्रोच किया गया था प्रसन्न नील के द्वारा एक फिल्म बनाना सा चाहते थे जहाँ पे जो उनकी डेब्यू फिल्म थी उग्रम उससे इनिशियल पोर्शन लेके इस फिल्म को टोटल टो, टो, दो तीन पार्ट में डेवलप किया हुआ था ये कहानी प्रभास को सुनाई थी उनको पसंद भी आई थी प्रोडक्शन का काम दो में स्टार्टिंग में स्टार्ट होने वाला था लेकिन प्रभास की राजेशम और आदिपुर का काम चल रहा था वहीं पर प्रसाद नील के जब चैप्टर टू के ऊपर काम चल रहा था तो इन दोनों चीज़ों के चलते फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी वो उस फिल्मों के प्रोपी पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन के चक्कर में फिल्म को पोस्टपोन किए हुए थे वैसे इसके बीच में एन टी आर रामा राव जूनियर के साथ भी प्रभा सॉरी प्रशांत नील की फिल्म अनाउंस हुई थी तो शायद उनकी तरफ से यही आया था कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि शायद प्रभास की फिल्म से पहले पे, पे, हो सकती है या एन टी आर रामा राव की अगर जिस तरह से जो चीज़ें सामने आते उस तरह का रहेगा दो दिसंबर को हम वाले फिल्म बाद में अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि एक बड़ा कोलाब्रेशन होने जा रहा है जहाँ पे प्रशांत नील और प्रभाष के बीच में कोलाब्रेशन होने वाला ये तेलुगु फिल्म है जहाँ पर प्रशांत नील और प्रोडक्शन हाउस की ये पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है जिसका टाइटल सलार रखा हुआ है मुहूर्त पूजा सेरेमनी पंद्रह जनवरी दो को रखी गई थी कास्टर क्यू मेम्बर के साथ हैदराबाद में रवि बसरूर को म्यूजिक कंपोजिशन के लिए लिया गया जहाँ प्रशांत नील के साथ उनका चौथा कोलोबेशन था, था भुवन गौड़ा उज्जवल कलकनी जिन्होंने के चैप्टर टू में भी काम किया था उनको भी अप्रोच किया गया तो इस तरह से उनके साथ काम किया गया था इस फिल्म का पहला पार्ट था उसके ऊपर शूटिंग का स्टार्ट था वो आठ जुलाई दो से करवा दिया गया था आ, वैसे इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है उनके तरफ से सलार का अनाउंसमेंट दो पार्ट में करवाया गया था आठ जुलाई 2023 को जहाँ पे पहले का सब रखा गया था सीज फायर पहले ये एक पार्ट में आने वाली फिल्म थी लेकिन आठ जुलाई 2023 को इनको कंफर्म किया कि फिल्म को दो पार्ट में डेवलप किया जाएगा जो उस खानसार का वर्ल्ड है उसको प्रॉपर वे में बिल्डअप करके हमारे सामने पेश किया जाएगा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को प्रशांत नील के द्वारा अप्रोच किया गया था जहां पे प्रशांत नील ने जब प्रभास को अप्रोच किया था तब तो एक बाउंड स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई थी उसके ऊपर सिर्फ एक स्टोरी आइडिया और एक चीज़ें डेवलप की गई थी जहाँ पे उसके ऊपर उन्होंने पूरी फिल्म को डेवलप किया था जहाँ पे बताया जा रहा था प्रभास की तरफ से कुछ इंटरव्यू में कि वो एक एक्सट्रीमली वायलेंट किरदार होने वाला है जिन्होंने अभी तक प्रभास की जितनी भी फिल्में देखी हुई है उन्होंने इस टाइप का किरदार उनका नहीं देखा होगा तो ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी अट्ठाईस जुलाई दो को बताया गया था कि इस फिल्म में श्रुति हासन एज एक्ट्रेस के तौर पर जुड़ी हुई लीड एक्ट्रेस के तौर पर जहाँ पे प्रभास के साथ उनके अपोजिट उनकी ये फिल्म होने वाली है और श्रुति के बथड़े के मौके के ऊपर चीजें अनाउंस की गई थी जहां पे आद्या नाम जितने उन्होंने चार्ज हुए थे। प्रभास ने एक, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जहां पर उनका जो किरदार है वो इस फिल्म की कहानी का मेन पॉइंट होने वाला है जहां पर पृथ्वीराज सुकुमारन तेलुगु सिनेमा में पुलिस पुलिस जो करके दो में फिल्म आई हुई थी उस फिल्म के बाद उनका करीबन बारह तेरह साल के बाद का कम बैक होने वाला है तो ये स्ट्रेट तेलुगु फिल्म के लिए उन्होंने करीबन एक जितना समय उसके बाद वो आए हुए इसके अलावा जगपति बाबू मधु गुरु स्वामी ईश्वरी राव श्रिया रेड्डी तीनों आनंद बोबी सिमहा रामचंद्र राजू पृथ्वीराज झांसी सप्तगिरी जैसे कई ऐसे एक्टर्स है जिसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आए इसके अलावा ट्रेलर और प्रमोशनल ट्रेलर कुछ रिलीज हुए थे तब मीम गोपी और जॉन विजय का प्रेजेंस पता चला था तब पता चला था कि वो भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले तो ये फिल्म की कास्टिंग के साथ काम हुआ था फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म के 27 जुलाई 2021 को गोदरा खाने में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में शूट की गई थी आ, वहां पे श्रुति हसन ने सेट था वो दो दिन लेटर ऑन 29 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म का एक एक्शन सीक्वेंस रखा हुआ था प्रजा, प्रभास के साथ उस सीक्वेंस के दौरान कुछ फ़ोटोज़ थे जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए थे उसके बाद में 8 फरवरी को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर प्रभोवन गौड़ा ने अनाउंस किया था कि पहले पा शेड्यूल का काम कंप्लीट हो चुका है सेकंड शेड्यूल है वो 3 अगस्त 2021 से हैदराबाद में स्टार्ट किया जाएगा प्रभाष श्रुति हासन को लेते हुए और वैसे उसके बाद में इसका वो सेकंड शेड्यूल था वो बारह अगस्त तक कम्प्लीट करवाया गया था एक छोटा सा शेड्यूल था उसके बाद में प्रभास ने राजेश्याम दो हज़ार पाँच में उस फिल्म के लिए इस फ़िल्म से थोड़ा ब्रेक लिया उसके बाद में उनकी नी सर्जरी हुई थी स्पेन में उसके बाद में उन्होंने कल की ट्वेंटी एटी एडी का जो सेट था वो ज्वाइन किया वहाँ पे कुछ कमिटमेंट थी वो कंप्लीट की मई 2022 में 30 परसेंट फिल्म के की शूटिंग कंप्लीट की तीसरा शेड्यूल था वो फिल्म का चौबीस मई को रखा हुआ था और उसके बाद में अट्ठारह मई को शेड्यूल होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते उसको लेटर ऑन पोस्टपोन करना पड़ा उसके बाद में कुछ द सीन्स थे वो एक्शन सीक्वेंस के साथ वो शेयर किए गए थे उसके बाद में 28 जून को हैदराबाद में एक शेड्यूल सेट किया हुआ था उस शेड्यूल में एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे वो एक्शन सीक्वेंस में प्रभास श्रुति हसन और वेज फाइटर उसमें रखे हुए थे स्टार्ट कोरियोग्राफर के तौर पे इस फिल्म में अन बीरवी अन्ना बारवी स्टार रखे हुए थे इसके अलावा कुछ ऐसे शेड्यूल से लंबे जिसके साथ फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस और अलग अलग शेड्यूल रखे हुए थे दिसंबर में प्रोड्यूसर विजय किरंगदूर ने 85 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है वो अनाउंस किया हुआ था उसके बाद में साथ में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम स्टार्ट करवा दिया गया था वैसे उसके बाद की जो फाइनल शूटिंग है वो फरवरी 2023 में सेट की गई थी उसी महीने में जहाँ पे 20 मिनट लंबा एक एक्शन सीक्वेंस था उसको एक मिडल ऑफ दिस सी शूट किया हुआ था उस सीक्वेंस के लिए करीबन दस हज़ार का सॉरी दस करोड़ का खर्चा किया गया था जहाँ पे श्रुति हसन ने उस सेट को दस फरवरी को ज्वाइन किया हुआ था वीरा सिमा रेड्डी और वोल्टर विले वीरैया फिल्म की जो शूटिंग थी वो वहाँ पर करवाई गई थी सॉरी उस शूटिंग के बाद श्रुति हसन ने उस सेट को ज्वाइन किया हुआ था तेईस फरवरी तक उन्होंने इस शूटिंग के पर अपने पोर्शंस को कंप्लीट किया था उसके बाद में माटेरा में इस फिल्म के प्रोडक्शन को मूव किया हुआ था उसके बाद में रोम बुडापेस्ट, नेपल्स में इस फिल्म की कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस पे शूट हुआ था इनिशियली फिल्म को 28 सितंबर 2023 को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन ड्यू टू सम रीजंस इस फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा और फिल्म को रीशूट किया गया मिड सितंबर में उसके बाद में फिल्म की फाइनल एडिटिंग के ऊपर भी काम किया गया था कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले थे तो उसको शूट करने के लिए थोड़ा और टाइम लगा था जहाँ पे एक बिग वॉर सीक्वेंस सेट किया हुआ था जिसमें में करीबन सात व्हीकल यूज़ किए गए थे जीप टैंक्स कार इन ट्रक इन सभी चीज़ों को यूज़ किया हुआ था जिस तरह से इनकी शूटिंग चली थी उसमें करीबन काफ़ी लंबा समय लगा था जिसके चलते तीन सालों के अंदर करीबन 114 वर्किंग डेज लगे थे प्री प्रोडक्शन का काम अलग पोस्ट प्रोडक्शन का अलग तो इतने दिनों में इस फिल्म के इस शूटिंग को ब्रेपअप किया गया उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म को ले जाया गया जहाँ पे दिसंबर 2022 में विजय किरंगद ने बताया था कि इसमें वीएफएक्स का काम अराउंड सिक्स मंथ तक चलने वाला है अगस्त 2023 को पोस्ट प्रोडक्शन के काम को बसर विलेज में कर्नाटक में मूव किया था जहाँ पे रवि बसुर का स्टूडियो लोकेटेड है वहाँ पे इसको प्रॉपर वे में एक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया श्रुति हसन ने अपने पोषण की डबिंग थी वो मिड जून अगस्त दो हज़ार तेईस तक कम्प्लीट करवाई जहाँ पे जिन्होंने उन्होंने तेलुगु कन्नड़ा तमिल मलयालम हिंदी सभी वर्जन के लिए खुद ही डबिंग की डबिंग की हुई थी और उसके बाद में सेप्टेम्बर महीने में इस फिल्म के दूसरे डबिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट करते हुए नजर आए थे पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी दस दिसंबर दो हज़ार तक पूरी डबिंग अपने पोषण की कम्प्लीट करवाई अप्रोक्सीमेटली इस फिल्म में करीबन सिक्स हंड्रेड यूज किए गए थे जहाँ पे मिड सितंबर तक इसको का काम चला हुआ था जहाँ पे कुछ चीज़ें रीशूट की गई थी कुछ चीज़ों को पोस्टपोन किया गया था जिसके चलते शूटिंग लेट हुई थी जहाँ पे ओरिजिनल रिलीज़ थी अट्ठाईस सेप्टेम्बर की रिलीज डेट अनाउंस की गई थी उसके बाद में वो भी मूव करके बाद में बाईस दिसंबर दो को रिलीज डेट अनाउंस किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं म्यूजिक के राइट थे वो हम वाले म्यूजिक यानी कि फिल्म के प्रोडक्शन के पास थे डी ओ वालों ने इसको को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा 2022 हजार बाईस थे इसमें गानों को रिकॉर्ड किया था रवि रवि बसरु स्टूडियोज में रवि बसरू ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पे उनका इस फिल्म के साथ करीबन चौथा कोलोब्रेशन था प्रशांत नील के साथ इस फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो चार ही गाने थे उसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थे गानों की ट्रैक लिस्टिंग करें तो सभी गानों पहले बता दो कि लिखे हुए कृष्णाकांत ने पहला गाना था सुरिंदे जिसको हरिन इतुरी ने गाया हुआ था जिसको तेरह दिसंबर 2023 को रवि बसर सॉरी हम्बाले म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था प्रतिका द लो करके जो गाना था उसको कोरस ने गाया हुआ था जिसको 21 दिसंबर 2023 तक ऑफिशियली रिलीज करवाया था उसके एक दिन बाद 22 दिसंबर 2023 को साउंड ऑफ सलार को इंस्ट्रूमेंटल के तौर पे रिलीज़ किया था विनारा गाने को सचिन बसरूर ने गाया हुआ था उसको फॉर सिंगल के तौर पे 26 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया आरू सेतुलन्ना करके जो गाना था उसको कना कलवर ने गाया हुआ था इसके अलावा सलार के पार्ट वन सीज फायर की ट्रेलर थीम थी सलार के फाइनल पॉइंट थीम थी तो वो टोटल मिला के साठ ट्रैक हुए थे वर्ल्ड ऑफ खानसर का एक इंस्ट्रूमेंटल तैयार किया गया था तो इस तरह से 20 से 22 मिनट का एक साउंड ट्रैक तैयार हुआ था जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था इन सभी गानों को हिंदी में भी क्रिएट किया गया था हिंदी ट्रैक लिस्टिंग करें तो गानों के सभी लिरिक्स थे वो लिखे हुए थे रिया मुखर्जी ने सूरज ही छाव बन के गाना था वो मेनूका पौंडल ने गाया हुआ था किस्मतों में गाने को कोरस ने गाया हुआ था ग्यारह गाने को श्री कृष्णा ने वहीं पे काली माँ वाला जो गाना था उसको शशिका मूर्त ने गाया हुआ था इसके अलावा सभी इंस्ट्रूमेंटल थे तो ये सभी चीज़ें अभी आपको फिलहाल में सुनें तो हम्बाले म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर या डीओ के द्वारा जो रिलीज़ किए गए उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर इन गानों को ऑफिशियली वीडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब बात कर लेते हैं कहानी के ऊपर जहाँ पे देवा जो प्रभास रोल प्ले कर रहे केज लाइफ जी रहे अपनी माँ के साथ जहाँ पे वो तिनसुकिया में अपना एक पीसफुल लाइफ जी रहे लेकिन उनकी माँ के साथ कुछ ऐसा पास्ट हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा का एक डिस्टर्बिंग पास्ट था जहाँ पे ए, उसके बाद में फिल्म की कहानी है वो आद्या की ओर दिखाई जाती है कुछ गुंडे उस आद्या नाम की लड़की के तलाश में श्रुति हसन वो रोल प्ले कर है उस टाउन में वो नई नई आई हुई है और कुछ चीज़ें वो डिस्कवर कर रहे हैं जहाँ पे धीरे धीरे पता चलता है देवा का ट्रैक है जो एक दिखाया जाता है इस गैंगस्टर के साथ जहाँ पे जो ये गैंग है गुंस की वो क्यों पीछे पड़ी हुई है वरदा राजा मन्नार यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो खानसा सिटी से बिलोंग करते हैं वो उनके बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ उनकी क्या इक्वेशन है उसके बाद में ये वॉर है जो एक क्रिएट होने वाली है खानसार में उसके ऊपर क्या चीज़ें होने वाली है उसमें देवा का क्या टेक होने वाला है आदिया इस फिल्म में किस तरह से क्या जुड़ी हुई है वो कौन है उसका किरदार क्या? पास्ट क्या है वरदराज क्या करना चाह रहा है अपने दोस्त के साथ उसने क्या, क्या चीज़ें की हुई है वो सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से प्रभास का किरदार लिखा गया था वो एक फुल फ्लेज एक्शन फिल्म के तौर पे लिखा गया था जहाँ पे उनका वो किरदार था वो काफ़ी बढ़िया था उसमें एक्शन सिक्वेंस अच्छे थे इमोशनल सीन्स डाले हुए थे रोमांस भी डाला हुआ था साथ ही में एक माँ मा बेटे की बॉन्डिंग वाले सिक्वेंस भी थे फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग दिखाई हुई थी तो एक प्रॉपर एक किरदार तैयार किया गया था जिसमें काफ़ी देप्स लाई हुई थी और प्रभाष ने बखूबी उस किरदार को समझा हुआ है और उस किरदार में उन्होंने जान फूँकी हुई जिस तरह से उन्होंने इस किरदार के साथ एक सीमलेसली काम किया हुआ बढ़िया है सलाह रेखी देवा के रोल में जिस तरह उनका वो रोल डिलीवर करते हुए नजर आते वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो कैरेक्टर था उसमें डायलॉग्स बहुत कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें जो वायलेंस दिखाया हुआ उनके फिजिक्स थे डायलॉग डिलीवरी जो दो चार डायलॉग कम थे वो भी उसमें डायलॉग डिलीवरी थी ओवरऑल जिस तरह से उन्होंने जो एक पर्सोना उसमें क्रिएट किया हुआ था उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका बिहेवियर रूथलेस बिहेवियर दिखाया हुआ था एक मिनिसिंग रोल दिखाया हुआ था जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस में वो सभी चीज़ें देखने को मिलते हैं उनके इमोशनल सीन्स थे वो सभी चीज़ें फिल्म में एक टेप क्रिएट करती है वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को बेहतर में आगे बढ़ाते हुए नजर आते पृथ्वीराज सुकुमारन जो इस फिल्म में एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते अपने रोल के साथ एक परफेक्टली वो एक डेप्थ क्रिएट करते हुए नज़र आते प्रशांत तिल के साथ उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है प्रशांत इन ने जिस तरह से उनके पास से जो काम निकलवाया तो शानदार था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से उन्होंने सीन्स में प्रभास के साथ काम किया उनके साथ जितने में जो एक स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था तो वो सभी चीज़ें मिला के फिल्म को और बेहतर बना देती है इसके अलावा इस फिल्म में फर्स्ट हाफ में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है जहाँ पे पूरा जो वर्ल्ड है खान सर का वो दिखाया हुआ है एक एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया हुआ है स्क्रीन प्ले को एक एलिवेटिंग मैनर में दिखाया हुआ है एक्शन सीक्वेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग रखे हुए फिल्म में विसल विशलवर्सी मोमेंट्स भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे फिल्म का इंटरवल क्लाइमैक्स और एलिवेशन वाले सीन्स डेफिनेटली फिल्म की ओर आपको अपील करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में आपको फर्स्ट हाफ में जिस तरह से जो डिसेंट पेस देखने को मिलती है सेकंड हाफ में वो पेस थी वो थोड़ी इधर उधर जाती हुई नजर आती है के से आप कंपेयर करने लगते हो तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग इम्पेक्ट क्रिएट करती है और इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से जो जगपति बाबू बोबी सिमा जोन विजय सीरिया रेड्डी जैसे एक्टर्स के पास काम निकलवाया साथ ही में जिस तरह से ब्रह्मा जी जहाँ से को साइडलाइन किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें बेहतर की जा सकती थी उन सभी एक्टर्स के पास अच्छी रोल अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई जा सकती थी इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से एज अ डायरेक्टर के तौर पे प्रूव किया हुआ है कि वो एलिवेशन वाले सीन है हीरोइज्म वाले सीन है उसको काफ़ी बेहतर तरीके से बताने के लिए जाने जाते हैं इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से स्टोरी स्क्रीन प्ले के ऊपर फोकस किया हुआ है ओवरऑल जो नरेशन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ें मेकर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से सेन्स की हुई है कैमरा वर्क काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफर ने कमेंडेबल काम किया हुआ है बीजीएम फिल्म की अच्छी है जो एलिवेशन वाले सीन्स है उसको अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते इसके अलावा स्टंट की कोरियोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी उज्ज्वल कुलकर्णी के द्वारा जो एडिटिंग की गई है उसको थोड़ा हाँ क्रिस्प किया जा सकता था लेकिन ओवरऑल अच्छी है प्रोडक्शन वैल्यू कमेंडेबल नज़र आएगी कुल मिला के सलार पार्ट वन सीज फायर एक इंटेंस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे प्रभास की टेरिफिक परफॉर्मेंस पृथ्वीराज सुकुमारन का एक अच्छा सपोर्टिव रोल इसके अलावा जो एक्शन सिक्वेंस है जिस तरह से फिल्म को स्टंट में कोरियोग्राफ किया हुआ उसका जो एक एक्सिक्यूशन निकल के आया हुआ है वो एक अच्छी फिल देता हुआ नज़र आता है मास ऑडियंस को कनेक्ट करेगा और साथ ही में पता है कि इस फिल्म में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स है जो डेफिनेटली फिल्म को थोड़ा स्लो करते लेकिन ओवरऑल फिल्म ख़त्म करोगे तो आपको एक सेटिस्फाइंग फिल्म नज़र आएगी तो वर्थ टू वॉच तो ज़रूर है वर्थ वॉच फिल्म है इसको डेफिनेटली देख सकते हो सलार पार्ट वन सीज फायर को मल्टीपल लैंग्वेजेज में बाईस दिसंबर दो को थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था दो करोड़ का बजट था उसके सामने फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक बड़ी ओपनिंग ली हुई थी ओपनिंग के बाद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी एक डिसेंट टू पॉजिटिव निकला हुआ था जहाँ पे तिप्पन तीन ति, फिफ्टी थ्री थाउजेंड वोट भी फिलहाल में मिले हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म ने डे बाय डे एक बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था पहले दिन फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से नाइन्टी फाइव करोड़ का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर निकला हुआ था इसके इंडिया से वन नाइन्टी फाइव था ओवरऑल एक वन सेवनटी एट पॉइंट सेवन करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया था मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहा जहां पे इस फिल्म ने करीबन सात सौ करोड़ से ज़्यादा का क्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से सलार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस लिया वैसे इस फिल्म के ओटीटी राइट्स टी, -टी राइट थे नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको अगर ऑफिशियली देखने हैं तो सलार पार्ट वन सीज फायर नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो मल्टीपल लैंग्वेजेस में वहीं पर इस फिल्म के स्टार के जितने भी चैनल है वहाँ पे इस फिल्म का सलार का अलग अलग वर्जन में हिंदी तेलुगु, तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन में आ, फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा फिर रिपीट कर देता हूँ कि सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म फिलहाल में नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार माँ जैसी अलग अलग चैनल से जो स्टार की अलग अलग लैंग्वेज के लिए वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है तो वहाँ पर ये फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म आप ऑफिशियली मल्टीपल लैंग्वेज में इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे ये फिल्म ओ टी टी और सेटेलाइट पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे सलार पार्ट वन सीज फायर सलार का वैसे मीनिंग होता है कमांडर ये एक 2023 के इंडियन तेलुगु लैंग्वेज में बनी पेन इंडियन फिल्म है जिसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में थिएट्रिकली रिलीज किया गया था फिल्म का जो है एपिक एक्शन फिल्म ये फिल्म दो पार्ट में बनी हुई फिल्म है। ये फिल्म का पहला पार्ट है वैसे हो सकता है इसका तीसरा भी पार्ट हो इस फिल्म का स्टोरी आइडिया लिखा हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने अपनी खुद की जो पहली फिल्म थी डेब्यू फिल्म उग्रम उससे इंस्पायर होकर इस फिल्म का स्टार्टिंग का जो इनिशियल पोर्सन है वो डेवलप किया हुआ था उसके बाद में पूरा एक खानसार का नया वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है एक फिक्सनल सिटी तैयार की हुई है उसने इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ Bye. इस फिल्म का डायलॉग वो लिखा हुआ है संदीप रेड्डी बंडला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी ने वैसे स्क्रीन प्ले राइटिंग डिरेक्शन है वो किया हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने के जी एफ के जी एफ टू जैसी बड़ी फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ है लीड रोल में विजय सॉरी प्रोडक्शन की कंपनी की बात करें तो विजय किरंग दूर इस फिल्म को होमबाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पर इस फिल्म का बजट करीबन दो करोड़ बताया गया था इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में होमबाले फिल्म वालों ने कुछ जगह पर की रिलीज दिलवाई हुई थी वहीं पे कुछ जगह पे इस फिल्म को अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था वैसे जो उन्होंने खुद की रिलीज़ दिलवाई हुई थी वहाँ पे भी उन्होंने जिस तरह से जो रिलीज दिलवाई तो काफ़ी बड़ी थी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी क्रिएट कुछ नेशनल चेंज के रिगार्डिंग जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तब डंकी फिल्म के साथ इस फिल्म को जिस तरह से जो शोस दिए गए थे उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हुई थी लेकिन लेटर ऑन उन, उन सभी चीज़ों के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी खासी कलेक्शन करके दिखाई और बॉक्स ऑफिस पे फुल फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जिस तरह से जो इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे कुछ गारंटी बेसिस के ऊपर कुछ को फिक्स राइट्स पे बेचे गए थे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो हम्बाले फिल्म वालों ने कर्नाटक में खुद डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में मोक्सा मूवीज प्रत्यंगा सिनेमाज़ ने इस फिल्म को जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूट किया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने इस फिल्म को केरला में डिस्ट्रीब्यूट किया तमिलनाडु में इस फिल्म को रेंट जाइंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ए फिल्म ने सलार फिल्म को नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आंध्र प्रदेश में इस फिल्म को श्री सा श्री साइ सिनेमाज लक्ष्मी नरसिम्मा श्री मना फिल्म स गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के फिल्म श्री टेलीफिल्मी वेंगे सिनेमाज और शिल्प कला एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश के रीजियंस में अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे जो निज़ाम वाला रीजियन था वहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स ने खुद का रिलीज दिलवाया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचे गए थे सलार ने नॉन थिएट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे जिसमें सेटेलाइट डिजिटल ऑडियो राइट्स जो थे वो रिलीज से पहले बेच दिए थे जिसको करीबन तीन करोड़ में बेचा हुआ था डिजनी प्लस का डिजनी स्टार वालों को इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बेचे थे वहीं पे स्ट्रीमिंग राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों को उन्होंने बेचे हुए थे सभी वर्जनस के लिए जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम बात करें इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था वायलेंस और इन सभी चीज़ों के चलते जिस तरह का खून खराबा दिखाया था उसके रीजंस के चलते वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में प्रभाष प्रीति राशु कुमार श्रुति हसन जैसे बड़े एक्टर्स थे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी भुवन गौबड़ा ने की हुई उज्ज्वल कुलकर्णी के द्वारा फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट दिया गया था वायलेंस के चलते इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में रवि बसरो ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स से वाले म्यूजिक ने अपने पास रखे हुए थे साथ ही में इसको कोर लेबल किया हुआ था टीओ ने गाने फिल्म में तीन चार ही थे बाकी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स थे तो वो सभी चीज़ें सभी वजन में क्रिएट की हुई थी इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के सॉरी कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रिबिल स्टार प्रभास जी उन्होंने देवरथा राई सार यानी कि सलार या देवा का रोल प्ले किया हुआ है विदेश आनंद ने यंग देवा का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज सुकुमारन डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक का नाम था वरधा यानी कि वरदा राजा मन्नार दूसरे का नाम था शिवा मन्नार का्तिकी देव जो यंग वरदा राजा मन्नार का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे श्रुति हासन लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जिन्होंने आद्या कृष्णकांत का रोल प्ले किया हुआ है ईश्वरी राव ने देवा की माँ का रोल प्ले किया हुआ जो स्कूल की प्रिंसिपल थी जगपति बाबू ने राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है त्रिनु आनंद ने गायकवाडेलाइस बाबू का रोल प्ले किया हुआ है देवारा ने इसमें ओम का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मा जी ने वाली का रोल प्ले किया है, बॉबी सिंह ने भारवा का रोल प्ले किया हुआ है, जॉन विजय ने रंगा का रोल प्ले किया हुआ है, रामचंद्र राजू रुद्रराज राज मन्नार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे हर्ष रोशन ने इसमें यंग रुद्रराज मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है एम एस चौधरी इस फिल्म में नारंग के रोल में देखने को मिलेंगे रमणा ने इस फिल्म में रिंदा का रोल प्ले किया हुआ है मीम गोपी ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है सीरिया रेड्डी ने राजा रामा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में ओबुलम्मा का रोल प्ले करते नजर आएंगे प्रमोद पंजू ने इस फिल्म में बाची राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है बजरंग सेट्टी ने इसमें विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है सौरव लोकेश ने चीका का रोल प्ले किया हुआ है चिलुआ राज ने इसमें गुरुंग का रोल प्ले किया हुआ है मधु गुरुस्वामी ने हजारे का रोल प्ले किया जो रुद्रा राज के हैंचमैन थे रवि भट्ट ने इसमें कृष्ण

प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अगस्त 2020 की बात है तब प्रभास को अप्रोच किया गया था प्रसन्न नील के द्वारा एक फिल्म बनाना चाहते थे जहाँ पे जो उनकी डेब्यू फिल्म थी उग्रम उससे इनिशियल पोर्शन लेके इस फिल्म को टोटल दो तीन टो, 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 पार्ट में डेवलप किया हुआ था एक कहानी प्रभास को सुनाई थी उनको पसंद भी आई थी प्रोडक्शन का काम दो में स्टार्टिंग में स्टार्ट होने वाला था लेकिन प्रभास की राजेशम और आदिपुर का काम चल रहा था वहीं पर प्रसन्न नील के जेब चैप्टर टू के ऊपर काम चल रहा था तो इन दोनों चीज़ों के चलते फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी वो उस फिल्मों के प्रोपी पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन के चक्कर में फिल्म को पोस्टपोन किए हुए थे वैसे इसके बीच में एन टी आर जूनियर के साथ भी प्रभा सॉरी प्रशांत नील की फिल्म अनाउंस हुई थी तो शायद उनकी तरफ से यही आया था कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि शायद प्रभास की फिल्म से प, 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 पहले हो सकती है या एन टी आर रामा राव की अगर जिस तरह से जो चीज़ें सामने आते उस तरह का रहेगा दो दिसंबर को हम वाले फिल्म बाद में अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि एक बड़ा कोलाप्रेशन होने जा रहा है जहाँ पे प्रशांत नील और प्रभाष के बीच में कोलोब्रेशन होने वाला ये तेलुगु फिल्म है जहाँ पर प्रशांत नील और प्रोडक्शन हाउस की यह पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है जिसका टाइटल सलार रखा हुआ है मुहूर्त पूजा सेरेमनी पंद्रह जनवरी दो को रखी गई थी कास्टर क्यू मेम्बर के साथ हैदराबाद में रवि बसर को म्यूजिक कंपोजिशन के, के साथ उनका भी अप्रोच किया गया तो इस उनके साथ काम किया गया था पार्ट था उसके ऊपर शूटिंग का स्टार्ट था आठ जुलाई दो से करवा दिया गया था आ, वैसे इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है उनके तरफ से सलार का अनाउंसमेंट दो पार्ट में करवाया गया था आठ जुलाई 2023 को जहां पे पहले का सब रखा गया था सी स्पायर पहले ये एक पार्ट में आने वाली फिल्म थी लेकिन 8 जुलाई 2023 को इनको कंफर्म किया कि फिल्म को दो पार्ट में डेवलप किया जाएगा जो उस खानसार का वर्ल्ड है उसको प्रॉपर वे में बिल्डअप करके हमारे सामने पेश किया जाएगा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को प्रशांत नील के द्वारा अप्रोच किया गया था जहां पे प्रशांत नील ने जब प्रभास को अप्रोच किया था तब तो एक बाउंड स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई थी उसके ऊपर सिर्फ एक स्टोरी आइडिया और एक चीज़ें डेवलप की गई थी जहाँ पे उसके ऊपर उन्होंने पूरी फिल्म को डेवलप किया था जहाँ पे बताया जा रहा था प्रभास की तरफ से कुछ इंटरव्यू में कि वो एक एक्सट्रीमली वायलेंट किरदार होने वाला है जिन्होंने अभी तक प्रभास की जितनी भी फिल्में देखी हुई है उन्होंने इस टाइप का किरदार उनका नहीं देखा होगा तो ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी अट्ठाईस जुलाई दो को बताया गया था कि इस फिल्म में श्रुति हासन एज एक्ट्रेस के तौर पर जुड़ी हुई लीड एक्ट्रेस के तौर पर जहाँ पे प्रभास के साथ उनके अपोजिट उनकी ये फिल्म होने वाली है और श्रुति

के बाद का कम बैक होने वाला है तो ये स्ट्रेट तेलुगु फिल्म के लिए उन्होंने करीबन एक जितना समय उसके बाद वो आए हुए इसके अलावा जगपति बाबू मधु गुरु स्वामी ईश्वरी राव श्रीया रेड्डी तीनों आनंद बॉबी सिमहा रामचंद्र राजू पृथ्वीराज झांसी सप्तगिरी जैसे कई ऐसे एक्टर्स है जिसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आए इसके अलावा ट्रेलर और प्रमोशनल ट्रेलर कुछ रिलीज हुए थे तब मीम गोपी और जॉन विजय का प्रेजेंस पता चला था तब पता चला था कि वो भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले तो ये फिल्म की कास्टिंग के साथ काम हुआ था फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म के 27 जुलाई 2021 को गोदरा खाने में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में शूट की गई थी वहां पे श्रुति हसन ने सेट था वो दो दिन लेटर ऑन 29 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म का एक एक्शन सीक्वेंस रखा हुआ था प्रजा, प्रभास के साथ उस सीक्वेंस के दौरान कुछ फ़ोटोज़ थे जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए थे उसके बाद में 8 फरवरी को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर प्रभुवन गौड़ा ने अनाउंस किया था कि पहले पा शेड्यूल का, का काम कंप्लीट हो चुका है सेकंड शेड्यूल है वो 3 अगस्त 2021 से हैदराबाद में स्टार्ट किया जाएगा प्रभाष श्रुति हासन को लेते हुए और वैसे उसके बाद में इसका वो सेकंड शेड्यूल था वो बारह अगस्त तक कम्प्लीट करवाया गया था एक छोटा सा शेड्यूल था उसके बाद में प्रभास ने राजेश्याम दो हजार पाँच में उस फिल्म के लिए इस फ़िल्म से थोड़ा ब्रेक लिया उसके बाद में उनकी नी सर्जरी हुई थी स्पेन में उसके बाद में उन्होंने कल की ट्वेंटी एटी एडी का जो सेट था वो ज्वाइन किया वहाँ पे कुछ कमिटमेंट थी वो कंप्लीट की मई 2022 में 30 परसेंट फिल्म के की शूटिंग कंप्लीट की तीसरा शेड्यूल था वो फिल्म का चौबीस मई को रखा हुआ था और उसके बाद में अट्ठारह मई को शेड्यूल होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते उसको लेटर ऑन पोस्टपोन करना पड़ा उसके बाद में कुछ द सीन्स थे वो एक्शन सीक्वेंस के साथ वो शेयर किए गए थे उसके बाद में 28 जून को हैदराबाद में एक शेड्यूल सेट किया हुआ था उस शेड्यूल में एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे वो एक्शन सीक्वेंस में प्रभास श्रुति हसन और वेज फाइटर उसमें रखे हुए थे स्टंट कोरियोग्राफर के तौर पे इस फिल्म में अन अन्न बीरवी अन्ना बारवी रखे हुए थे इसके अलावा कुछ ऐसे शेड्यूल से लंबे जिसके साथ फिल्म के कुछ एक्शन सिक्वेंस और अलग अलग शेड्यूल रखे हुए थे दिसंबर में प्रोड्यूसर विजय किरंगदूर ने एटी फाइव परसेंट शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है वो अनाउंस किया हुआ था उसके बाद में साथ में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम स्टार्ट करवा दिया गया था वैसे उसके बाद की जो फाइनल शूटिंग है वो फरवरी 2023 में सेट की गई थी उसी महीने में जहाँ पे 20 मिनट लंबा एक एक्शन सीक्वेंस था उसको एक मिडल ऑफ दिस सी शूट किया हुआ था उस सीक्वेंस के लिए करीबन दस हज़ार का सॉरी दस करोड़ का खर्चा किया गया था जहाँ पे श्रुति हसन ने उस सेट को दस फरवरी को ज्वाइन किया हुआ था वीरा सिमा रेड्डी और वोल्टर विले वीरैया फिल्म की जो शूटिंग थी वो वहाँ पर करवाई गई थी सॉरी उस शूटिंग के बाद श्रुति हसन ने उस सेट को ज्वाइन किया हुआ था तेईस फरवरी तक उन्होंने इस शूटिंग के पर अपने पोर्स को कंप्लीट किया था उसके बाद में माटेरा में इस फिल्म के प्रोडक्शन को मूव किया हुआ था उसके बाद में रोम बुडापेस्ट, नेपल्स में इस फिल्म की कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस पे शूट हुआ था इनिशियली फिल्म को 28 सितंबर 2023 को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन ड्यू टू सम रीजंस इस फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा और फिल्म को रीशूट किया गया मिड सितंबर में उसके बाद में फिल्म की फाइनल एडिटिंग के ऊपर भी काम किया गया था कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले थे तो उसको शूट करने के लिए थोड़ा और टाइम लगा था जहाँ पे एक बिग वॉर सीक्वेंस सेट किया हुआ था जिसमें में करीबन सात व्हीकल यूज़ किए गए थे जीप टैंक्स कार इन ट्रक इन सभी चीज़ों को यूज़ किया हुआ था जिस तरह से इनकी शूटिंग चली थी उसमें करीबन काफ़ी लंबा समय लगा था जिसके चलते तीन सालों के अंदर करीबन 114 वर्किंग डेज लगे थे प्री प्रोडक्शन का काम अलग पोस्ट प्रोडक्शन का अलग तो इतने दिनों में इस फिल्म के इस शूटिंग को ब्रेप अप किया गया उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म को ले जाया गया जहाँ पे दिसंबर 2022 में विजय किरंगद ने बताया था कि इसमें वीएफएक्स का काम अराउंड सिक्स मंथ तक चलने वाला है अगस्त 2023 को पोस्ट प्रोडक्शन के काम को बसर विलेज में कर्नाटक में मूव किया था जहाँ पे रवि बसर का स्टूडियो लोकेटेड है वहाँ पे इसको प्रॉपर वे में एक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था श्रुति हसन ने अपने पोषण की डबिंग थी वो मिड जून अगस्त दो हज़ार तेईस तक कम्प्लीट करवाई जहाँ पे जिन्होंने उन्होंने तेलुगु कन्नडा तमिल मलयालम हिंदी सभी वर्जनस के लिए खुद ही डबिंग की डबिंग की हुई थी और उसके बाद में सेप्टेम्बर महीने में इस फिल्म के दूसरे डबिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट करते हुए नजर आए थे पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी दस दिसंबर दो हज़ार तक पूरी डबिंग अपने पोषण की कम्प्लीट करवाई अप्रोक्सीमेटली इस फिल्म में करीबन सिक्स हंड्रेड वेफ यूज किए गए थे जहाँ पे मिड सितंबर तक इसको का काम चला हुआ था जहाँ पे कुछ चीज़ें रीशूट की गई थी कुछ चीज़ों को पोस्टपोन किया गया था जिसके चलते शूटिंग लेट हुई थी जहाँ पे ओरिजिनल रिलीज़ थी अट्ठाईस सेप्टेम्बर की रिलीज डेट अनाउंस की गई थी उसके बाद में वो भी मूव करके बाद में बाईस दिसंबर दो को रिलीज डेट अनाउंस किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं म्यूजिक के राइट थे वो हम वाले म्यूजिक यानी कि फिल्म के प्रोडक्शन के पास थे डी ओ वालों ने इसको को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा 2022 हजार बाईस थे इसमें गानों को रिकॉर्ड किया था रवि रवि बसरु स्टूडियोज में रवि बसरु ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पे उनका इस फिल्म के साथ करीबन चौथा कोलोब्रेशन था प्रशांत नील के साथ इस फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो चार ही गाने थे उसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थे गानों की ट्रैक लिस्टिंग करें तो सभी गानों पहले बता दो कि लिखे हुए कृष्णाकांत ने पहला गाना था सुरिंदे जिसको हरिन इंतुरी ने गाया हुआ था जिसको तेरह दिसंबर 2023 को रवि बसर सॉरी हम्बाले म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था प्रतिका द लो करके जो गाना था उसको कोरस ने गाया हुआ था जिसको 21 दिसंबर 2023 तक ऑफिशियली रिलीज करवाया था उसके एक दिन बाद 22 दिसंबर 2023 को साउंड ऑफ सलार को इंस्ट्रूमेंटल के तौर पे रिलीज़ किया था विनारा गाने को सचिन बसरूर ने गाया हुआ था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पे 26 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया आरू सेतुल्न्ना करके जो गाना था उसको कना कलवर ने गाया हुआ था इसके अलावा सलार के पार्ट वन सीज फायर की ट्रेलर थीम थी सलार के फाइनल पॉइंट थीम थी तो वो टोटल मिला के साठ ट्रैक हुए थे वर्ल्ड ऑफ खांसार का एक इंस्ट्रूमेंटल तैयार किया गया था तो इस तरह से 20 से 22 मिनट का एक साउंड ट्रैक तैयार हुआ था जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था इन सभी गानों को हिंदी में भी क्रिएट किया गया था हिंदी ट्रैक लिस्टिंग करें तो गानों के सभी लिरिक्स थे वो लिखे हुए थे रिया मुखर्जी ने सूरज ही छाव बन के गाना था वो मेनूका पौंडल ने गाया हुआ था किस्मतों में गाने को कोरस ने गाया हुआ था ग्यारह गाने को श्री कृष्णा ने वहीं पे काली माँ वाला जो गाना था उसको शशिका मूर्त ने गाया हुआ था इसके अलावा सभी इंस्ट्रूमेंटल थे तो ये सभी चीज़ें अभी आपको फिलहाल में सुनें तो हम वाले म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर या डीओ के द्वारा जो रिलीज किए गए उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर इन गानों को ऑफिशियली वीडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब बात कर लेते हैं कहानी के ऊपर जहाँ पे देवा जो प्रभास रोल प्ले कर रहे केज लाइफ जी रहे अपनी माँ के साथ जहाँ पे वो तिनसुकिया में अपना एक पीसफुल लाइफ जी रहे लेकिन उनकी माँ के साथ कुछ ऐसा पास्ट हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा का एक डिस्टर्बिंग पास्ट था जहाँ पे ए, उसके बाद में फिल्म की कहानी है वो आद्या की ओर दिखाई जाती है कुछ कुंडे उस आद्या नाम की लड़की के तलाश में श्रुति हसन वो रोल प्ले कर है उस टाउन में वो नई नई आई हुई है और कुछ चीज़ें वो डिस्कवर कर रहे हैं जहाँ पे धीरे धीरे पता चलता है देवा वो का ट्रैक है जो एक दिखाया जाता है इस गैंगस्टर के साथ जहाँ पे जो ये गैंग है गुंस की वो क्यों पीछे पड़ी हुई है वरद राज मन्नार यानी कि पृथ्वी राजसू कुमारन जो खानसा सिटी से बिलोंग करते वो उनके बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ उनकी क्या इक्वेशन है उसके बाद में ये वॉर है जो एक क्रिएट होने वाली है खानसार में उसके ऊपर क्या चीज़ें होने वाली है उसमें देवा का क्या टेक होने वाला है आदिया इस फिल्म में किस तरह से क्या जुड़ी हुई है वो कौन है उसका किरदार क्या? पास्ट क्या है वरदराज क्या करना चाह रहा है अपने दोस्त के साथ उसने क्या, क्या चीज़ें की हुई है वो सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से प्रभास का किरदार लिखा गया था वो एक फुल फ्लेज एक्शन फिल्म के तौर पे लिखा गया था जहाँ पे उनका वो किरदार था वो काफ़ी बढ़िया था उसमें एक्शन सिक्वेंस अच्छे थे इमोशनल सीन्स डाले हुए थे रोमांस भी डाला हुआ था साथ ही में एक माँ मा बेटे की बॉन्डिंग वाले सिक्वेंस भी थे फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग दिखाई हुई थी तो एक प्रॉपर एक किरदार तैयार किया गया था जिसमें काफ़ी देप्स लाई हुई थी और प्रभास ने बखूबी उस किरदार को समझा हुआ है और उस किरदार में उन्होंने जान फोंकी हुई जिस तरह से उन्होंने इस किरदार के साथ एक सीमलेसली काम किया हुआ बढ़िया है सलाह के देवा के रोल में जिस तरह उनका वो रोल डिलीवर करते हुए नजर आते वो काफी बढ़िया था उनका जो कैरेक्टर था उसमें डायलॉग्स बहुत कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें जो वायलेंस दिखाया हुआ उनके फिजिक्स थे डायलॉग डिलीवरी जो दो चार डायलॉग कम थे वो भी उसमें डायलॉग डिलीवरी थी ओवरऑल जिस तरह से उन्होंने जो एक पर्सो है उसमें क्रिएट किया हुआ था उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका बिहेवियर रूथलेस बिहेवियर दिखाया हुआ था एक मिनिसिंग रोल दिखाया हुआ था जिस तरह से एक्सन सिक्वेंस में वो सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं उनके इमोशनल सीन्स थे वो सभी चीज़ें फिल्म में एक स्टेप क्रिएट करती है वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को बेहतर मैनर में आगे बढ़ाते हुए नजर आते पृथ्वीराज सुकुमारन जो इस फिल्म में एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते अपने रोल के साथ एक परफेक्टली वो एक डेप्थ क्रिएट करते हुए नजर आते हैं प्रशांत तिल के साथ उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है प्रशांत तिल ने जिस तरह से उनके पास से जो काम निकलवाया तो शानदार था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से उन्होंने सीन्स में प्रभास के साथ काम किया उनके साथ जितने में जो एक स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था तो वो सभी चीज़ें मिला के फिल्म को और बेहतर बना देती है इसके अलावा इस फिल्म में फर्स्ट हाफ में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है जहाँ पे पूरा जो वर्ल्ड है खान सर का वो दिखाया हुआ है एक एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया हुआ है स्क्रीन प्ले को एक एलिवेटिंग मैनर में दिखाया हुआ है एक्शन सीक्वेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग रखे हुए फिल्म में विसल विशलवर्सी मोमेंट्स भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे फिल्म का इंटरवल क्लाइमैक्स और एलिवेशन वाले सीन्स डेफिनेटली फिल्म के ओर आपको अपील करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में आपको फर्स्ट हाफ आप में जिस तरह से जो डिसेंट पेस देखने को मिलती है सेकंड हाफ में वो पेस थी वो थोड़ी इधर उधर जाती हुई नज़र आती है के जी एफ से आप कंपेयर करने लगते हो तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग इम्पेक्ट क्रिएट करती है और इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से जो जगपति बाबू बॉबी सिमा जोन विजय सीरिया रेड्डी जैसे एक्टर्स के पास काम निकलवाया साथ ही में जिस तरह से ब्रह्मा जो जहाँ से को साइडलाइन किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें बेहतर की जा सकती थी उन सभी एक्टर्स के पास अच्छी रोल अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई जा सकती थी इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से एज अ डायरेक्टर के तौर पे प्रूव किया हुआ है कि वो एलिवेशन वाले सीन है हीरोइज्म वाले सीन है उसको काफ़ी बेहतर तरीके से बताने के लिए जाने जाते हैं इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से स्टोरी स्क्रीन प्ले के ऊपर फोकस किया हुआ है ओवरऑल जो नरेशन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ें मेकर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से सेन्स की हुई है कैमरा वर्क काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफर ने कमेंडेबल काम किया हुआ है बीजीएम फिल्म की अच्छी है जो एलिवेशन वाले सीन से उसको अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते इसके अलावा स्टंट की कोरियोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी उज्ज्वल कुलकर्णी के द्वारा जो एडिटिंग की गई है उसको थोड़ा हाँ क्रिस्प किया जा सकता था लेकिन ओवरऑल अच्छी है प्रोडक्शन वैल्यू कमेंडेबल नज़र आएगी कुल मिला के सलार पार्ट वन सीज फायर एक इंटेंस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे प्रभास की टेरिफिक परफॉर्मेंस पृथ्वीराज सुकुमारन का एक अच्छा सपोर्टिव रोल इसके अलावा जो एक्शन सिक्वेंस है जिस तरह से फिल्म को स्टंट में कोरियोग्राफ किया हुआ उसका जो एक एक्सिक्यूशन निकल के आया हुआ है वो एक अच्छी फिलता देता हुआ नज़र आता है मास ऑडियंस को कनेक्ट करेगा और साथ ही में पता है कि इस फिल्म में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स है जो डेफिनेटली फिल्म को थोड़ा स्लो करते लेकिन ओवरऑल फिल्म खत्म करोगे तो आपको एक सेटिस्फाइंग फिल्म नज़र आएगी तो वर्थ टू वॉच तो जरूर है वर्थ वॉच फिल्म है इसको डेफिनेटली देख सकते हो सलार पार्ट वन सीज फायर को मल्टीपल लैंग्वेजेस में बाईस दिसंबर दो को थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था दो करोड़ का बजट था उसके सामने फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक बड़ी ओपनिंग ली हुई थी ओपनिंग के बाद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी एक डिसेंट टू पॉजिटिव निकला हुआ था जहाँ पे तिप्पन फिफ्टी ति, थ्री थाउजेंड वोट भी फिलहाल में मिले हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म ने डे बाय डे एक बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था पहले दिन फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से नाइन्टी फाइव करोड़ का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर निकला हुआ था इसके इंडिया से वन नाइन्टी फाइव था ओवरऑल एक वन सेवनटी एट पॉइंट सेवन करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया था मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहा जहां पे इस फिल्म ने करीबन तो सात सौ करोड़ से ज़्यादा का क्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह सलार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस लिया वैसे इस फिल्म के ओ टी टी राइट थे नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे थे सैटेलाइट राइट्स थे और स्टार नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको अगर ऑफिशियली देखने हैं तो सलार पार्ट वन सीज फायर नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ देख सकते हो मल्टीपल लैंग्वेजेज में वहीं पर इस फिल्म के स्टार के जितने भी चैनल है वहाँ पे इस फिल्म का सलार का अलग अलग वर्जन में हिंदी तेलुगु, तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन में आ, फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा फिर रिपीट कर देता हूँ कि सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म फिलहाल में नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेजेज में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार माँ जैसी अलग अलग चैनल से जो स्टार की अलग अलग लैंग्वेज के लिए वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है तो वहाँ पर ये फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म आप ऑफिशियली मल्टीपल लैंग्वेज में इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे ये फिल्म ओ टी टी और सेटेलाइट पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे सलार पार्ट वन सीज पायर सलार का वैसे मीनिंग होता है कमांडर ये एक 2023 के इंडियन तेलुगु लैंग्वेज में बनी पेन इंडियन फिल्म है जिसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में थिएट्रिकली रिलीज किया गया था फिल्म का जो है एपिक एक्शन फिल्म ये फिल्म दो पार्ट में बनी हुई फिल्म में ये फिल्म का पहला पार्ट है वैसे हो सकता है इसका तीसरा भी पार्ट हो इस फिल्म का स्टोरी आइडिया लिखा हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने अपनी खुद की जो पहली फिल्म थी डेब्यू फिल्म उग्रम उससे इंस्पायर होकर इस फिल्म का स्टार्टिंग का जो इनिशियल पोर्सन है वो डेवलप किया हुआ था उसके बाद में पूरा एक खानसार का नया वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है एक फिक्शनल सिटी तैयार की हुई है उसमें भी इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ Why? इस फिल्म का डायलॉग वो लिखा हुआ है संदीप रेड्डी बंडला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी ने वैसे स्क्रीन प्ले राइटिंग डिरेक्शन है वो किया हुआ है प्रशांत नील ने जिन्होंने के जी एफ के जी एफ टू जैसी बड़ी फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ है लीड रोल में विजय सॉरी प्रोडक्शन की कंपनी की बात करें तो विजय किरंग दूर इस फिल्म को होमबाले फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पर इस फिल्म का बजट करीबन दो करोड़ बताया गया था इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में होमबाले फिल्म वालों ने कुछ जगह पर की रिलीज दिलवाई हुई थी वहीं पे कुछ जगह पे इस फिल्म को अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था वैसे जो उन्होंने खुद की रिलीज़ दिलवाई हुई थी वहाँ पे भी उन्होंने जिस तरह से जो रिलीज़ दिलवाई तो काफ़ी बड़ी थी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी क्रिएट कुछ नेशनल चेंज के रिगार्डिंग जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तब डंकी फिल्म के साथ इस फिल्म को जिस तरह से जो शोर्स दिए गए थे उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हुई थी लेकिन लेटर ऑन उन, उन सभी चीज़ों के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी खासी कलेक्शन करके दिखाई और बॉक्स ऑफिस पर फुल फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जिस तरह से जो इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे कुछ गारंटी बेसिस के ऊपर कुछ को फिक्स राइट्स में बेचे गए थे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो हम्बाले फिल्म वालों ने कर्नाटक में खुद डिस्ट्रीब्यूट di किया हुआ था इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में मोक्सा मूवीज प्रत्यंगा सिनेमाज़ ने इस फिल्म को जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूट किया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने इस फिल्म को केरला में डिस्ट्रीब्यूट किया तमिलनाडु में इस फिल्म को रेंट जाइंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ए फिल्म ने सलार फिल्म को नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आंध्र प्रदेश में इस फिल्म को श्री सा श्री साइ सिनेमा लक्ष्मी नरसिम्मा श्री मना कंथा फिल्म गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के फिल्म श्री टलीफ़िल्म श्रीवेंगे सिनेमाज और शिल्प कला एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश के रीजियंस में अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे जो निज़ाम वाला रीजियन था वहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स ने खुद का रिलीज दिलवाया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचे गए थे सलार ने नॉन थिएट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे जिसमें सेटेलाइट डिजिटल ऑडियो राइट्स जो थे वो रिलीज से पहले बेच दिए थे जिसको करीबन तीन करोड़ में बेचा हुआ था डिजनी प्लस डिजनी स्टार वालों को इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बेचे थे वहीं पे स्ट्रीमिंग राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों को उन्होंने बेचे हुए थे सभी वर्जनस के लिए जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम बात करें इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था वायलेंस और इन सभी चीज़ों के चलते जिस तरह का खून खराबा दिखाया था उसके रीजंस के चलते वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में प्रभाष प्रीति राशु कुमार श्रुति हसन जैसे बड़े एक्टर्स थे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी भुवन गौबड़ा ने की हुई उज्जवल कुलकर्णी के द्वारा फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडिडल सर्टिफिकेट दिया गया था वायलेंस के चलते इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में रवि बसरु ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स से होमबाली म्यूजिक ने अपने पास रखे हुए थे साथ ही में इसको कोर लेबल किया हुआ था टी ने गाने फिल्में तीन चार ही थे बाकी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स थे तो वो सभी चीजें सभी वजन में क्रिएट की हुई थी इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के सॉरी कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रिबिल स्टार प्रभास जी उन्होंने देवरथा राई सार यानी कि सलार या देवा का रोल प्ले किया हुआ है विदेश आनंद ने यंग देवा का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज सुकुमारन डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक का नाम था वरधा यानी कि वरदा राजा मन्नार दूसरे का नाम था शिवा मन्नार का्तिकी देव जो यंग वरदा राजा मन्नार का रोल प्ले करते तो हुए नजर आए थे श्रुति हासन लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जिन्होंने आद्या कृष्णकांत का रोल प्ले किया हुआ है ईश्वरी राव ने देवा की माँ का रोल प्ले किया हुआ जो स्कूल की प्रिंसिपल थी जगपति बाबू ने राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है त्रिनुआनन्द ने गायकवाड़ेलाइस बाबू का रोल प्ले किया हुआ है देवारा ने इसमें ओम का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मा जी ने वाली का रोल प्ले किया है बॉबी सिम्हा ने भारवा का रोल प्ले किया हुआ है, है। जॉन विजय ने रंगा का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू रुद्रराज राज मन्नार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे हर्ष रोशन ने इसमें यंग रुद्रराज मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है एम एस चौधरी इस फिल्म में नारंग के रोल में देखने को मिलेंगे रमणा ने इस फिल्म में रिंदा का रोल प्ले किया हुआ है मीम गोपी ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है सीआ रेड्डी ने राजा रामा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में ओबुलम्मा का रोल प्ले करते नजर आएंगे प्रमोद पंजू ने इस फिल्म में बाची राजा मन्नार का रोल प्ले किया हुआ है बजरंग सेट्टी ने इसमें विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है सौरव लोकेश ने चीका का रोल प्ले किया हुआ है चिलुआ राज ने इसमें गुरुंग का रोल प्ले किया हुआ है मधु गुरुस्वामी ने हजारे का रोल प्ले किया जो रुद्रा राज के हैंचमैन थे रवि भट्ट ने इसमें कृष्ण

प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अगस्त 2020 की बात है तब प्रभास को अप्रोच किया गया था प्रसन्न नील के द्वारा एक फिल्म बनाना सा चाहते थे जहाँ पे जो उनकी डेब्यू फिल्म थी उग्रम उससे इनिशियल पोर्शन लेके इस फिल्म को टोटल दो तीन टो, 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 पार्ट में डेवलप किया हुआ था एक कहानी प्रभास को सुनाई थी उनको पसंद भी आई थी प्रोडक्शन का काम दो में स्टार्टिंग में स्टार्ट होने वाला था लेकिन प्रभास की राधेशम और आदिपुर का काम चल रहा था वहीं पर प्रसन्न नील के के चैप्टर टू के ऊपर काम चल रहा था तो इन दोनों चीज़ों के चलते फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी वो उस फिल्मों के प्रोपी पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन के चक्कर में फिल्म को पोस्टपोन किए हुए थे वैसे इसके बीच में एन टी आर जूनियर के साथ भी प्रभा सॉरी प्रशांत नील की फिल्म अनाउंस हुई थी तो शायद उनकी तरफ से यही आया था कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि शायद प्रभास की फिल्म से प, 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 पहले हो सकती है या एन टी रामा राव की अगर जिस तरह से जो चीज़ें सामने आते उस तरह का रहेगा दो दिसंबर को हम वाले फिल्म बाद में अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि एक बड़ा कोलाब्रेशन होने जा रहा है जहाँ पे प्रशांत नील और प्रभाष के बीच में कोलोब्रेशन होने वाला ये तेलुगु फिल्म है जहाँ पर प्रशांत नील और प्रोडक्शन हाउस की ये पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है जिसका टाइटल सलार रखा हुआ है मुहूर्त पूजा सेरेमनी पंद्रह जनवरी दो को रखी गई थी कास्टर क्यू मेम्बर के साथ हैदराबाद में रवि बसरूर को म्यूजिक कंपोजिशन के लिए लिया लिया गया जहाँ पर प्रशांत नील के साथ उनका कंसेक्यूटिव चौथा कोलैबोरेशन था भुवन गोवडा उज्वल कलकनी जिन्होंने केजीएफ चैप्टर टू में भी काम किया था उनको भी अप्रोच किया गया तो इस तरह उनके साथ काम किया गया था इस फिल्म का पहला पार्ट था उसके ऊपर शूटिंग का स्टार्ट था 8 जुलाई 2023 से करवा दिया गया था आ, वैसे इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है वह उनके तरफ से सलार का अनाउंसमेंट दो पार्ट में करवाया गया था आठ जुलाई 2023 को जहाँ पे पहले पे का सब रखा गया था सीज फायर पहले ये एक पार्ट में आने वाली फिल्म थी लेकिन आठ जुलाई 2023 को इनको कंफर्म किया कि फिल्म को दो पार्ट में डेवलप किया जाएगा जो खानसार का वर्ल्ड है उसको प्रॉपर वे में बिल्डअप करके हमारे सामने पेश किया जाएगा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को प्रशांत नील के द्वारा अप्रोच किया गया था जहाँ पे प्रशांत नील ने जब प्रभास को अप्रोच किया था तब तो एक बाउंड स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई थी उसके ऊपर सिर्फ एक स्टोरी आइडिया और एक चीज़ें डेवलप की गई थी जहाँ पे उसके ऊपर उन्होंने पूरी फिल्म को डेवलप किया था जहाँ पे बताया जा रहा था प्रभास की तरफ से कुछ इंटरव्यू में कि वो एक एक्सट्रीमली वायलेंट किरदार होने वाला है जिन्होंने अभी तक प्रभास की जितनी भी फिल्में देखी हुई है उन्होंने इस टाइप का किरदार उनका नहीं देखा होगा तो ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी अट्ठाईस जुलाई दो को बताया गया था कि इस फिल्म में श्रुति हासन एज एक्ट्रेस के तौर पर जुड़ी हुई लीड एक्ट्रेस के तौर पर जहाँ पे प्रभास के साथ उनके अपोजिट उनकी ये फिल्म होने वाली है और श्रुति

के बाद का कम बैक होने वाला है तो ये स्ट्रेट तेलुगु फिल्म के लिए उन्होंने करीबन एक जितना समय उसके बाद वो आए हुए इसके अलावा जगपति बाबू मधु गुरु स्वामी ईश्वरी राव श्रीया रेड्डी तीनों आनंद बॉबी सिमहा रामचंद्र राजू पृथ्वीराज झांसी सप्तगिरी जैसे कई ऐसे एक्टर्स है जिसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आए इसके अलावा ट्रेलर और प्रमोशनल ट्रेलर कुछ रिलीज हुए थे तब मीम गोपी और जॉन विजय का प्रेजेंस पता चला था तब पता चला था कि वो भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले तो ये फिल्म की कास्टिंग के साथ काम हुआ था फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म के 27 जुलाई 2021 को गोदरा खाने में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में शूट की गई थी वहां पे श्रुति हसन ने सेट था वो दो दिन लेटर ऑन 29 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म का एक एक्शन एक सीक्वेंस रखा हुआ था प्रजा, प्रभास के साथ उस सीक्वेंस के दौरान कुछ फ़ोटोज़ थे जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए थे उसके बाद में 8 फरवरी को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर प्रभुवन गौड़ा ने अनाउंस किया था कि पहले पा शेड्यूल का, का काम कंप्लीट हो चुका है सेकंड शेड्यूल है वो 3 अगस्त 2021 से हैदराबाद में स्टार्ट किया जाएगा प्रभाष श्रुति हासन को लेते हुए और वैसे उसके बाद में इसका वो सेकंड शेड्यूल था वो बारह अगस्त तक कम्प्लीट करवाया गया था एक छोटा सा शेड्यूल था उसके बाद में प्रभास ने राजेश्याम दो हज़ार पाँच में उस फिल्म के लिए इस फ़िल्म से थोड़ा ब्रेक लिया उसके बाद में उनकी नी सर्जरी हुई थी स्पेन में उसके बाद में उन्होंने कल की ट्वेंटी एटी नाइनटी एडी का जो सेट था वो ज्वाइन किया वहाँ पे कुछ कमिटमेंट थी वो कंप्लीट की मई 2022 में 30 परसेंट फिल्म के की शूटिंग कंप्लीट की तीसरा शेड्यूल था वो फिल्म का चौबीस मई को रखा हुआ था और उसके बाद में अट्ठारह मई को शेड्यूल होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते उसको लेटर ऑन पोस्टपोन करना पड़ा उसके बाद में कुछ द सीन्स थे वो एक्शन सीक्वेंस से के साथ वो शेयर किए गए थे उसके बाद में 28 जून को हैदराबाद में एक शेड्यूल सेट किया हुआ था उस शेड्यूल में एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे वो एक्शन सीक्वेंस में प्रभास श्रुति हसन और वेज फाइटर उसमें रखे हुए थे स्टार्ट कोरियोग्राफर के तौर पे इस फिल्म में अन अन्न बीरवी अन्ना बारवी स्टार रखे हुए थे इसके अलावा कुछ ऐसे शेड्यूल से लंबे जिसके साथ फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस और अलग अलग शेड्यूल रखे हुए थे दिसंबर में प्रोड्यूसर विजय किरंगदूर ने 85 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है वो अनाउंस किया हुआ था उसके बाद में साथ में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम स्टार्ट करवा दिया गया था वैसे उसके बाद की जो फाइनल शूटिंग है वो फरवरी 2023 में सेट की गई थी उसी महीने में जहाँ पे 20 मिनट लंबा एक एक्शन सीक्वेंस था उसको एक मिडल ऑफ दी सी शूट किया हुआ था उस सीक्वेंस के लिए करीबन दस हज़ार का सॉरी दस करोड़ का खर्चा किया गया था जहाँ पे श्रुति हसन ने उस सेट को दस फरवरी को ज्वाइन किया हुआ था वीरा सिमा रेड्डी और वोल्टर विले वीरैया फिल्म की जो शूटिंग थी वो वहाँ पर करवाई गई थी सॉरी उस शूटिंग के बाद श्रुति हसन ने उस सेट को ज्वाइन किया हुआ था तेईस फरवरी तक उन्होंने इस शूटिंग के पर अपने पोर्स को कंप्लीट किया था उसके बाद में माटेरा में इस फिल्म के प्रोडक्शन को मूव किया हुआ था उसके बाद में रोम बुडापेस्ट, नेपल्स में इस फिल्म की कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस पे शूट हुआ था इनिशियली फिल्म को 28 सितंबर 2023 को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन ड्यू टू सम रीजंस इस फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा और फिल्म को रीशूट किया गया मिड सितंबर में उसके बाद में फिल्म की फाइनल एडिटिंग के ऊपर भी काम किया गया था कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले थे तो उसको शूट करने के लिए थोड़ा और टाइम लगा था जहाँ पे एक बिग वॉर सीक्वेंस सेट किया हुआ था जिसमें करीबन 750 व्हीकल यूज़ किए गए थे जीप टैंक्स कार इन ट्रक इन सभी चीज़ों को यूज़ किया हुआ था जिस तरह से इनकी शूटिंग चली थी उसमें करीबन काफ़ी लंबा समय लगा था जिसके चलते तीन सालों के अंदर करीबन 114 वर्किंग डेज लगे थे प्री प्रोडक्शन का काम अलग पोस्ट प्रोडक्शन का अलग तो इतने दिनों में इस फिल्म की इस शूटिंग को ब्रेप किया गया उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म को ले जाया गया जहाँ पे दिसंबर 2022 में विजय दो ने बताया था कि इसमें वीएफएक्स का काम अराउंड सिक्स मंथ तक चलने वाला है अगस्त 2023 को पोस्ट प्रोडक्शन के काम को बसर विलेज में कर्नाटक में मूव किया था जहाँ पे रवि बसुर का स्टूडियो लोकेटेड है वहाँ पे इसको प्रॉपर वे में एक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया श्रुति हसन ने अपने पोषण की डबिंग थी वो मिड जून अगस्त दो हज़ार तेईस तक कम्प्लीट करवाई जहाँ पे जिन्होंने उन्होंने तेलुगु कन्नड़ा तमिल मलयालम हिंदी सभी वर्जन के लिए खुद ही डबिंग की डबिंग की हुई थी और उसके बाद में सेप्टेम्बर महीने में इस फिल्म के दूसरे डबिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट करते हुए नजर आए थे पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी दस दिसंबर दो हज़ार तक पूरी डबिंग अपने पोषण की कम्प्लीट करवाई अप्रोक्सीमेटली इस फिल्म में करीबन सिक्स हंड्रेड वेफ किए गए थे जहाँ पे मिड सितंबर तक इसको का काम चला हुआ था जहाँ पे कुछ चीज़ें रीशूट की गई थी कुछ चीज़ों को पोस्टपोन किया गया था जिसके चलते शूटिंग लेट हुई थी जहाँ पे ओरिजिनल रिलीज़ थी अट्ठाईस सेप्टेम्बर की रिलीज डेट अनाउंस की गई थी उसके बाद में वो भी मूव करके बाद में बाईस दिसंबर दो को रिलीज डेट अनाउंस किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं म्यूजिक के राइट्स थे वो हम वाले म्यूजिक यानी कि फिल्म के प्रोडक्शन के पास थे डी ओ वालों ने इसको को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा 2022 हजार बाईस से इसमें गानों को रिकॉर्ड किया था रवि रवि बसरु स्टूडियोज में रवि बसरु ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पर उनका इस फिल्म के साथ करीबन चौथा कोलोब्रेशन था प्रशांत नील के साथ इस फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो चार ही गाने थे उसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थे गानों की ट्रैक लिस्टिंग करें तो सभी गानों पहले बता दो कि लिखे हुए कृष्णाकांत ने पहला गाना था सुरिंदे जिसको हरिन इंतुरी ने गाया हुआ था जिसको तेरह दिसंबर 2023 को रवि बसर सॉरी हम्बाले म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था प्रतिका द लो करके जो गाना था उसको कोरस ने गाया हुआ था जिसको 21 दिसंबर 2023 तक ऑफिशियली रिलीज करवाया था उसके एक दिन बाद 22 दिसंबर 2023 को साउंड ऑफ सलार को इंस्ट्रूमेंटल के तौर पर रिलीज़ किया था विनारा गाने को सचिन बसरूर ने गाया हुआ था उसको फोर्ट सिंगल के तौर पर छब्बीस दिसंबर दो को रिलीज़ किया आरू सेतुल्न्ना करके जो गाना था उसको कना कलवर ने गाया हुआ था इसके अलावा सालारा के पार्ट वन सीज फायर की ट्रेलर थीम थी सलार के फाइनल पॉइंट थीम थी तो वो टोटल मिला के साठ ट्रैक हुए थे वर्ल्ड ऑफ खांसार का एक इंस्ट्रूमेंटल तैयार किया गया था तो इस तरह से 20 से 22 मिनट का एक साउंड ट्रैक तैयार हुआ था जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था इन सभी गानों को हिंदी में भी क्रिएट किया गया था हिंदी ट्रैक लिस्टिंग करें तो गानों के सभी लिरिक्स थे वो लिखे हुए थे रिया मुखर्जी ने सूरज ही छाव बन के गाना था वो का पौंडल ने गाया हुआ था किस्मतों में गाने को कोरस ने गाया हुआ था ग्यारह गाने को श्री कृष्णा ने वहीं पे काली माँ वाला जो गाना था उसको सशिका मूर्त ने गाया हुआ था इसके अलावा सभी इंस्ट्रूमेंटल थे तो ये सभी चीज़ें अभी आपको फिलहाल में सुनें तो हम्बाले म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर या डीओ के द्वारा जो रिलीज़ किए गए उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर इन गानों को ऑफिशियली वीडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब बात कर लेते हैं कहानी के ऊपर जहाँ पे देवा जो प्रभास रोल प्ले कर रहे जो लाइफ जी रहे अपनी माँ के साथ जहाँ पे वो तीन में अपना एक पीसफुल लाइफ जी रहे लेकिन उनकी माँ के साथ कुछ ऐसा पास्ट हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा का एक डिस्टर्बिंग पास्ट था जहाँ पे ए, उसके बाद में फिल्म की कहानी है वो आद्या की ओर दिखाई जाती है कुछ कुंडे उस आद्या नाम की लड़की के तलाश में श्रुति हसन वो रोल प्ले कर है उस टाउन में वो नई नई आई हुई है और कुछ चीज़ें वो डिस्कवर कर रहे हैं जहाँ पे धीरे धीरे पता चलता है देवा वो का ट्रैक है जो एक दिखाया जाता है इस गैंगस्टर के साथ जहाँ पे जो ये गैंग है गुन्स की वो क्यों पीछे पड़ी हुई है वरदा राजा अमरनाथ यानी कि पृथ्वी राजसू कुमारन जो खानसा सिटी से बिलोंग करते हैं वो उनके बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ उनकी क्या इक्वेशन है उसके बाद में ये वॉर है जो एक क्रिएट होने वाली है खानसार में उसके ऊपर क्या चीज़ें होने वाली है उसमें देवा का क्या टेक होने वाला है आदिया इस फिल्म में किस तरह से क्या जुड़ी हुई है वो कौन है उसका किरदार क्या? पास्ट क्या है वरदराज क्या करना चाह रहा है अपने दोस्त के साथ उसने क्या, क्या चीज़ें की हुई है वो सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से प्रभास का किरदार लिखा गया था वो एक फुल फ्लेज एक्शन फिल्म के तौर पे लिखा गया था जहाँ पे उनका वो किरदार था वो काफ़ी बढ़िया था उसमें एक्शन सिक्वेंस अच्छे थे इमोशनल सीन्स डाले हुए थे रोमांस भी डाला हुआ था साथ ही में एक माँ मा बेटे की बॉन्डिंग वाले सिक्वेंस भी थे फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग दिखाई हुई थी तो एक प्रॉपर एक किरदार तैयार किया गया था जिसमें काफ़ी देप्स लाई हुई थी और प्रभास ने बखूबी उस किरदार को समझा हुआ है और उस किरदार में उन्होंने जान फूँकी हुई जिस तरह से उन्होंने इस किरदार के साथ एक सिमलेसली काम किया हुआ बढ़िया है सलाह के देवा के रोल में जिस तरह उनका वो रोल डिलीवर करते हुए नजर आते वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो कैरेक्टर था उसमें डायलॉग्स बहुत कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें जो वायलेंस दिखाया हुआ उनके फिजिक्स थे डायलॉग डिलीवरी जो दो चार डायलॉग कम थे वो भी उसमें डायलॉग डिलीवरी थी ओवरऑल जिस तरह से उन्होंने जो एक पर्सोना उसमें क्रिएट किया हुआ था उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका बिहेवियर रूथलेस बिहेवियर दिखाया हुआ था एक मीनिसिंग रोल दिखाया हुआ था जिस तरह से सेक्वंस में वो सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं उनके इमोशनल सीन्स थे वो सभी चीज़ें फिल्म में एक टेप क्रिएट करती है वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को बेहतर में आगे बढ़ाते हुए नजर आते पृथ्वीराज सुकुमारन जो इस फिल्म में एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते अपने रोल के साथ एक परफेक्टली वो एक डेप्थ क्रिएट करते हुए नज़र आते प्रशांत तिल के साथ उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है प्रशांत ने जिस तरह से उनके पास से जो काम निकलवाया तो शानदार था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से उन्होंने सीन्स में प्रभास के साथ काम किया उनके साथ जितने में जो एक स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था तो वो सभी चीज़ें मिला के फिल्म को और बेहतर बना देती है इसके अलावा इस फिल्म में फर्स्ट हाफ में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है जहाँ पे पूरा जो वर्ल्ड है खान सर का वो दिखाया हुआ है एक एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया हुआ है स्क्रीन प्ले को एक एलिवेटिंग मैनर में दिखाया हुआ है एक्शन सिक्वेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग रखे हुए फिल्म में विशलवर्सी मोमेंट्स भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे फिल्म का इंटरवल क्लाइमैक्स और एलिवेशन वाले सीन्स डेफिनेटली फिल्म की ओर आपको अपील करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में आपको फर्स्ट हाफ आप में जिस तरह से जो डिसेंट पेस देखने को मिलती है सेकंड हाफ में वो पेस थी वो थोड़ी इधर उधर जाती हुई नज़र आती है के जी एफ से आप कंपेयर करने लगते हो तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग इम्पेक्ट क्रिएट करती है और इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से जो जगपति बाबू बोबी सिमा जोन विजय सीरिया रेड्डी जैसे एक्टर्स के पास काम निकलवाया साथ ही में जिस तरह से ब्रह्मा जो जहाँ से को साइडलाइन किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें बेहतर की जा सकती थी उन सभी एक्टर्स के पास अच्छी रोल अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई जा सकती थी इसके अलावा प्रशांत नील ने जिस तरह से एज अ डायरेक्टर के तौर पे प्रूव किया हुआ है कि वो एलिवेशन वाले सीन है हीरोइज्म वाले सीन है उसको काफ़ी बेहतर तरीके से बताने के लिए जाने जाते हैं इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से स्टोरी स्क्रीन प्ले के ऊपर फोकस किया हुआ है ओवरऑल जो नरेशन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ें मेकर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से की हुई है कैमरा वर्क काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफर ने कमेंडेबल काम किया हुआ है बीजीएम फिल्म की अच्छी है जो एलिवेशन वाले सीन से उसको अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते इसके अलावा स्टंट की कोरियोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी उज्ज्वल कुलकर्णी के द्वारा जो एडिटिंग की गई है उसको थोड़ा हाँ किया जा सकता था लेकिन ओवरऑल अच्छी है प्रोडक्शन वैल्यू कमेंडेबल नजर आएगी कुल मिला के सलार पार्ट वन सीज फायर एक इंटेंस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे प्रभास की टेलीफिक परफॉर्मेंस पृथ्वीराज सुकुमारन का एक अच्छा सपोर्टिव रोल इसके अलावा जो एक्शन सिक्वेंस है जिस तरह से फिल्म को स्टंट में कोरियोग्राफ किया हुआ उसका जो एक एक्सिक्यूशन निकल के आया हुआ है वो एक अच्छी देता हुआ नजर आता है मास ऑडियंस को कनेक्ट करेगा और साथ ही में पता है कि इस फिल्म में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स है जो डेफिनेटली फिल्म को थोड़ा स्लो करते थे लेकिन ओवरऑल फिल्म खत्म करोगे तो आपको एक सेटिस्फाइंग फिल्म नजर आएगी तो वर्थ टू वॉच तो जरूर है वर्थ वॉच फिल्म है इसको डेफिनेटली देख सकते हो सलार पार्ट वन सीज फायर को मल्टीपल लैंग्वेजेस में बाईस दिसंबर दो को थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था दो करोड़ का बजट था उसके सामने फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक बड़ी ओपनिंग ली हुई थी ओपनिंग के बाद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी एक डिसेंट टू पॉजिटिव निकला हुआ था जहाँ पे तिपन तीन फिफ्टी थ्री थाउजेंड वोट भी फिलहाल में मिले हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म ने डे बाय डे एक बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था पहले दिन फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफी बढ़िया तरीके से नाइन्टी फाइव करोड़ का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर निकला हुआ था इसके इंडिया से वन नाइनटी फाइव था ओवरऑल एक वन सेवनटी एट पॉइंट सेवन करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया था मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहा जहां पे इस फिल्म ने करीबन सात सौ करोड़ से ज़्यादा का क्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से सलार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस लिया वैसे इस फिल्म के ओटीटी राइट्स टी, -टी राइट थे नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको अगर ऑफिशियली देखने हैं तो सलार पार्ट वन सीज फायर नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो मल्टीपल लैंग्वेजेज में वहीं पर इस फिल्म के स्टार के जितने भी चैनल है वहाँ पे इस फिल्म का सलार का अलग अलग वर्जन में हिंदी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन में आ, फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म फिलहाल में नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार माँ जैसी अलग अलग चैनल से जो स्टार की अलग अलग लैंग्वेज के लिए वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है तो वहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म आप ऑफिशियली मल्टीपल लैंग्वेज में इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे ये फिल्म ओ टी टी और सेटेलाइट पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे तो बस गायस सलार पार्ट वन सीज फायर फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें तो थे वे मैंने शेयर कर दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक डिटेलिंग दे दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू